So good morning everyone and afternoon, sorry. So thank you for inviting me and thank you for coming here, Abhi. इतना अच्छा मौसम है बाहर एंड हम आप मेरे को सुनने आ गए सो so, okay, वो क्या वो एस्पिरेंट्स है ना वेब सीरीज़ में जैसे कि फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड एस्पिरेंट फर्स्ट ऐसा कुछ बोलता है ना वो सो आई थिंक यही है वो बिकॉज इतने अच्छे मौसम में बाहर एंड हम यहाँ पे वापस यू पी एस करने आ गए बट इम्पॉर्टेंट भी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ कि वाट वाज माई इंट्रोडक्शन सॉरी वट वॉज माई बैकग्राउंड एंड वाई आई स्टार्टड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सो आई ग्रेजुएटेड फ्राम आई टी आईस एम धनबाद एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ये मेरा फर्स्ट ईर अटैम्प था एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी में ही एक्चुअली मेरा पहले प्लान यह था कि मैं एक साल जॉब करके एंड देन आई गिव द एग्ज़ाम बट उस साल ही कोविड आ गया लॉकडाउन हो गया एवरी थिंग तो आई स्टार्ट प्रिपेरिंग फ्राम होम बिकॉज ज़्यादा टाइम का भी मिलने नहीं वाला था एंड आई लेफ्ट माई जॉब सिक्स मंथ्स डाउन द लाइन टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम तो जून दो हज़ार बीस आई थिंक जून टू थाउजेंड ट्वेंटी इज़ वन आई स्टार्टड प्रिपेरिंग एंड जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में प्रिजेंस था सो आई हैड ओनली वन ईयर टू प्रिपेयर फॉर दी एग्जाम एंड uh, उसी टाइम पे मुझे सब कुछ करना था ऑप्शनल जी ए जो भी हमको करना होता है इस एग्जाम के लिए सो दैट वाज माय ओवरऑल हाउ आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम एंड देन दिस वन थिंग आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि यू नीड टू नो व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम राइट वेन आई हैड स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड जब मैं कुछ टॉपर्स के टॉक्स देखता था तो मुझे ऐसा लगता था ये बार बार इस चीज़ पर एन्फोसिस क्यों करते हैं मुझे लगता था ये बेकार की बातें हैं तो क्लियर होने के बाद कोई भी कुछ भी बोलता है बट वैन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉब्लम ये होगी कि सम डेज यू वॉन्ट टू स्टडी अलॉट बट दे टाइम्स वैन यू विल बी एट लो पॉइंट इन योर प्रिपरेशन राइट एंड उस लो में आप काफ़ी लो चले जाते हैं तो उस टाइम पे यू नीड टू नो वाई यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन क्योंकि आप अपने ट्वेंटीज़ में एक अपना इतना टाइम डिवोट कर इस एग्जाम के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिस्क आप क्यों ले रहे हैं अपने लाइफ में एक स्टेबल जॉब छोड़ के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के आप एक साल तो तैयारी करेंगे फिर एक साल एग्जाम चलेगा तो आप ये रिस्क क्यों लेना चाह रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है एंड जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो जब वो एग्जाम में आप लो पॉइंट पर आएंगे तो आपको हमेशा छोड़ के भागने का मन करेगा एंड तब शायद आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वापस आना उस लो से हाई में वापस आने के लिए टू नो वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन पहले ही एंड एज ए सेट पहले मेरे को लगता था कि ये सब फालतू की बातें होती हैं हर कोई आके बोलता है बट फॉर मी आई थिंक इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली वेन आई वॉज ट्रबल्ड इन माई प्रेपरेशन राइट तो दिस आई वॉन्ट टू सेव फर्स्ट ऑफ़ ऑल सेकेंडली जो बेसिक मंत्रा इस एग्जाम का है फॉर ऑल एस्पेक्ट्स चाहे प्रिलिम्स हो मेन्ज हो या पी टी हो दी इंटरव्यू इट इज़ रिवाइज रिवाइज स्टडी रिवाइज अगेन एंड देन टेस्ट और उसके बाद पी वाई क्यूज ये आपको हर स्टेज पर करना है और आपको इतना ही करना है इतने में ही एग्जाम क्लियर होता है इतने में ही मैंने किया है राइट एंड इसके बाद एक चीज़ दो चीज़ पर और मैं बात करूँगा बिफोर आई स्टार्ट दर सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल

आई एम समन हू कम्स फ्राम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो सी सैट मेरे लिए ईजी रहा होगा तो आप मेरी सी सैट की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर सकते अगर आपको दिक्कत है उसमें राइट right? तो so, सबसे पहले आप एक राइट टॉपर आइडेंटिफाई करिए मेरे केस में वो कनिष्क कटारिया सर थे बिकॉज आई एम माई ऑप्शन इज मैथमेटिक्स एंड मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था उनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड इट वॉज अ प्री सिमिलर स्टोरी कि वो जॉब छोड़ के आए थे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड वॉट ही डिड हाउ ही डिड सो आई फॉलोड हिम रियली वेल एंड जो जो उन्होंने चीजें की आई ट्राई टू रेप्लीकेट दैट मेरी 80 टू एटी परसेंट जो प्रिपरेशन है उनके स्ट्रैटजी के आसपास रिवॉल्व की थी एंड दिस डज़ नॉट मीन दैट इट विल वर्क फॉर ऑल ऑफ़ यू तो आप लोग को अपने लिए कोई एक सोर्स ऑफ गाइडेंस जो आपको लगता है जो इतने सारे टॉपर्स के टॉक्स होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं बिकॉज आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किससे आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं कौन आपके बैकग्राउंड से है कौन आपके ऑप्शनल से है और उन्होंने अपने ऑप्शनल के साथ मेन्स वगैरह की तैयारी कैसे की एंड फिर आप उनसे कुछ इंस्परेशन लेके अपनी तैयारी उस तरीके से कर सकते हैं राइट तो Uh, ये राइट टॉपर वाला सीन है अगेन आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत बोलता है या सही बोलता है इट इज़ फॉर यू टू आइडेंटिफाई हु विल बी योर इंस्पिरेशन फॉर प्रिपरेशन राइट नॉट फॉर द अदर थिंग द वाई क्वेश्चन बट जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो क्या नोट्स आप पढ़ेंगे क्या बुक्स आप पढ़ेंगे स्पेशली ऑप्शनल में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोचिंग पे एक बहुत सवाल आता है सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई पिक अप बिफोर आई स्टार्ट यू नो जो प्री मेन्ज एवरीथिंग तो कोचिंग मैथ्स में एक चीज़ होती है कि जब हमको कुछ प्रूफ करना होता है ना गलत है तो हम वो प्रूफ करते हैं कि इट इज़ नीदर नेसेसरी नॉर सफिशेंट कोचिंग का भी वही सीन है इट इज़ नॉट नेसेसरी लोग बिना कोचिंग के भी ये एग्जाम क्लियर करते हैं बट ऐसा नहीं है कि आपने कोचिंग ले लिया तो कुछ गलत कर दिया है बट सफिशेंट नहीं है कोचिंग कि आपने कोचिंग ले लिया तो आपका हो ही जाना एग्जाम इन इधर केस आपको सेल्फ स्टडी करनी ही है इस एग्जाम में विदाउट दैट ये नहीं होने वाला एग्ज़ाम इट इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट सेल्फ स्टडी का कोई Uh, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है इस एग्जाम में राइट right? एंड आपको पता होना चाहिए जैसे आप लोगों ने कोचिंग ली है तो क्यों ली है आप लोगों में से uh, क्यों किसी ने कोई मेरे को बताएगा कोचिंग क्यों ली है आपने मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करूंगा अदरवाइज तो मैं आके यहाँ बोलते रहूँगा आप भी सो जाओगे मैं भी सो जाऊँगा कुछ इंटरेक्टिव रखते हैं सो हाँ बेटर डायरेक्शन ठीक है गुड और गाइडेंस सर गाइडेंस राइट रेगुलरिटी एनवायरमेंट सॉरी ओके okay, हो सकता है मेरे लिए बहुत सिंपल था आप कोचिंग यहाँ पे इसलिए मत आइए कि आपको नॉलेज मिलेगी यहाँ पे समझ रहे हो कि आपको कोई पढ़ाएगा तो आप पढ़ने के लिए कोचिंग मत आओ पढ़ तो आप खुद भी लोगे मान लो लक्ष्मीकांत में कोई चीज़ है आपको नहीं समझ आ रही तीन बार चार बार करके यूट्यूब पर वीडियो देखे आप समझ जाओगे बट वाई यू आर कमिंग टू कोचिंग कि जब आपको वो टीचर पढ़ाएंगे तो वो चीज़ आपको एक बार में समझ आएगी एंड जब आप जाके दोबारा लक्ष्मीकांत में वो चीज़ पढ़ेंगे तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिविजन फॉर यू आप उसको स्क्रैच से नहीं पढ़ रहे हैं इससे होगा क्या कोई बता सकता है टाइम बचेगा एंड टाइम का बहुत बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में ये पूरा एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का गेम है टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे ये दोनों चीज़ें बैलेंस करते हो उस पर ही आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं मैंने भी कोचिंग में एनरोल किया था आई आई एनरोल एट ट्राउज आई उनके ऑनलाइन बैच में था मैं राइट जैसे आप लोग ने हूँ अभी तो एंड एक और चीज़ है बहुत लोग पूछते हैं अच्छा कोचिंग कौन सा है खराब कोचिंग कौन सा है सारे कोचिंग बराबर हैं ठीक है हर किसी में कोई सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जाता है कोई सब्जेक्ट खराब पढ़ाया जाता है एंड वो हर किसी के लिए चेंज भी करता है किसी को हो सकता है कोई एक टीचर से कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगे किसी को वही चीज़ नहीं अच्छी लगे राइट सो देर इज नो राइट एंड रॉन्ग एज फार एज कोचिंग कंसर्न यू हैव एनरोल्ड ट्रस्ट वोटर दे विल गिव यू आपने आप फीस किसी रीजन से पे किया है राइट right? कि वो आपको कुछ मटेरियल देंगे वो आपको कुछ पढ़ाएंगे आप कुछ नोट्स बनाओगे तो उस पर ट्रस्ट करो बार बार इधर उधर भागना मत कि यहां पे ये चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी तो मैं जाके कुछ और चीज़ें खरीद लेता हूँ मार्केट से घर पे लाइब्रेरी मत बनाना समझ रहे हो ना यू हैव टू स्टडी लेस एंड उधर से ही एग्जाम क्लियर होगा राइट सो बिफोर दिस इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस एनीथिंग आई वुड लव टू अदरवाइज उसके बाद हम प्रीलिम्स के लिए वी विल स्टार्ट ऑफ राइट अगर कुछ और है जो आप चाहते हो मैं डिस्कस करूँ बिफोर गेटिंग इन टू द एग्जाम एज सच राइट एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग न्यूज पेपर हाँ वो करंट अफेयर्स में आएगा आई विल टेल यू दैट दैर मैं मैल <laughs> Um, अभी तो feeling good. <laughs> नहीं नो नो नो। एग्जाम क्लियर होगा ना तो आपको दो घंटे पता ही नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो गया है And, uh, जब रिजल्ट uh, आ रहा था तो उसके दो मिनट पहले भी मैं सोच रहा था कि मेरी लास्ट रैंक भी आ गई ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा बिकॉज उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए एंड क्लियर uh, होने के दो घंटे बाद मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया क्या चल रहा है मैं फ़ोन पे सब सबको थैंक यू थैंक यू बोल रहा था मुझे कुछ नहीं पता था किससे बात कर रहा हूँ मैं एंड जब मेरे को थोड़ा बहुत सेंसेस आई गेंड री गन माई सेंसेज जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो वही रिलीफ था कि मुझे चार दिन बाद प्रियम्स नहीं देना सो so, वो मेरा पहला रिएक्शन था अब तो काफ़ी सेटल्ड है तो अब मेरे को इतना कोई बट आई एम जनरली अच्छा ही लगता है यार यू हैप्पी दैट इज़ वाई यू गिव राइट एनीथिंग एल्स हाँ वो करेंगे मेन्स uh, के टाइम पर करेंगे

जैसा मैंने पहले बोला कि जब आपको लोज आएंगे ना तो यू विल बी वेरी कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग विथ योर बैचमेट्स योर फ्रेंड्स फैमिली का भी कभी कभी होता है प्रेशर तो ये सब चीज़ों के लिए अगेन एज ए सेड यू नीड टू नो वाई यू स्टेप्टन टू दिस अरीना द फर्स्ट थिंग राइट एंड वो एंगजाइटी वगैरह रहती है मैं बहुत स्ट्रेस हीटिंग करता था तो वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी हो गई थी कि 2020 और जब तक मैंने मेंस दिया आई हैड गेन मोर देन 16-17 के ऑफ वेट राइट तो वो स्ट्रेस ईटिंग मैं बहुत करता था पता नहीं मैं लंच करता था उसके बाद भी मेरे को भूख लगती रहती थी तो ये सब प्रॉब्लम्स होते ही हैं यू और हर किसी का अपना तरीका है उसको मैनेज करने का राइट तो मेरे कुछ हॉबीज़ थे मैं उसको परस्यू करता था टू काम डाउन या जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मेरी बहुत कम लोग को पता था मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो वो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो टाइम निकालते थे दिन में कि वो मेरे से दस पंद्रह मिनट बात कर लें व्हाट्सएप पे ही हो चैट वगैरह कर लें मेरे घर पे भी फैमिली थी मेरा भाई था काफ़ी टाइम बाद चारों लोग एक साथ थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन तो ये सब चीज़ें होती है आपका जैसे आप लोग हो सकता है कुछ लोग यहाँ पी वगैरह में रह रहे हो तो आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाए वो आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है कौन लोग सीनियस है एग्जाम के लिए कौन लोग सीरियस थे और अब टाइम पास कर रहे हैं तो वो अगर आपका फ्रेंड सर्कल बनता है तो दे विल आल्सो मोटिवेट यू क्वाइट अलॉट मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया सो दे हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम राइट सो वो हर किसी का अपना ही तरीका है उसको मैनेज करने का बट वो आएगा ही एंड उसको वो आएगा तो उसको सप्रेस करने की कोशिश मत करना बहुत लोग क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है एग्जाम में तो उसको दबाने की बहुत कोशिश करते हैं वो आना ही है ये प्रॉब्लम ठीक है आज कोई मेरे को बोले कि तुमको मेंस के पहले पता था तुम्हारा होने वाला है मैं दिसंबर बताता हूँ आपको जनवरी सेवन से मेंस था फर्स्ट दिसंबर को मैंने अपने कॉलेज सीनियर को मैसेज किया था सर इस साल मेरा नहीं हो रहा है और मैं आपको बताऊँगा क्यों राइट right? तो वो जो जो एंगजाइटी है वो आपको आनी ही है इट इज़ हाउ यू मैनेज थ्रू दैट एंड रिमेंबर इट इज़ गोइंग टू हैपन विद एवरी ठीक है ऐसा कोई यहाँ पर जो बंदा क्लियर भी किया है ना एग्ज़ाम और अगर कोई सर्विस में सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए दे रहा है वो भी देखना बहुत नर्वस होता है एग्जाम के टाइम पे राइट right? बिकॉज उसके लिए तो और चीज़ें हैं लाइन पे कि अगर वो नहीं सेलेक्ट हुआ तो वो ऑलरेडी अपने बैच में ट्रेनिंग में पीछे हो चुका है राइट right? उसको दोबारा जाकर ट्रेनिंग करनी है वो अपनी सीनियरिटी लूज करने वाला है सो ऑल ऑफ दिस थिंग उनके पास और अलग टाइप के प्रेशर्स हैं तो हर कोई एंशियस है एग्जाम में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैं सोचता था यार जो लोग चार चार दिए हैं वो तो यार पता नहीं क्या ही लिख के आएंगे दे हैव सो मच कंटेंट और जो फो चार पांच आइटम दिए थे वो मुझे देख के आ, सोचते थे कि यार ये तो एकदम फ्रेश बंदा है इसका कुछ फ्रेशी पर्सपेक्टिव होगा हर चीज़ पे राइट तो इज एंगशियस विद एवरी वन एल्स तो जस्ट मैनेज की आप वो सो so कैसे मैनेज करते हो वो बहुत ज़रूरी है वो हर किसी का अलग होता है मैं यूट्यूब भी बहुत चलाता था तो मैं यूट्यूब पे जैसे मुझे ऑटोमोबिल्स का बहुत शौक है तो मैं गाड़ियों के बहुत वीडियो देखता था राइट तो जो भी आप करते हो इट्स जस्ट हाउ यू काम योर डाउन टू गेट यूर इन दैट नेचुरल स्टेट की भाई ठीक है वैन यू और एक बैलेंस होता है फिर एक होता है कभी आप बहुत ओवर एक्साइटेड होते हो कभी आप एकदम ही जमीन पे होते हो तो हाउ यू यू नो शफल बिटवीन दीज टू फेजेस वो आपको जानना जरूरी है एंड ट्राई टू लिव अ नॉर्मल लाइफ जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको कुछ इसमें ऐसा जाके अलग नहीं करना है इस एग्जाम में कि पता नहीं पच्चीस घंटे पढ़ रहे हैं दिन में पॉसिबल ही नहीं है तो क्यों करना है आराम से हो जाएगा कोई लोड नहीं है है ना ये सर सर आई बिलोंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड बहुत बड़े माई एरिया मतलब जिसमें मुझे डर है सर वो मेरा सी सैट ठीक है तो सर आप प्लीज करेंगे डिस्कस करेंगे नो प्रॉब्लम एनीथिंग एल्स आप ऐसे अच्छा लिखोगे यार हाँ <laughs> 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 हाँ हाँ बताओ कुछ नहीं नथिंग <laughs> कुछ भी नहीं और आप देखोगे कुछ अलग नहीं किया मैंने इनफैक्ट इस एग्ज़ाम में अगर आप डिफरेंट करने बैठोगे तो या तो आप ऑल इंडिया रैंक बनाओगे या तो आपका बार बार एग्जाम क्लियर नहीं होगा समझ रहे हो? वो एक वो जो मैंने कहा ना रिस्क मैनेजमेंट है कि या तो आप कुछ डिफरेंट कर लो जिससे ये एग्ज़ाम क्लियर हो सोचो तो किसी ने तो पहली बार आ, वो बोला होगा ना जी एस वन में डायग्राम बनाओ समझ रहे हो कोई तो पहले नहीं बनाता होगा किसी ने पहली बार बताया होगा किसी ने पहले बताया होगा कि ऐसे में स्ट्रक्चरिंग करनी होती है ठीक है जैसे जिस सर अनुदीप सर ने क्वालिफाई किया था एग्जाम तो संस्कृत श्लोक वगैरह उन्होंने बोला था वो ऐसे में यूज़ करते थे तो फिर लोग भर भर के वही लिखते थे समझ रहे हो तो कोई तो कुछ लोग होते हैं जो ये इनोवेशन से क्लियर करते हैं कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनके में क्रिएटिविटी जीरो होती है समझ रहे हो तो मैं इनोवेशन से कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में मैं नॉर्मल चीज़ें ही करके करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ आपको ऐसे कुछ ऐसा नहीं लगेगा जो किसी ने पहले आके नहीं बता रखा हो एवरी थिंग इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम जस्ट आई टेल यू हाउ आई अप्रोच इट ठीक है दैट अप्रोच यू माइट टेक इट अप और यू माइट नॉट टेक इट अप बट आई डिफरेंट कुछ भी अलग किया होता तो फिर मैं तो मैं तो तो आके बहुत जोर जोर से बोलता सबसे पहले। बट कुछ नहीं किया मैंने ट्वेल्थ अप, hmm. तो, uh, uh, मतलब कि, uh, मैं में भी एक बार ड्रॉप कर चुका था ठीक है तो एज वाले फैक्टर में मुझे ये समझ आ गया था कि अगर मैं 24-25 साल की उम्र पे रिस्क नहीं लूंगा ना तो ये आगे जाके तो ये एग्जाम में मतलब जब अट्ठाईस उनतीस साल का हूँ जब बहुत चीज़ें लाइफ में सेटल्ड हो जाएंगी अच्छी सैलरी होगी सब कुछ होगा तो मैं उस टाइम तो ये रिस्क नहीं ले पाऊंगा एंड ये जॉब वाले फैक्टर में ना एक सबसे बड़ा ये रहता है कि अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो अपने जॉब के साथ तो ये चीज़ करना साथ में बड़े मुश्किल होता है मैंने फर्स्ट सिक्स मंथ्स जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया हर दो महीने पे सोचता था छोड़ूंगा पच्चीस तारीख को सैलरी आती थी पाँच दिन चुप हो जाता था समझ रहे हो तो वो डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था तो रिस्क यही था यार कि मैं दो ही मैं सोच के आया था कि मैं दो ही अटैम्प दूंगा दो अटैम्प्ट में दो अटैम्प्ट मतलब तीन साल ना यार कहने को तो फर्स्ट अटैम्प्ट लगते तो दो साल ही हैं तो दो तीन साल मुझे पता था मैं दूंगा यहाँ पे आई एल गिव माई ब्लड एंड स्वेट होता है तो बहुत बढ़िया नहीं होता तो निकल के कुछ और करेंगे लेकिन अगर रिस्क लेना है तो अभी लेना है तो मैं तो और सोच के आया था कि भाई अब जब दो साल दे रहा हूँ तो अच्छे से देते हैं फिर जो होगा नहीं होगा वो बात की बात है वो देखी जाएगी तो मैं तो यही था कि रिस्क मैनेजमेंट मैंने सोचा था कि लाइफ में अभी कर पाऊंगा इसके आगे मैं ऐसे भी कम ही रिस्क लेता हूँ लाइफ में तो मैं नहीं लेने वाला था तो बस यही था मेरा इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया जॉब अपना है ना सर हाँ कहाँ से सर हाँ. जैसे कि आपने बताया कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और सर आपने जून ट्वेंटी ट्वेंटी में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो सर आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी या फिर आपको बहुत आइडिया भी था इस चीज़ का नहीं मैंने देखो थर्ड ईयर में मेरी इंटर्नशिप कम्पलीट हुई थी वो करते ही मुझे समझ आ गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज तो देना ही है अब कहीं ना क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की थी और मुझे समझ आ गया था कि सिविल सर्विसेज में दूंगा तो फाइनल ईयर में uh, फिर मैंने कुछ एन पढ़ने की कोशिश की मुझे कुछ नहीं समझ में आया ठीक है तब मैंने ये प्लान बनाया कि मैं एक साल जॉब कर लूँगा और फिर एग्ज़ाम दूंगा है ना तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें कोशिश की बट मुझे समझ कुछ नहीं आता था फिर जून वून में जब मैंने डिसाइड किया मई में, में कि अब मैं देता हूँ एग्जाम तब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था आता जाता मुझे जीएस में कुछ नहीं था और इसलिए फिर मैंने कोचिंग ली कि वहाँ पे मेरे को गाइडेंस चाहिए जी जीएस मेरा एब्सोल्यूट जीरो है और ऑप्शन का फिर मैं बताऊंगा कि हाउ आई सिलेक्टेड क्या किया मैंने तो I, I was, हाँ. sir, के मतलब बताएंगे करेंगे बात। उस पे कुछ मतलब है, अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मतलब उतना अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते हैं मतलब so, है अच्छा आंसर लिखना किसको एग्जाम में बताएंगे आंसर राइटिंग कैसे किसी को अच्छा आंसर नहीं लिखने एग्जाम में ये मैं यही तोड़ देता हूँ यू डोंट हैव टू राइट द परफेक्ट आंसर इन द एग्जाम ठीक है ना वो आप लिख भी नहीं पाओगे लिखने जाओगे तो पेपर नहीं कंप्लीट होगा ठीक है तो वो करेंगे आंसर राइटिंग के बात करेंगे क्या कैसे करना है Sir? Sir? एक Sir? सब सब अच्छा मैं आपकी ले लेता हूँ बताओ सर माई सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो आई जस्ट हैव दिस वन डाउट दैट हाउ डिड यू डू चूज इलेक्ट्रिकल इंजीन वेलकम टू दट इन मेन्स आई टेल यू हाउ आई सेलेक्टेड माई ऑप्शनल एंड वाई आई आई Yes, sir. Sir, जैसा कि आपने बोला कि आपका पहले से प्लान नहीं था बता कि तो तो ही देता हूँ जब मैंने थर्ड ईयर में इंटर्नशिप की सॉफ्टवेयर डेवलपर एट अ वेरी गुड कंपनी सो आई इंटर्नशिप देन मुझे वर्क कल्चर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था सैलरी वगैरह रियली गुड बट वहाँ पे मैंने एक चीज रियलाइज की दस बारह साल काम भी आप कर लोगे जो मेरे सीनियर्स थे कहीं ना कहीं आपको वो लीडरशिप पोजिशन आपको नहीं मिलने वाली है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी वहाँ रहती ही नहीं है ठीक है आप कितने भी सीनियर हो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ही होते हैं और फिर वहाँ पर वही चीज़ होती है कि जहाँ ज़्यादा सैलरी मिलती है लोग वहाँ शिफ्ट करते रहते हैं तो वो चीज़ मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि यार ये मैं क्यों करूँगा कि दस साल में बैठ के कोडी लिखता रहूंगा और मेरे को कोई चीज़ की डिसीजन मेकिंग नहीं होगी मुझे बस बता दिया जाएगा ये कर लो वो कर लो तो ये मेरे लिए एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर था मेरे फादर भी सिविल सर्वेंट है वो नाइन्टी फाइव बैच के हैं तो उनका करियर मैंने बहुत करीब से देखा है है ना द हाइज द लोज एवरीथिंग एंड uh, क्योंकि मैं सरकारी क्वार्टरों में रहा हूँ तो मेरे आसपास भी सिविल सर्वेंट्स रहे हैं तो आई हैव ऑब्जर्व देयर करियर्यरस रियली वेल तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे मेरे फादर है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में थे फिर इंटरनल uh, ये इनलैंड वाटरवेज में थे फिर अभी साइंस एंड टेक में है फोर जी का स्पेक्ट्रम उन्होंने करवाया था तो सब कुछ किया उन्होंने एंड ये जो डाइवर्सिटी है ये मेरे को अट्रैक्ट करती थी एंड नॉट ओनली द डाइवर्सिटी इसमें ये भी रहता है कि शुरू से ही आप लीडरशिप पोजिशन में रहते हो वैर यू हैव डिसीजन मेकिंग पावर तो मेरे को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी इस सर्विसेज के बारे में बाकी सब चीज़ें तो यार कमी है कि सैलरी भी कम है है ना आप अगर मैं जैसे अब आई में हूँ तो एट बी लिविंग इन समीमोट एरियाज जहाँ हो सकता है नेट ना आए ए ना हो ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स जो और जो मेरे बैचमेट्स हैं जो मेरे साथ पढ़े लिखे हैं गोल्स आपका ये रहता है कि आप बेटर करो लाइफ में ना तो बेंगलोर जाएंगे फिर वहाँ से US जाएंगे कि बड़ी जगहों पे जाएंगे मेरा गोल था कि मैं वापस उल्टा जाऊंगा यहाँ से क्योंकि इंडिया में कभी रहा नहीं हूँ मैं एज सच जो इंडिया है अर्बन एरियाज़ में जिंदगी बिताई है तो मेरा ये मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग था तो इसलिए मतलब ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करती थी और जो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था मुझे वहाँ से पता चल गया था कि यार असली काम तो मेरे को यहीं करने में आएगा माता तो ये चीज़ तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर हो गई थी Sir, जैसा आपने बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग आप कर रहे थे तो मैंने भी स्पेशली मैं जावा डेवलपर एंड आई यार

फिर आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको बताया जाएगा ये आपको पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना है रिवाइज करना है टेस्ट देना है पी वाई देखने देखना फिर एग्जाम देना है नो no, सर यही गाइडेंस है इससे yes, ज़्यादा कुछ नहीं होता सब इन कंप्यूटर है देर इज नो ऑप्शन लाइक सो कॉन्शियस फॉर सी सेट एग्जामिनेशन तो आपको कल थोड़ी ना देना है का पेपर। <laughs> no, तैयारी no. करोगे ना yes, आपने I, एक बात बताओ आपके कोर्स में, yes, में? में? हाँ no, 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 तो, yes, no? no तो नहीं है कोई yes, बात नहीं यार जिनका होता है वो कौन सा ले लेते हैं बताओ मेरे को समझ गया आपकी बात आई टोटली रिलेट विध यू

तो आपने जो चालू तो क्या 6 से 12 तक की नहीं, नहीं, क्या क्या किया तो तो हम कोचिंग क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ना ताकि वो मैंने हमारी बचे तो नहीं, क्या, नहीं, क्या, नहीं, क्या क्या एग्जैक्टली किया और क्यों किया मैं बताऊंगा अगर मैं कोई कोई एनसीआर पढ़ी है तो मैंने क्यों पढ़ी है वो भी बताऊंगा बट सिक्स से ट्वेल्थ मैंने सारी नहीं पढ़ी है और पूछ लो भाई कोई इसीलिए तो आया खुद ही अकाउंटेबिलिटी खुद को नहीं है ना yes, तो तुम्हारे साथ कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ये चीज़ uh, बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ भाई सभी मोटिवेट करते हैं आसपास तो मेरे को उसमें क्या है मैं आपसे भी मोटिवेट हो जाऊंगा बट ये मोटिवेशन दो दिन से ज्यादा रहेगा नहीं मेरा समझ रहे हो आप मैं आपको कर दूंगा आज मोटिवेट अच्छे से कर दूंगा बट कुछ नहीं होगा उससे दो दिन बाद दो दिन बाद जब आपको पॉलिटी बढ़ाई जाएगी और नहीं समझ में आएगा ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में डिफरेंस तो तुरंत ज़मीन पे गिर जाएगा मोटिवेशन समझ रहे हो तो yes. वो मोटिवेशन दूसरों से नहीं आएगी अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी खुद को नहीं है ना कि रात को सोते वक्त आपको नहीं लग रहा है कि चलो आज का दिन जो सोचा था वैसा गया तो फिर तो आप ढूंढते रहो मोटिवेशन आपको बहुत मिल जाएगी यूट्यूब पर मेरे से अच्छे भी मिल जाएंगे उससे होगा नहीं लेकिन अभी बता रहा हूँ तो ये मोटिवेशन वाला गेम यही बंद कर दो मैं अपना जे का पहला अटैम्प्ट इसी लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैं मोटिवेशन सामने में देखता था लोगों में और वो कभी हेल्प नहीं करता एग्ज़ाम में अगर आपके अंदर नहीं आएगा ना जब मेरा जेई पहली बार नहीं हुआ तो अंदर से इतना वो लग गया था ना मेरे को कि भाई कैसे नहीं हुआ एंड उसके बाद फिर मैंने एक साल दोबारा ट्वेल्थ में ड्रॉप करके प्रपेयर दोस्त फर्स्ट ईयर में इन्जॉय कर रहे थे तो वो अकाउंटेबिलिटी जब तक आपको खुद को नहीं आएगी ना आप मोटिवेशन ढूंढते रहो दुनिया भर में आप पैसे दे मोटिवेशन ले, ले लेना लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा एग्ज़ाम में है ना सर, बीच में आपको टेंशन आ, होती है सर। आ, अभी तो क्यों ले रहे अच्छा छह महीने पढ़ लिया है तब तो अच्छी बात है लेते रहो ये टेंशन फिर तो ये होनी भी चाहिए ना अगर नहीं हो रही होती तो मैं कंसर्न हो जाता है भाई इसको इतना मजा क्यों आ रहा है हाँ कर लेंगे बात उस पर okay, लेंगे sir, हाँ सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन कोई ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज जिम दिख रहा है, है आपको? नहीं <laughs> ना <laughs> भाई पंद्रह <laughs> सोलह के जी बढ़ाया मैंने मेन्स के बीच तक है ना जब व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड व्हेन आई वाज गिविंग माय मेन्स डेढ़ साल में आई हैड गेन मोर देन सिक्सटीन के जी ऑफ वेट तो वो भी मैं बताऊँगा फिर इंटरव्यू के लिए कम करना पड़ा था तो मैं बताऊँगा वो भी हाँ और कुछ है क्या

ठीक है डिसीजन लेते वह आपको क्या पता राइट right है कि रॉन्ग है आपका डिसीजन सिविल सर्विस करने का राइट right है क्या ये तो नहीं पता ना किसी को मैं अब बोल सकता हूँ मेरा राइट right था मेरे को रिजल्ट के दो मिनट पहले लग रहा था बहुत गलत कर दी भाई जिंदगी में ठीक है जॉब वॉब छोड़ के तो ये डिसीजन आप लो पहले फिर उसको राइट right बनाने की कोशिश करो बट डिसीजन लेते वक्त अपना अपना पूरा एनालिसिस करके लेना डिसीजन मतलब ऐसे नहीं कि मजे मज़े में कुछ हुआ और डिसीजन ले लिया और फिर बाद में पछता रहे हैं अच्छे से एनालिसिस करो सब कुछ देख लो क्या है कैसा है मटेरियल है जो भी है मैं बताऊँ ऑप्शन में एंड उसके बाद आप डिसीजन लेना इफ इट उसके बाद उसको फिर ट्राई टू मेक इट राइट है ना ये डिसीजन मेकिंग का तो यही होता है यार थैंक यू सर एक सेकंड सॉरी बताऊंगा बताऊंगा वो तो सब बुक लिस्ट वगैरह कैसे पढ़ना है बता दूंगा यस मैम एट टू नाइन आवर्स उससे ज़्यादा कभी नहीं ऑब्वियसली एग्जाम जब पास आता है तो नेचुरली बढ़ जाता है ठीक है बट एट टू नाइन आवर्स इज मोर देन अनफ उससे क्या करना है आपको छः सात घंटे तो सोोगे और चार पाँच घंटे चिल भी तो करोगे यार कितना पढ़ोगे देखो मैं बताता हूँ अगर आप पंद्रह सोलह घंटे पढ़ोगे ना यू विल कंज्यूम सो मच कंटेंट इन सो मच लेस टाइम कि पहले दस पंद्रह दिन आपको बहुत मजा आएगा उसके बाद आपकी बैंड बच जाएगी योर ब्रेन विल नॉट रिमेंबर एनी राइट देर इज अ ह्यूमन कैपेसिटी ब्रेन भी मसल ही है है ना सो so, उस कैपेसिटी को आप डोंट ट्राई टू फाइट इट जबरदस्ती एट टू नाइन आवर्स इज मोर देन एनफ ठीक है एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम्स जब पास आएंगे वो आपकी नेचुरल कैपेबिलिटी में वो टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा बैंड बचती है ना तो अपने आप पढ़ाई होती है तब बट अभी जब आप तैयारी कर रहे हो एट टू नाइन आवर्स इज मच मोर देन सफिशिएंट एंड इन जनरल आल्सो राइट देखो यार ये क्वेश्चन ना मेरे लिए बड़ा डाइसी है बिकॉज फर्स्ट सिक्स मंथ्स जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो आठ से दस घंटे मेरी जॉब चलती थी फिर चार घंटे मेरे क्लासेज होते थे तो उसके बाद मेरे को पढ़ने का बहुत कोई एनर्जी रहती नहीं थी तो मैं वीकेंड्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था दस बारह घंटे पढ़ता था बट आई थिंक एट टू नाइन आवर्स में डिपेंड करता है आपकी कोचिंग कितनी देर चलती है थ्री आवर्स फोर आवर्स ना ठीक है तो उसके बाद पाँच छः घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हो यार देर इज अ लॉट ऑफ टाइम थ्री आवर्स फोर आवर्स के बीच में तो है ना तो यू कैन स्टडी थ्री आवर्स के बाद भी पाँच कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है आपकी नाइन टू ट्वेल्व तो सुबह उठो छः बजे एक आध घंटा पेपर पढ़ लो उधर का काम खत्म हो गया वहीं पे नाइन टू 12 क्लास होती है उसके बाद पूरा दिन बचा है आपको रिवाइज करने के लिए पढ़ने के लिए चिल करने के लिए सब कुछ बताए छः घंटे भी पढ़ोगे तीन घंटे के दो स्लॉट्स कर लो दो घंटे के तीन स्लॉट कर लो बीच में भी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आपको मिल जाएगा इन्जॉय करने के लिए है ना तो मोर देन एनअ है नथिंग टू वरी अबाउट इट और जैसे जैसे चीज़ें समझने आ, समझ आने लगेंगी ना तो आप अपना टाइम खुद भी धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे वो कैपेसिटी भी डेवलप होगी ना पढ़ने की एकदम से आते ही नहीं होगी कॉलेज में तो कोई नहीं पढ़ाई करता भाई एटलीस्ट हम तो ने, हमने तो नहीं करी थी तो यहाँ पर आके फिर शुरू में चार पाँच घंटे पढ़ते हो फिर वो छः सात हो जाते हैं फिर वो आठ नौ भी हो जाएंगे तो उसका उसका लोड नहीं है है ना और कुछ है यार मैं पहले भी नहीं था यार ठीक है ना तो मैंने फेसबुक मेरे पास थी वो मैं वैसे भी नहीं चलाता था एंड बाकी जगह में नहीं था इंस्टा वगैरह पे अब मेरे को आना पड़ा है फॉर रीजनज आई टेल यू अगेन बट पहले मैं नहीं था एंड मुझे कभी सोशल मीडिया समझ नहीं आया तो वो मेरे लिए पर्सनली दैट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी यूट्यूब वॉज माई सोशल मीडिया यूट्यूब था यूट्यूब आई वुड स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड्स फैमिली यूट्यूब पे मैं काफ़ी वीडियोस वगैरह देखता था बहुत चिल करता था यूट्यूब पे मैं मैं एंड आई लाइक ड्राइविंग ऑल्सो तो मैं कभी कभी ड्राइव ड्राइव करने निकल जाता था तीस चालीस मिनट आराम से ड्राइव करके कर आता था तो आई डिड ऑल ऑफ दो थिंग्स जो मैं यूजुअली भी करता नॉर्मली भी विद अ जॉब ठीक है जस्ट मैंने बस थोड़ा पढ़ाई का टाइम उसमें से निकाल दिया राइट right? मत देखो सिंपल <laughs> 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 है यार आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बहुत सिंपल है समझ रहे यूट्यूब अगर आप देख हो तो काम की चीजें देखो ना एंड ये नहीं कि यूट्यूब देखने बैठे यूट्यूब के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जो सजेस्ट करता है ना उसके बाद आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो तो वो सजेशन को आप होल्ड पे रखो ना अपना आप, आप फुल उस पर देखा सजेशन मत देखा करो आप और जो आपको देखना है काम से काम की चीज़ें देखो ठीक है और उससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो रही है तो आजकल बहुत ऐप्स आते हैं और उस पर देख लो आप यूट्यूब पर कहाँ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो और क्या आपको उतना करना चाहिए था अगर आप खाली कोई एक ओशन कैरियन का कॉन्सर्ट पढ़ने के लिए यूट्यूब पर गए थे और आप चालीस मिनट बाद पता नहीं कोई गाने वाने देख रहे हो तो दस मिनट का वीडियो था आधे घंटे पता नहीं क्या कर दिया पता नहीं तो वो अकाउंटेबिलिटी आपको खुद को रखनी पड़ेगी राइट तो वो सिंपली है सोल्यूशन मत देखो हाँ बताओ बताऊंगा, बताऊंगा आई दैट राइट एनीथिंग एल्स हाँ हाँ की थी ना की थी राउज आइस में की थी आई I... पच्चीस yeah, में दे रहे हो पच्चीस में अरे भाई तो ऑप्शनल करो पहले ऑप्शन ख़त्म कर लो और पच्चीस में दे रहे हो यार देखो इन जनरल करंट अफेयर्स करना होता है आपको मिनिमम ट्वेल्व मंथ्स ठीक है मैंने एटीन मंथ्स की थी तो इफ़ यू हैव टाइम एटीन मंथ्स ही कर लेना बिकॉज यू पी एस सी यार दो दो साल पुराने भी पूछने लग गया है ठीक है तो एटलीस्ट एटीन मंथ मतलब ट्वेल्व मंथ इज़ द बेर मिनिमम ठीक है एटीन मंथ्स यू कैन स्ट्रेच बिकॉज मेरे साथ एटीन ऑलमोस्ट हो भी गया था ना आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी प्रेम्स जून ट्वेंटी वन में होना था फिर वो एक्सटेंड हो अक्टूबर ट्वेंटी वन हो गया तो तीन महीने तो वहीं आ गए दो तीन महीने मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे तो ट्राई टू स्टडी फॉर एटीन मंथ्स ऑफ करेंट बट वन ईयर तो मिनिमम बैर मिनिमम उससे कम में तो नहीं होगा और नहीं है माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ वॉज यार आई वॉज वेरी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ है एंड आई आई हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन माई लाइफ टू स्टडी फॉर द एग्जाम राइट सो आई वॉन्टेड टू इन्श्योर दैट एटलीस्ट आई गिव माई ब्लड एंड स्वेट टू दिस कि इफ आई गिव इट विथ फुल कमिटमेंट होता है नहीं होता है वो बात की बात है बट एटलीस्ट आई विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन सच अ वे दैट आई विल क्लियर द एग्जाम एंड नहीं होगा तो फिर देखेंगे फिर तो लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही है ना बट माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ वॉज आई आई वॉज वेरी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ एंड क्या चीज मुझे कब नहीं करनी चाहिए थी ऐसा नहीं है कि बहुत संत की तरह पढ़ाई की है बट आई आल्सो हैव मेड मिस्टेक्स बट आई वॉज वेरी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ कि इफ आई एव मेड दिस मिस्टेक वंस और ट्वाइस आई एम नॉट रि 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 एंड अगेन तो वो अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम एंड आप देखोगे कि यही मिसिंग है बहुत लोगों में दे आर नॉट अकाउंटेबल टू दि सेल्स स्पेशली जो लोग यहाँ रहते हैं यूपीएससी सर्कल्स में तो सुबह सुबह चाय पीने चले गए तो आधा घंटा चालीस मिनट चाय पी रहे हैं टपरी पे मस्ती चल रही है वो सब इंपॉर्टेंट है करना चाहिए बट अगर वो आपके पढ़ाई के टाइम पे कॉस्ट कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है वो so, मतलब आई वाज वेरी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ सो एंड आई हैड लेफ्ट वेरी गुड थिंग्स राइट तो मेरे लिए इट वॉज द सॉर्ट ऑफ थिंग की आई न्यू न्यूट आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दिस सो आई आई जस्ट हैड टू बी अकाउंटेबल टू माई सेल्फ मैं बार बार बोलूँगा ये चीज़ बिकॉज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए आपके अलावा ये एग्जाम कोई नहीं क्लियर करेगा राइट right, आपका पेपर कोई लिखने नहीं आने वाला है जो आपको मोटिवेशन दे रहा है वो नहीं लिखेगा आपके टीचर्स नहीं लिखेंगे आप ही लिखोगे पेपर राइट एट द एंड ऑफ द डे तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ तो यही है दैट वाज माय बिगेस्ट फ्रेंथ सर कहाँ से हाँ जी सर सर uh, जैसे कि मेरा दो दो क्लासेस चल रहा है एक ऑप्शनल का चल रहा है एन जी एस फाउंडेशन का चल रहा है तो टाइम का बहुत ज़्यादा लैप्स होता है तो उसमें न्यूज़पेपर को हम छोड़ सकते हैं या नहीं यार देखो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना कि न्यूज़पेपर इज़ नॉन नेगोशिएबल इन दिस एग्जाम बहुत लोग बिना न्यूज न्यूस्पेप, न्यूज पेपर के भी क्लियर कर रहे हैं और करेंगे भी करते भी आएंगे बट जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि न्यूज़पेपर का जो एक एसेंस है ना वो मैं आपको जब समझाऊंगा कि कैसे न्यूज पेपर हेल्प करता है तो यार न्यूज़पेपर मत स्किप करना एट एनी कॉस्ट क्योंकि देखो कितना टाइम लगता है आपको पढ़ने में न्यूज़ पेपर न्यूज़पेपर टू एंड आवर्स टू एंड हाफ आवर्स तो उसको कम करो फिर आप न्यूज़पेपर गलत तरीके से पढ़ रहे हो आपको न्यूज़ आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लो तो उसके बाद अगर आप स्लो पढ़ते हो दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम बट अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठे हो तो वो गलत स्ट्रैटेजी है न्यूज़पेपर के लिए तो न्यूज़पेपर मैं मैंने जब शुरू की थी तो डेढ़ क्या डेढ़ घंटा मुझे लगता था आई ब्रॉटेड डाउन टू फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स राइट

डेली अदर सब्जेक्ट सब्जेक्ट करना मैं मतलब मतलब जैसे कि एक कोई लेके चलो जिसको नहीं एटलीस्ट जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो आप पढ़ोगे ना या सर वो तो वो तो अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं, नहीं, बाद में तो, तो, तो वो उसके तो आप रिवीजन करते ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेके जाना जैसे अगर आप मैनेज कर सकते हो तो कर लो उसमें कोई बुराई नहीं है बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो तो कर लो पहले अच्छा हाँ तो अगर हो जाता है तो कर लो क्या दिक्कत है स्पेशली अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज कर लेना जो पहले जो क्लास में कराते हैं उसका तो रिवीजन हो जाए हाँ है। तो जो आप अदर सब्जेक्ट कह रहे हो ना yes, तो अगर मान लो आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो फिर आप वो एक्स्ट्रा में पॉलिटी रिवाइज कर लो ठीक है समझ आया ना मैं क्या कह yes, रहा हूँ हाँ बस ठीक है और कुछ है और कुछ है चलो ये सब तो मतलब लेट्स गेट टू प्रिलिम्स बिकॉज ठीक है ये सब क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट बट यहाँ से एक्चुअल चीजें स्टार्ट होती हैं तो बुक लिस्ट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज प्रिलिम्स इट इज द टफेस्ट पार्ट बट इट इज़ नॉट अनसरमाउंटेबल ठीक है ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं बट ये टफेस्ट पार्ट है उसका रीजन एक ही है कि जो एलिमिनेशन होता है ना वो यहीं पर होता है एलिमिनेशन मेन्स और इंटरव्यू में नहीं हो रहा एंड वो आपको मैं स्टेटिस्टिकली बताता हूँ देखो इफ फाइव लैख पीपल आर गिविंग दाइव लैख पीपल आर गिविंग द प्रलिम्स राइट उसमें से मान लो जैसे इस बार तो थर्टीन के है मेरे साल नाइन थाउजेंड लोग थे जिन्होंने क्लियर किया था फिल्म जिनको लिस्ट आई थी तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे सॉरी फॉर दैट बट कितना एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे राइट दिस इज़ द एरिया वेयर यू पी एस सी इज एलिमिनेटिंग पीपल इसके बाद सारा सिलेक्शन है देखो थर्टीन के लोग हैं जैसे मैंने जिस साल दिया था नाइन के लोग थे यहाँ से इंटरव्यू दिया है वन पॉइंट एट के लोगों ने ये कितना आता है बता सकते हो वन बाई फाइव ट्वेंटी परसेंट आता है ये ट्वेंटी परसेंट किसी भी एग्जामिनेशन में सेलेक्शन रेट होता है इफ ट्वेंटी परसेंट पीपल आर बींग कॉल्ड दैट इज अलेक्शन रेट है दैट इज नॉट रिजेक्शन ठीक है और यहाँ से वन पॉइंट एट के में से दे टुक अराउंड सेवन हंड्रेड ट्वेल्व इनिशियली थी अभी थोड़ा ज्यादा ही होगा दिस कम्स आउट टू बी अराउंड फोर्टी परसेंट देख लेना एग्जैक्ट बट टू पॉइंट फाइव टाइम्स का रेशियो रहता है यू पी एस सी का अगेन सेलेक्शन यहाँ पर कुछ नहीं आपका दिक्कत होगा अगर आपने ठीक से तैयारी कर ली दिक्कत यहाँ पे है बिकॉज प्रिलियम्स अगर नहीं निकल रहा है ना तो इसके बाद की कहानी तो वेस्ट है आपके लिए तो प्रिलियम्स इज पार्ट वेर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज यहाँ पे होने वाला है आपका एलिमिनेशन एंड यू डोंट वॉन्ट टू बी द पर्सन टू गेट एलिमिनेटेड राइट बिकॉज सेलेक्शन तो फिर उसके बाद ही होने वाला है तो दैट इज वाई प्रिलियम्स को हमको उतनी ही uh, इंपॉर्टेंस देनी है जितनी वो डिजर्व uh, करता है सेकेंड थिंग इज हाउ मेनी क्वेश्चन आर आस्ट इन प्रियम्स किसी को पता है बता सकते हैं मेरे को हाउ मेनी क्वेश्चन आर आस्ट इन प्रलियम्स सॉरी हाँ पेपर फर्स्ट हंड्रेड क्वेश्चन राइट हाँ टू हंड्रेड मार्क्स वेरी गुड ठीक है सेकेंड पेपर तो बाद में आते थे ये जो एक आइडिया है ना सबका कि प्रिलिम्स में हंड्रेड क्वेश्चन पूछते हैं ये गलत है बता रहा हूँ क्यों बिकॉज प्रिलिम्स में पूछते हैं टू हंड्रेड से टू हंड्रेड फिफ्टी स्टेटमेंट्स ठीक है दे आर नॉट आस्किंग यू हंड्रेड क्वेश्चन आप कभी भी देख लेना प्रिलम्स का पेपर क्वेश्चन वाइज यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व प्रिलम्स पेपर एंटायरली वो एक आध क्वेश्चन में हो जाएगा बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन ऑल द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू टू हंड्रेड और टू हंड्रेड फिफ्टी स्टेटमेंट्स अब यहाँ से आपको जितने स्टेटमेंट्स में हंड्रेड परसेंट पता है कि वो सही है और हंड्रेड परसेंट पता है कि वो आपको नहीं आता है उतना आपके लिए ईजी होगा स्टेटमेंट्स एलिमिनेट या सेलेक्ट करना और उससे ईजी होगा आपके पास ये हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करना आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ सो गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड लोग कहते हैं ना आजकल की Prelims का पेपर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं आप कभी सोच के देख रहे हो कि आपके सामने कोई चीज छपी हुई है आपको खाली पढ़ना है तीन घंटे में और आप वो पढ़ नहीं पा रहे हो ये कितनी बेतुकी सी बात है समझ बट वो क्यों हो रहा है बिकॉज लोग सोच के जा रहे हैं हंड्रेड क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में पाँच पाँच मिनट लगा रहे हैं आ रहे हैं दो से ढाई सौ क्वेश्चन यू पी एस सी इज नॉट आस्किंग यू हंड्रेड क्वेश्चन यू हैव टू गेट दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड राइट यू हैव टू एलिमिनेट ऑर वेट टू हंड्रेड क्वेश्चन ठीक है बिकॉज और वो आप उनका वो भी देखोगे ना ओ uh, एम में भी आई थिंक 150 तक के होते हैं बबल्स तो उनका मन करे किसी साल तो वो 150 सौ क्वेश्चन भी कर देंगे यहाँ से बट अभी तो सौ ही कर रहे हैं किसी भी साल उनका मूड बदल जाएगा तो डेढ़ सौ भी हो जाएंगे समझ रहे टू हंड्रेड रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज वन एवर यू विल भी प्रिपेरिंग फॉर प्रिलिम्स ये हंड्रेड क्वेश्चन वाले जाल में मत फंसना आप जहाँ भी आपको दिखे कि हंड्रेड सवाल है ऑलवेज रिमांड योर सेल्फ कि इट इज मोर देन टू हंड्रेड क्वेश्चन आर बींग लास्ट सो यू हैव टू टेक डिसीजन वेरी क्विकली इन द एग्जामिनेशन प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में दो घंटे में दो सौ से ढाई सौ स्टेटमेंट एलिमिनेट करना यालेक्ट करना दैट इज द गेम राइट एंड वहाँ पर डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्रूशल यू कैन नॉट टेक यू नो डिसीजन मोर देन वंस इन अ सेम स्टेटमेंट बिकॉज अगर आप लेने बैठ गए तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है जो लोगों के साथ होता है राइट दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू सेकेंड इज कि आप कैसे करोगे पीवाई क्यू की एनालिसिस ठीक है एक तो पी वाई क्यू का पार्ट है बट उसके अलावा कुछ डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स में आपने एक चीज़ देखी कि हर साल लोग डर जाते हैं इस साल इस साल का पेपर देखा किसी ने प्रियम्स का हाँ किस चीज़ से डरे हैं लोग इकोनॉमिक्स ठीक है जो इकोनॉमिक से डर रहे उनका क्लियर नहीं हुआ और हिस्ट्री राइट और हाँ राइट वो थे उस पर भी अच्छा आपने याद दिलाया यार पैटर्न मैं याद कहा यार ये ऐसे क्यों हो रहा है पैटर्न मैं याद थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी हाँ और किस चीज से डरे थे लोग इस बार हिस्ट्री तो डरे थे आई यार पेपर देखा था पेपर देखा था देख लेना आय से लोग डरे थे क्यों डरे थे आय से क्योंकि उनकी तैयारी ठीक नहीं थी एंड मैं आपको बता रहा हूँ क्यों किसी भी साल पेपर उठा के देख लेना आप फिल्म का जो यू पूछता है सिक्सटी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन आर गोइंग टू कम फ्रॉम फोर सब्जेक्ट्स इकोनॉमी ये रट लो इसको इसके बिना नहीं होगा एग्जाम क्लियर पॉलिटी एनवायरमेंट के बेसिक्स मॉडर्न हिस्ट्री यार मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी सॉरी फॉर दैट इस हैंड से भी मार्क्स आते हैं मतलब है ना सो मॉडर्न हिस्ट्री ये याद कर लो आप इतना वाला पार्ट इसके बिना एग्जाम नहीं क्लियर होगा एंड आप किसी भी साल उठा के कट ऑफ देख लेना कट ऑफ कितना आएगा एट्टी परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स जो ये पूछे गए ऑलमोस्ट इसके आसपास रहेगा समझ रहे हो और वो क्यों रहेगा वो किसी भी साल आपको डरा देंगे सबसे जब मैं तैयारी कर रहा था जब मैंने पी एनालिसिस की तो लोग किससे डरते थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क देखा होगा आपने एनिमल्स सॉरी आऊँगा उस पर तो वैन आई टेल यू वही एनालिसिस करोगे देन यू लेट टू नो ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क उससे पहले डरते थे यू पी एस सी ने अब पूछना बंद किया है, है ना सेकेंड उससे कब डरते थे बुद्धिज़म जैनिज़म बहुत डेप में पूछी जाती थी है ना लोग उससे डरते थे दो हजार बीस के पेपर में एग्रीकल्चर उन्होंने पूछा लोग उससे डरे जिस साल मैंने दिया स्पोर्ट्स के तीन सवाल थे आर्ट एंड कल्चर के अजीबों गरीब सवाल थे लोग उससे डरे इस साल आई आर से और ये क्यों कर रहा है यू पी एस सी ये आपका मेटल जो होता है ना कि आप किस चीज़ के बने हुए हैं वो जज करते हैं उससे कि वो आपको इन चीज़ों से डराएंगे कभी साइंस एंड टेक टफ़ कर देंगे कभी कुछ टफ कर देंगे कभी कुछ टफ़ कर देंगे बट वो चाहते हैं कि कोई बंदा अगर आई एस आई एफ एस आई पी एस या कोई भी सेंट्रल सर्विसेज में जाना चाहता है एटलीस्ट उसको पॉलिटी इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री इतना तो आना चाहिए ये तो आप एक्सेप्ट करोगे एंड आप देख लेना यहाँ से हमेशा आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा क्लियर नहीं भी होगा आप एट्टी के आसपास ज़रूर आ जाओगे ठीक है एंड वो बाकी जो ट्वेंटी का कट ऑफ है वो आप एलिमिनेशन और फालतू के जो ड्रामे हैं जो आजकल चलते हैं यहाँ से निकलेंगे समझ रहे हो आप दीज़ फोर सब्जेक्ट्स अगर ये आपका वीक है तो एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला राइट जैसे जोग्राफी की बात की मैम ने जिस साल टू थाउजेंड थर्टीन में दे मर्ज आई एफ ओ एस एंड यू पी एस सी सी एस सी एंड आई एफ ओ एस तो इससे सबसे बड़ा चेंज क्या है पेपर में पता है इनवायरमेंट जोग्राफी के क्वेश्चन कम हो गए एंड जोग्राफी के क्वेश्चन आप हर साल दिखोगे जो बेसिक जो कोर जोग्राफी है से कम आते हैं एनवायरमेंटल जोग्रफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो हम एनवायरमेंट के बेसिक्स में कवर करते हैं राइट तो फिर जोग्रफी कहाँ पूछते हैं हम इतना पढ़ क्यों हैं जोग्रफी जी एस वन मेन्स पेपर एट्टी टू हंड्रेड मार्क्स एवरी ईयर एवरी ईयर ये आपसे वो कहते हैं ना यूपीएस इज अ ग्रेट लेवलर ये आपसे पढ़वा ही लेंगे वो और वो आप तीन महीने में नहीं पढ़ सकते और अगर आपकी जोग्रफी क्लियर नहीं है आपका एनवायरमेंट क्लियर नहीं होगा समझ रहे हो तो जोग्रफी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कंट्रोल ओवर एनवायरमेंट एंड इसका ये मतलब नहीं है, हम जोग्रफी पढ़ेंगे नहीं प्रीलिम्स के टाइम कम पढ़ेंगे बट जोग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट क्लियर तो आपका यहीं से होने वाला है प्रॉब्लम ठीक है दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज है ना देन आई विल टेल यू हाउ टू डू दी पी वाई क्यू एनालिस राइट पी वाई क्यूज में एक चीज अगर आप देखना शुरू करोगे एक तो सॉरी यार मैं थोड़ा यहाँ नेगलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ लोग ज्यादा हैं बट पी वाई क्यूज में वैन यू स्टार्ट लुकिंग एट द पेपर यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कुछ कुछ पैटर्न हैं पी वाई क्यूज में जो बार बार करते हैं अगर किसी एक आर्ट एंड कल्चर ये मैं ऐसे लिखता था एंशंट मीडिया आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना उसका जो आंसर होता है वो तो ठीक है बट जो बाकी ऑप्शन होते हैं वो वो एक दो साल के अंदर क्वेश्चन बन के आएंगे ये मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया था जब मैं पी वाई की एनालाइज कर रहा था उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि जितने भी इन दो सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट इनके जो ऑप्शंस हैं इनके नोट्स में बनाता था पेपर में तो पेपर जब आप देखोगे यूपीएससी का दो साइड में आता है ऐसे यहाँ पे इंग्लिश होती है यहाँ पे हिंदी होती है तो इंग्लिश वाली साइड तो मैं सॉल्व करता था कि क्या सॉल्व किया सही किया गलत किया हिंदी वाली साइड में नोट्स बना लेता था ऑप्शंस के और एग्ज़ाम के पंद्रह दिन पहले आप सब कुछ छोड़ दो यूपीएससी के पीवाईक्यू उठाओ पिछले दस मई दो हज़ार ग्यारह से उठाए थे एंड उसको रिवाइज़ करो जैसे पढ़ते हैं ना किताबें वो इतनी हो जाएंगी आपकी पचास पचास सात साठ 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 पेज का एक पेपर है उसको रिवाइज़ करो ये नोट्स रिवाइज़ करना एंड इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ टू में एक मिक्स मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था अंडर टू को का है ना 2022 में जो इस साल आया पेपर इसकी सेक्रेटेरिएट पूछी है और गलत दी हुई थी अगर आप वो एलिमिनेट करते आंसर आ गया था समझ रहे हो ये बहुत करता है यूपीएससी जब आप पी उठा के देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हर बार का गेम है कि वो कोई ना कोई ऑप्शन से एक दो साल में उसके सवाल आने ही आने तो वो ऑप्शन आप हर एक ऑप्शन को पढ़ना अच्छे से जैसे इस साल अगर रामसर वेटलैंड आए हैं ठीक है ठीके? तो रामसर वेटलैंड जो वहाँ से आए ना किसी साल उनमें से कुछ स्पेसिफिक पूछ देगा कि ये वाला रामसार वेट नेचुरल है कि मैन uh, मेड है समझ रहे हो तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से कहाँ पर इसमें इस बार लोकेशन पूछ ली अगली बार उस वेट पे कुछ पूछ लेंगे वो एग्जैक्टली exactly. कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है uh, सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है? ऐसे टाइप की चीज़ें ठीक है. है एक और चीज़ देखना इस बार एसिड रेन का सवाल आया था है ना जो सेट ए का सबसे आखिरी सवाल था एग्जैक्ट रिपीटेड सवाल है एग्जैक्ट वो आई थिंक दो हज़ार में आया था वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट आया था हम लोग ने जिस साल दिया था प्रीलिम्स में आर्टिकल 21 वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आया था इकोनॉमी के दो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आए थे उन्होंने स्टेटमेंट तक चेंज नहीं की थी तो यूपीएससी ये करता है जो लोग कहते हैं ना कि वो रिपीट नहीं होते होते हैं हर साल होते हैं बस आपने आइडेंटिफाई नहीं किए अभी तक ठीक है तो वो आइडेंटिफाई करना सीखो तो मैं वही कर रहा हूँ हर एक ऑप्शन का ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू सी कि वो बार बार कहाँ पर आ रहा है राइट ये जब आप करने बैठोगे ना तब आपको रियलाइज़ करेगा कि यूपीएससी में एक पैटर्न है वो पैटर्न रिपीट होता है ठीक है एक और चीज़ है जैसे मैंने रामसर साइट्स की बात की तो 2021 में दो सवाल आए थे एक सवाल आया था सांबर लेक सांबर जो लेक है राजस्थान में उसके जो चार कॉन्स्टिटूंट हैं जिससे वो बनता है उनके ऐसे एक लाइन से दिए हुए थे एंड पूछे थे कि वॉट इज़ तो दिस ठीक है उसमें एक ऑप्शन था कि इट इज़ आ रामसर वेटलर दीज आर रामसर साइट्स ठीक है तो अगर आपने रामसर साइट प्रिपेयर किया है तो आपको पता था उसमें से वो कुछ नहीं थे ठीक है रामसर के करेंटली फोर्टी नाइन है जिस साल मैंने दिया था आई थिंक फोर्टी सिक्स थे तो वो सारे रटे होने चाहिए तो जब रटे हुए होते तो आपको पता था कि उसमें से वो नहीं है वो ऑप्शन खत्म था वहाँ पे दैट वॉज नॉट द आंसर ठीक है सेकेंड एक क्वेश्चन आया था आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस है ना इसका एक ऑप्शन था कि इट इज अ पार्ट ऑफ रामसर वेटलैंड इट इज अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन अगर आपने रामसर साइड ठीक से पढ़ा है आपको पता है आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रामसर में राइट right? तो आप वहाँ एलिमिनेट कर देते वो वाला ऑप्शन तो आप समझ रहे हो यूपीएससी क्या कर रहा है आपसे उसने डायरेक्टली रामसर साइड्स पूछा नहीं आपसे उसने दो बार इनडायरेक्टली पूछ लिया आपसे पेपर में और अगर आपने पढ़े हुए होते तो वो वहाँ से एलिमिनेट होता ऑप्शन आप समझ रहे हो ये पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो कि यू क्या कर रहा है कि रामसर वेटलैंड इंपॉर्टेंट है यू को पता है उसने पहले पूछ रखे हैं ये चीज़ें रामसर पे उसने डायरेक्ट सवाल पहले पूछ रखे हैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है एग्जैक्टली स्टेटमेंट अब वो क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं दो में क्या किया चार रामसर वेटलैंड दे दिए और साइट्स के साथ मैच कर दिया एग्जैक्ट सवाल आया था रामसर से तो उन लोगों क्या कर रहे हैं वो बार बार पूछ रहे हैं यहाँ से तो हमको समझ ही नहीं आ रहा हम तो खाली क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम तो स्टेटमेंट नहीं देख रहे हमने क्वेश्चन देखा हम पी आई क्यू कैसे करते हैं क्वेश्चन देखते हैं यू के आंसर की देखते हैं बाकी ऑप्शन तो गए बाढ़ में वो तो नहीं है दिस इज वॉट वी थिंक यहाँ से आते हैं ऐसे करते हैं वो ये वाला एनालिसिस जब आप करने लगोगे ना ये कब आएगा जब आप ऑप्शन देखोगे कि वो ऑप्शन में क्या गेम खेल रहा है आपके साथ ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए एक और आप एक पैटर्न देखना मतलब मैं कुछ एग्जांपल्स ही दे रहा हूँ नहीं करो यही ओवरऑल लिमिट है बट ये आपको खुद से एनालाइज करना है एक आप देखना हमेशा वो ऐसे एक स्टेटमेंट देंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके बाद कुछ कुछ चीजें होंगी इसके बाद जो भी चीजें होंगी ना वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा समझ रहे हो बट वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता कभी नहीं होता 2021 में आर गवर्नर पे आया था तो जहाँ भी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता था ना मैं तो भाई सतर्क हो जाता था कि देख लो यहाँ हो सकता है नहीं होगा हमारे टाइम पर नहीं था आगे हो सकता है आ जाए बट मैं कह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करना शुरू करो धीरे धीरे जब आप पी वाई क्यूज देख रहे हो रिवाइज कर रहे हो पी वाई क्यूज़ रिवाइज करने का मतलब ये है मैं पी वाई क्यूज पाँच पाँच छः छः बार रिवाइज करके गया हूँ प्रीलिम्स में ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो वो जो ओनली है ऑल है ये तो छोटी मोटी चीज़ें यू पी एस सी इनसे आगे बढ़ चुका है साइंस एंड टेक में अब ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं आ रहे हैं बट इसका क्या मतलब है कि आप नहीं करोगे ये मैं पूछना चाहती हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि साइंस एंड टेक में अब ऑल ऑफ द अबव पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि यू पी एस सी नहीं दे रहा ऑल ऑफ़ द अबव राइट सो विल यू पिक विल यू टेक ऑल द ऑल ऑफ द अबव अगर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ आया तो कि एप्लीकेशन है जैसे हमने पढ़ा है ना बहुत लोग बोलते हैं कि कोई भी साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन होता है तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है बिकॉज बहुत स्ट्रांग रीजन चाहिए कि ये जो साइंस है ये उसका एप्लीकेशन नहीं होगा राइट right? तो हम ऑल ऑफ द अबव करते हैं पिछले दो साल में यू ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं रहा है तो विल यू पिक इट और विल यू नॉट पिक इट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना इधर हम कहते हैं कि साइंस एंड टेक की मान लो कह रहे हैं कि नैनो टेक से एप्लीकेशन क्या है वॉट आर दी पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक वन टू थ्री फोर वो तो उसने आपको तीन चार चीजें दे दी और ऑप्शन में दे रहा है वन ओनली वन एंड टू ओनली ये दिस इज एंड ऑल ऑफ दी अबव तो यूजुअली क्या करते हैं ऑल ऑफ दी अबव करते हैं ना बिकॉज एक बहुत स्ट्रांग रीजन चाहिए कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन नैनो टेक से नहीं हो सकता हो सकता है बाद में कोई रिसर्च करके कर दे समझ रहे हो तो हम ऑल ऑफ दी अबव करते थे यूपीएससी ने अब वो गलत करना शुरू कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ सवाल दोबारा आया तो वॉट विल वी डू कौन किसने कुछ बोला अरे बोलो यार मैं मारने थोड़ी आऊँगा <laughs> हाँ क्या करेंगे बता दो तुम बताओ ऑल ऑफ दब करोगे कि नहीं करोगे मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कर दोगे क्यों करोगे ये भी अच्छा पॉइंट है हो सकता है हो जाए पैटर्न चेंज और एक दो ऑप्शन कम करोगे मतलब तीन चार जो मन करे अपना लगा के कर देंगे है ना डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ठीक है एक तरीका ये भी हो सकता है और मैं कर दूंगा ऑल ऑफ द अबव मैं डी पे टिक कर दूंगा उसका रीज़न क्या है पता है पैटर्न चेंज नहीं है उसका रीज़न उसका रीज़न है कि कॉम्पिटिशन है ब्रिलियम्स मैं समझाता हूँ आपको नाइन्टी नाइन परसेंट लोग ऑल ऑफ द अबव करने वाले हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम एनालाइज करके आए हैं जो इन्होंने पहले भी प्रीलिम्स दिया है वो 99 परसेंट ऑल ऑफ द अबव करेंगे अगर तो ऑल ऑफ द अबव गलत है तो सबका गलत है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आज से ठीक है मान लो वो एक परसेंट सही हो गया ठीक है ये एक परसेंट है जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है और मान लो ये क्वेश्चन सही है और मैं इन एक में से हूँ तो ये मेरे से दो नंबर आगे हैं नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द सीरियस कॉम्पिटिशन मेरे से दो नंबर आगे है अब मेरे को ये दो नंबर जीतने के लिए कोई ऐसा सवाल सही करना होगा जो ये गलत करेंगे या ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप ये कॉम्पिटिशन समझ रहे हो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यही है आज भी 99% जनता ये डी करेगी इसलिए आप देखोगे बहुत रो रोएंगे कि यार डी कैसे नहीं हो सकता ये वो ये वो क्योंकि वो डी करके आए तो ठीक है ना सबका गलत है क्यों रो रहे हो समझो मेरी बात हो सकता है एक आध बंदा यहाँ से कुछ सही कर दे बट वो अतरंगी बंदा होगा वो उसने कुछ अब्बा डब्बा जब्बा करके किया इधर वो बाकी जगह भी करेगा समझ रहे हो तो ओवरऑल आपका कॉम्पिटिशन नहीं हो बाकी जगह गलत करने वाला है बट यहां से आप रिस्क मैनेजमेंट अपना सही कर रहे हो कि आप कॉम्पिटिशन के साथ चल रहे हो ना ऐसे क्वेश्चन में आप कॉम्पिटिशन के साथ चल रहे हो ये वाले क्वेश्चन आपका कभी प्रिलियम्स ऐसा नहीं होगी कट ऑफ के नीचे कर देंगे बट कट ऑफ के ऊपर जाने में रोक सकते हैं ऐसे सवाल समझ रहे हो तो ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट जो मैं कह रहा था प्रिलियम्स में आपको करनी पड़ेगी तो ये एक अगेन एक एग्जाम्पल ही है जो मैं देना चाहता था, था। और एग्जाम्पल ऐसे बहुत हैं यार मतलब मैं अगर देने बैठ जाऊँ तो मैं खुद रिवाइज करके आऊँ और आपको एक क्लास ले सकता हूँ उस पर दो तीन घंटे की बट ये अगर आप खुद से करोगे ना तो तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ अदरवाइज़ तो मैं आपको समझा दूंगा आप सुन लोगे और मेरी बात और चले जाओगे जब तक ये एनालिसिस आप खुद से नहीं करोगे ना आपका अपना दिमाग नहीं चलेगा तब तक एग्जाम में ये चीज़ आपको स्ट्राइक नहीं करने वाली है समझ रहे हो मेरी बात इसीलिए सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट और क्या बात करनी है और ये तो बात कर ली अच्छा एक और चीज़ है हाँ पी वाई क्यू का पर्पज़ तो मैंने बता दिया जो एक वो मैंने मैंने बताया ना इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हम लास्ट के पंद्रह दिन क्यों हम खाली पी वाई क्यूज़ करेंगे हम मान लो विजन के या किसी और के टेस्ट क्यों नहीं देखेंगे जो हमने पहले दे रखे हैं उसका रीजन कोई बता सकता है मेरे को अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि लास्ट के फिफ्टीन डेज खाली हम पी वाई क्यूज ही रिवाइज करेंगे नथिंग एल्स है ना वाई इस पर क्वेश्चन आ सकता है ठीक है गुड वन पॉइंट सेकेंड एग्जैक्टली जो हमारा दिमाग है वो यू के लैंग्वेज के साथ अडेप्ट करना शुरू कर देगा लास्ट के फिफ्टीन डेज़ में जो एक कोई भी कोचिंग अगर एक टेस्ट सीरीज़ बनाती है तीस से चालीस सवाल पेपर्स का तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप वो पूरा एक उनके तीस से चालीस पेपर्स देते हो ना तो आप उनके लैंग्वेज से अडेप्ट होना शुरू हो जाते हो आपको समझ आने लगता है कि मान लो कुछ ऐसे सवाल है इसमें ये ऑल ऑफ़ द हमेशा गलत सही देते हैं या कहीं ना कहीं कुछ ये चीज़ें हमेशा गलत देंगे समझ रहे हो उस माइंड से बाहर आना बहुत ज़रूरी है यू की लैंग्वेज पकड़ना जरूरी है उसके लिए आप क्या करोगे पंद्रह साल के पी वाई क्यू लास्ट के जो भी है दो हज़ार तेरह से तो अगर आप वो देना शुरू करोगे तो बारह सौ से तेरह सौ सवाल तो आप यू पी एस सी के देख के जाने वाले हो एग्ज़ाम में वो बहुत हेल्प करेगा आपको ठीक है तो दिस इज़ समथिंग आई वॉन्टेड टू डिस्कस टेस्ट सीरीज़ का एक रोल uh, है ना टेस्ट सीरीज़ क्या दें कितना दें तो मैं बता देता हूँ मैंने टेस्ट सीरीज़ दो दिए हैं राउज आई एस की क्योंकि मैं इनका स्टूडेंट था तो ये मैंने फुल दिए विजन की मैंने फुल दिए ठीक है मैंने मैं एनरोल नहीं था मुझे ये मिल गए थे Uh, कैसे मिलते हैं पता ही है इन लोगों को तो मैंने ये दो फुल दिए हैं ठीक है पूरे पूरे यहाँ भी करीब पचास पेपर्स थे यहाँ आई थिंक थर्टी या फोर्टी पेपर्स थे तो ये मैंने पूरी इनकी दी है और लास्ट लास्ट में मेरे को टेलीग्राम पे या ऑनलाइन कहीं भी अगर कोई एफ मिल जाता था दू दूसरे कोचिंग्स के तो मैं वो भी दे देता था ठीक है लास्ट में मैंने खाली एफ़ल्टीज़ दी हैं बाकी कोचिंग की वो भी बस जो मिल गए मेरे को जानी कि मैं ढूंढ ढूंढ के ले रहा हूँ जो मिल के दे देता था अदरवाइज टेस्ट सीरीज़ मेरे यही दोनों थे ठीक है टेस्ट सीरीज का पर्पज़ क्या है वाई वाई डू वी गिव टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस एग्जैक्टली प्रैक्टिस करने के लिए यूपीएसए के सवाल तो खत्म हो जाएंगे ना यार पंद्रह साल के बार बार हम देखेंगे हमको तो आंसर पता ही है उसके बाद तो हम दो भी मार सकते हैं यूपीएसए के पेपर में है ना तो यू इसका इज ओनली कि आपने आपकी रिविजन एनालाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है ठीक है टेस्ट सीरीज में जैसे मैं क्या देखता था कि मान लो अगर मेरा फंडामेंटल राइट का सवाल गलत हो रहा है या डी पी एस पी का सवाल गलत हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत वो हो जाती थी कि भाई यहाँ से सवाल कैसे गलत हो गया अगर मेरे रैंडम चीज़ें गलत हो रही हैं उससे मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी लाइफ में यहाँ से गलत हो गया या आप मान लो क्रिप्स प्रपोजल से कुछ गलत हो गया ये चीज़ें पे फिर मैं आ, फोकस करता था कि मेरा स्टैटिक पार्ट से कुछ गलत नहीं होना चाहिए स्टैटिक आपको इंपॉर्टेंट करना है टेस्ट सीरीज में हमेशा याद रख लो बिना स्टैटिक के ये पेपर ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला करंट अफेयर्स पर बहुत फोकस है बट स्टैटिक इज द किंग मेकर तो टेस्ट सीरीज में आपको स्टैटिक पे बहुत फोकस रखना है कि यहाँ से आपकी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए स्टैटिक की ठीक है तो टेस्ट सीरीज का मेरा यही रोल होता था जो प्रलिम्स था मेरा उसके एक हफ्ते पहले मैंने विजन की एक टेस्ट दी थी मेरे उसमें सेवेंटी टू या कुछ ऐसे मार्क्स आए थे ठीक है बट मैं बहुत खुश था आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने इकोनॉमी और पॉलिटी के सारे सवाल सा, सही किए थे बाकी उसमें मेरे को मतलब ही नहीं था स्टैटिक मैंने सारे सही ये जितने भी सवाल हैं ये सही किए थे जो मुझे पता है सिक्सटी परसेंट पेपर जहाँ से आने वाला है वहाँ के सवाल मेरे सही थे ठीक है तो मेरा पर्पज़ ये होता था मैं कभी मार्क्स नहीं देखता था ऑब्वियसली कभी कभी तो देखते ही थे बट ऐसा नहीं था कि लेके बैठे और एक्सेल शीट बना दी और अपना ग्राफ बना रहे हैं कब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ये सब कुछ नहीं करता था मैं बस ये देखता था मेरे स्टैटिक के पोर्शन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे है। ठीक है सेकेंडली लोग कहते हैं रिविजन के बारे में अधिकतर टॉपर्स तो रिविज़न करते हैं टेस्ट सीरीज़ की मैं नहीं करता था तो आप अपना तरीका खुद निकालो मैं रिविजन इसलिए नहीं करता था मुझे पता था एंड में मेरे पास टाइम नहीं मिलने वाला है कि इतने इतने भाई आप विजन के भी लोग हैं ना तो इतने हो जाएंगे आपके टेस्ट तो ये रिवाइज़ मेरे से नहीं होने वाले थे मुझे पता था तो मैं क्या करता था व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखा था उस पर मैं अपने आप को अपने भाई को ऐड करके उसको निकाल देता था, था तो उस ग्रुप पे सिर्फ मैं रहता था उसमें मैंने तीन ग्रुप्स बनाए थे जी एथिक्स और ऐसे बाद में ये जी के भी मैंने सेपरेट कर दिए थे वन टू थ्री फोर मतलब वन टू थ्री इसमें मैं क्या करता था कि मान लो मैंने टेस्ट दिया जब मैं देख रहा हूँ कि ठीक है कोई ऐसे फैक्चुअल चीज़ है जो प्रेजेंस में आ सकती है जो मुझे नहीं पता थी उसकी फोटो खींच के इस ग्रुप में डाल देता था और वो एग्ज़ाम के दो दिन पहले वो पूरा ग्रुप देख के गया था मैं अच्छे से समझ रहे हो या जैसे एनशेंट uh, मीडियवल का कोई सवाल है कि किसी uh, मान लो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कुछ करा होगा मेरे को नहीं पता बट वो इंपॉर्टेंट रूलर है तो अगर वहाँ से सवाल आ गया तो एटलीस्ट आई शुड नो तो वो खींच के डाल देता था मैं अपने स्टैटिक नोट्स में कभी छेड़छाड़ नहीं करता था जो मैंने बना रखे थे वो वैसे ही रहते थे बट मैं ये यह यहाँ से फिर उसको सप्लीमेंट करता था तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से बना लो मैं कभी पूरे पूरे पेपर्स का रिविज़न नहीं करता था फिर मैं खाली यही वाला ग्रुप रिवाइज करके गया था व्हाट्सएप वाला ये जो मैंने टेस्ट सीरीज से फोटोज़ खींच के रखी थी ये करीब वन फिफ्टी वन सिक्सटी फोटोज़ थी उसमें भी मैं हाईलाइट कर देता था मेरे को क्या पढ़ना है एक्जैक्टली exactly, और खाली वो पढ़ के गया था प्रीलिम्स के दो दिन पहले तक सो मेक योर यन स्ट्रैटेजी कि वॉट यू फील वॉट यू फील विल वर्क फॉर यू मेरे को पता था मैं वो पेपर से नहीं रिवाइज कर पाऊंगा मैंने ऐसे रिविज़न किया था वॉट एवर यू फील वर्क फॉर यू डू डू इट योर बहुत लोग करते हैं मैंने नहीं की थी आ, टेस्ट सीरीज़ की आ, है ना रिविजन ठीक है फिर हाँ देखो एलिमिनेशन जो एक है ना प्रलिम्स में कि एलिमिनेशन करना है और वो करना ही पड़ेगा आपको जब मैं प्रेम्स दे रहा था तो मेरे फर्स्ट गो में जब मैंने पूरे सौ सवाल देख लिए मैंने खाली तेईस सवाल ओ एम आर पे मार्क किए थे ओनली ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन एंड एंड तक मैं एट्टी फाइव तक पहुँचा था एट्टी फाइव तक और मेरे को बाद में लग रहा था मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कर दिए क्योंकि पेपर उस साल टफ था बट मैं ज़बरदस्ती उसको तो खींच के एट्टी फाइव तक गया अब वो कैसे करते हो आप ये जो ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन हैं यहाँ तो मैं श्योर sure हूँ कि ये मेरे को आते हैं तो ये तो हो गए ख़त्म फिर बचते हैं जो फिफ्टी परसेंट वाले क्वेश्चन हैं यार ये फिफ्टी परसेंट वाले क्वेश्चन है ठीक है जहाँ आप दो ऑप्शन तक पहुँच गए हो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना ही है ये क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं सकते बिकॉज थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन ज़्यादा किसी को नहीं आते जिस साल पेपर टफ है बीस पच्चीस मेरे साथ तो हो गया था लोग तब भी तीस तीस कर रहे थे बट ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे ना तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होना है और, और आप उसको वो देखो ना स्टेटिस्टिकली देखो कि मान लो फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन के आपके पचास सही हो जाते हैं और पचास परसेंट और गलत हो जाते हैं बाकी और आप ऐसे तीस सवाल हैं पंद्रह सही हैं और पंद्रह गलत हैं प्लस थर्टी और ये कितना है माइनस थर्टी बाई थ्री कितना माइनस टेन होता है ना शायद तो बीस नंबर तो आप तब भी जोड़ रहे हो ना अपने स्कोर में और ये तो तब है जब आप फिफ्टी परसेंट में के सही गलत कर रहे हो समझ रहे हो ना प्लस थर्टी हो ना दो ही होते हैं ना जो भी है मैथ्स देख लेना बट पॉजिटिव ही आती है अगर आप ये मैथ्स करने बैठोगे ना कि कहाँ पर जाके फिफ्टी परसेंट में आपका नेगेटिव हो जाएगा तो वो आप बहुत ख़राब मतलब कि यहाँ पे आपके 20-25 हो जाए तब यहाँ पे कुछ ख़राब होने लगेगा बट ओवरऑल ये चीज़ ऐड ही करेगी स्कोर में एंड बाय द टाइम यू गिव द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये आपका कहीं ना कहीं चार से पाँच पे आके रुक जाएगा ये आपका उससे काफ़ी आगे बढ़ जाना है बीस सवाल से भी आपका फिफ्ट, फिफ्टीन टू तो सिक्सटी यहाँ से आप सही कर दो समझ रहे हो तो ये तो आपको करना ही है फिर जो थर्टी थ्री परसेंट वाले सवाल होते हैं जहाँ एक तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया है कि आपको पता है कि एक तो इसमें से या तो गलत है या तो सही है तो एक ऑप्शन आपका हट गया बचे तीन ऑप्शन है ना तो अब आपको वहाँ रिस्क लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपके पहले दो कितने हुए हैं कि ये 50 परसेंट और 100 परसेंट मिला के कि आपने कितने सवाल किए हैं उस बेसिस पे आपको यहाँ पे रिस्क लेना होगा अगर आप यहाँ पे सारे सवाल करने बैठ जाओगे ना तो प्रॉब्लिटी बहुत ज़्यादा है कि आप यहाँ पे हो सकता है थोड़ी नेगेटिव साइड में चले जाओ जबरदस्ती भी है ना तो ये रिस्क आपको डिपेंडिंग ऑन कि आपका हंड्रेड और फिफ्टी कितना है इस बेसिस पर आपको लेना पड़ेगा इसका कोई इसका कोई फिक्स रूल नहीं है ठीक है ना आई होप दैट इज़ क्लियर आई थिंक एक तो ये है और एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प करने हैं एज आई सेड मैंने एट्टी फाइव किए थे आप लोग क्या सोचते हो कितने क्वेश्चन अटैम्प करने चाहिए मतलब आई नीड टू नो दिस फ्रॉम यू फर्स्ट कितना एट्टी टू फाइव और यार बोल लो यार मतलब सेवेंटी सेवेंटी फाइव कैसे बोल रहे हो आप हाउ कैन यू से दिस ठीक है बहुत बढ़िया तो ये तो 80 टू एटी फाइव आपने कुछ हवा में बना के बोल दिया वो डिसीजन आपको लेना है पेपर देख के आप डिसाइड करके नहीं जा सकते मैं 90 ही अटेम्प्ट करूंगा पता चला पेपर आ गया टफ आप 90 खींचने के चक्कर में आप इतना नेगेटिव पहुँच गए हो कि आप कट ऑफ के प्लस माइनस टू की रेंज में आके बैठ गए एंड वो बहुत ख़राब सिचुएशन होती है समझ रहे हो इट डिपेंड ऑन द पेपर हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या कितने नहीं करने यहाँ हम पेपर देखने से पहले थोड़ी सोच पाएंगे ये डिसीजन हमको पेपर में लेना है जब मैंने फर्स्ट एड अपने गो में खाली ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन किए ना आई इमीजिएटली रियलाइज पेपर इज टफ ठीक है तो आई न्यू कि मैं भाई नाइन्टी तो नहीं क्रॉस करने वाला हूँ एट एनी कॉस्ट एट्टी फाइव भी मैं खींच खींच के लेके गया था लास्ट के दस मिनट में शायद मैंने दो तीन कर दिए थे अदरवाइज में एट्टी वन एटी टू ही करता है इस पेपर में समझ रहे हो एंड वो जो मैंने दो तीन किए वो गलत ही हुए थे एंड में जाकर है ना तो दैट डिसीजीजन डे ऑफ द पेपर 2016 या 17 में कट ऑफ एक गई थी पता है किसी को 116 सौ सोलह कट ऑफ गई थी सोचो so, कोई बंदा है जिसने बहुत सही से पेपर दिया उसको बहुत मज़ा आ रहा हो देने में एट्टी फाइव एटी क्वेश्चन के आसपास आके उसने सोचा कि यार अभी तक मेरा पेपर बहुत सही गया है 105 प्लस तो मेरे आ रहे हैं और मेरा क्लियर हो जाएगा तो अब मैं इसका आगे रिस्क नहीं लूँगा मान लो उसके एक आए हों या एक आए हों वो उसने क्वालीफाई नहीं किया ना एग्ज़ाम आप समझ रहे हो ये डिसीजन आपको वहाँ लेना है कि पेपर ईजी है कि पेपर टफ है कि पेपर मीडियम लेवल का है एंड तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा और इसमें पीवाई एनालिसिस काम आती है कि दो की कट ऑफ एक थी उसके जस्ट बाद वाले में आई थिंक हंड्रेड सेवन या हंड्रेड एट थी तो आपको पेपर देख कर रियलाइज़ करना है कि इस पेपर में ऐसा क्या था कि 116 सो और 107, 108 कट ऑफ हुई क्या था ऐसा मेरे को कोई बता सकता है कि क्यों इन पेपर्स में आप लोगों ने पेपर देखे हैं एक बार भी किसी ने भी देखे हैं 16 और 17 के पेपर ऐसा क्या था कि पेपर में इतना कट ऑफ चला गया एक आप समझ रहे हो किसी बंदे को 58 एट क्वेश्चन करेक्ट करने हैं हंड्रेड सिक्सटीन पहुँचने में कट ऑफ पहुँचने में साठ सवाल तो आपको सही करने पड़ रहे हैं मिनिमम तो उस साल कितने सही सवाल हुए होंगे हंड्रेड हंड्रेड एट फिफ्टी फोर क्वेश्चन तो ये क्यों गया था कट ऑफ इतना रीज़न है हाँ अब क्यों ईजी था पेपर तो ईजी था वो तो समझ आ गया मेरे को तो कट ऑफ देख के समझ आ रहा है बट वाई ये वाई वाला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके पूरे जर्नी में ये रहना ही पड़ेगा वाई वॉज इट वेरी ईजी वेकेंसी हटाओ यार वैकेंसी तो इस बार भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कट ऑफ आ ही जा रही है यार तुम यार यूपीएससी की तुम पैटर्न पर ऐसा नहीं होता कि हर साल वो चेंज ही करते रहेंगे कुछ कुछ देर इज अ रीज़न वाई देर इज अ रीजन क्या स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा हो गया होगा आप एकदम उल्टा बोल रहे हो करेंट अफेयर्स 2015 में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था कुछ पता है आप लोग को हैं दिसंबर में डीमोनीटाइज नहीं नहीं वो तो वही था इंटरनेशनली कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हुआ था दो हजार सोलह पंद्रह में ट्वेंटी फिफ्टीन दिसंबर अर्थ को एक क्या 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 पेरिस एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट यहाँ से कितने सवाल आए थे पता है तीन या चार सवाल यहीं से आए थे डायरेक्ट और कैसे कैसे सवाल आए थे अगर आप देखोगे ना वो आठ नंबर ने ये कट ऑफ इन्फ्लेट किया है और बाकी सवाल बाकी बाकी पेपर में भी करंट अफेयर्स वाज डोमिनेटिंग जैसे आपने बोला ना स्टैटिक जिस साल अगर स्टैटिक डोमिनेट कर गया ना कट ऑफ साठ भी नहीं जाएगी क्यों लोगों को कुछ नहीं आता और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कट ऑफ अगर स्टैटिक पे डिपेंडेंट हो गया तो आपकी कट ऑफ हमेशा नीचे जाएगी बिकॉज स्टैटिक कंसेप्चुअल चीज़ होती है कंसेप्ट लोगों को नहीं आते हैं सिंपल है टू का कट ऑफ वॉज नाइन्टी टू का कट ऑफ वॉज एट्टी सेवन करंट करेंट अफेयर्स डिक्रीज स्टैटिक इंक्रीज 2022 जो इस साल पेपर हुआ है सबको पेपर टफ लग रहा था बट आई हैव नोन पीपल जिनके 95 आ रहे हैं उन्होंने क्रॉस नहीं किया है दे आइवेंट क्वालिफाइड कट ऑफ नाइन्टी के आसपास रही है भाई हमें तो लगा था भाई वैकेंसी बढ़ी है पेपर भी टफ़ रहा है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा क्यों बड़ा कट ऑफ करंट अफेयर्स जब जब पेपर करंट अफेयर्स डोमिनेटर आएगा कट ऑफ ऊपर जानी ही जानी है बिकॉज लोग न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स मैगजीन्स रट के जा रहे हैं पढ़ के जा रहे हैं वहाँ से अगर कुछ आया तो लोग सही करेंगे बट कोई भी लक्ष्मीकांत दस बार से ज्यादा पढ़ के नहीं जा रहा स्पेक्ट्रम लोग चार पाँच से ज्यादा बार पढ़ के नहीं जा रहे तो अगर स्टैटिक ज़्यादा आएगा कट ऑफ नीचे जाएगी स्टैटिक ज्यादा आने से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी कभी और ये आप हमेशा देख लेना इसीलिए आपने स्टैटिक पर कंट्रोल करो अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग हुआ आपका ये पेपर इजिली निकलने वाला है करंट अफेयर्स आपको कभी पेपर क्वालिफाई करके नहीं देने वाला है दिस इज समथिंग यू हैव टू रियलाइज एज सुन एज पॉसिबल राइट प्रिलियम्स में हाँ करंट अफेयर्स की बात करते हैं सी uh, सैट की बात कर लेते हैं पहले ठीक है सो आई रिमेंबर सी सैट में सी सैट में 80 क्वेश्चंस 80 में से 27 वी हैव टू डू राइट है ना एंड 50 इज मैथ्स डी आई एल आर एंड थर्टी क्वेश्चन आर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन राइट आई थिंक वी लेट सम बड़ी सो आई थिंक वी अंडरस्टैंड दिस ना, तो अब मेरे को एक बात बताओ इफ यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश वुड यू क्लियर कंफर्टेबली, नहीं ना सो अट ऑफ पीपल कि दे कीप इंग्लिश पे बहुत फोकस है राइट एंड वो फंसेंगे बिकॉज इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है कोई बता सकता है मेरे को वाई इंग्लिश

डायरेक्ट क्वेश्चन आर नॉट देर क्लोजर और मैथ्स का तो पता ही है मैं पूछ रहा हूं इंग्लिश में हाँ एग्जैक्टली दिस 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 पॉइंट जो यूपीएससी का इंटरफेरेंस है उस पैसेज से जरूरी नहीं अपना भी सेम होगा आप समझ रहे हो द सब्जेक्टिविटी विद द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इज कि यूपीएससी माइट टेक इट इन अ डिफरेंट वे यू माइट अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे राइट एंड वहां पे अगर डिफरेंस आया तो क्वेश्चन होंगे गलत एंड वहां क्वेश्चन गलत हुए यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्कोप राइट तो यूपीएससी ने जान के उसको बनाया इस तरीके से कि यू डोंट ओनली बी डिपेंडेंट ऑन दी कॉम्प्रिहशन पोर्शन राइट सो हाउ डू यू प्रिपेयर द मैथ्स पोर्शन नाउ मैथ्स फॉर मी नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम मैथ्स ऑप्शन ये अलग ही चीज होती है बट फॉर मीट दिस वॉज अ रिलेटिवली कंफर्टेबल एरिया सो आई डेंट हेव टू स्ट्रगल इयर बट आई डेल यू वॉट माई स्ट्रेटी वॉज फॉर सी सैट पेपर i'll tell you my strategy i'm not saying this is the right strategy for you but what this means is you'll have to make a strategy for your own right so when i made this analysis ki 50 questions are coming from maths and dilr right so i decided i'll attempt these 50 first next i won't fill my uh, omr bubble or like the omr sheet why because i might have made some silly mistakes in some questions so i'll attempt it's message i could attempt i will attempt it once more so in the actual paper

इन थर्टी मिनट्स अटैम्प्टीन कॉम्प्रिय कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जब आपने सुबह जीएस वन दिया है तीन घंटे का जितना भी ब्रेक होता है देन लास्ट के आधे घंटे में आप इतना कैसे कर सकते हो नहीं फिर रीडिंग हैबिट नहीं रीडिंग हैबिट तो सबकी होती है क्या नहीं ये नहीं क्या मैं फैक्चुअल क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन में यार मैं बताता हूँ कैसे होता है कॉम्प्रिहेंशन भी दो तरीके के होते हैं अगेन वन यही है ना पेपर यू हैव टू एनालाइज वेल एक होते हैं चार लाइन होते हैं और एक सवाल होता है एक ये होते हैं कॉम्प्रिहेंशन एक होते हैं आधे पेज के कॉम्प्रिहेंशन ठीक है पेपर ऐसे हाफ में बटा होता है ये आधा पेज उसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा और यहाँ पे क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू प्रोब्ली क्वेश्चन थ्री ऑल्सो समटाइम्स सो वॉट डू यू थिंक वॉट डिड आई डू सेकेंड फर्स्ट did this why four lines to read one question four statements very much easier to comprehend because when you see in the question you have four statements there you can uh, try to read the question then right because this is very small in size when you are used to reading editorials four lines is very small and if four lines because there is a paper as a me divided and so this comprehension will only be like this वन टू थ्री फोर और एक ही क्वेश्चन इतना सा पढ़ना इज मच ईजियर देन इतना पढ़ना एंड इनके क्वेश्चंस भी लंबे लंबे यहां तक आ जाते हैं सो व्हेन यू सी द क्वेश्चन एंड यू थिंक भाई ये तो एक ही पैराग्राफ से चार आ रहे हैं एंड यहाँ एक से एक आ रहा है डूइंग दिस इज मच ईजियर सो आई पिक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई सॉल्व दम फर्स्ट एंड वैन आई कंप्लीटेड उसमें से जितना मेरे से हो पाया देन आई सॉल्व वन और टू लाइक दिस एंड देन आई फिनिश द पेपर आई कम्प्लीटेड सो आई एम नॉट सिंग दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी दिस इज समथिंग इस विच वर्क फॉर मी बट यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी राइट सी सैट में वेन आई डिसाइडेड दिस इज हाउ आई विल अटेम्प्टाउ आई डिड दैट अगेन पी वाई क्यू आई दिस हाउ आई स्टार्टेड माई सी सैट प्रिपरेशन राइट आई डेंट प्रिपेयर एनथिंग स्पेसिफिकली आई सॉल लास्ट फाइव ईयरस पी वाई क्यू एंड आई मैं आपको मार्क्स नहीं बताऊंगा बट आई आई टेल यू आई आराम से कंफर्टेबली मैं क्लियर कर रहा था सो मेरे को पता चल गया सी सैट कुछ मेरे को अलग से करने की जरूरत नहीं है बट आई सॉल द पी वाई क्यूज एंड दैट इज हाउ आई अंडरस्टूड की वॉट इज गोइंग टू डू वेल फ्रॉम ई वॉट नॉट एंड यहाँ पे आई रियलाइज मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं परसेंटेज ठीक है परसेंटेज रेशियोज एज ठीक है टाइम एंड डिस्टेंस क्लॉक कैलेंडर सो आई प्रिपेयर्ड देम वेल आई डिड दैम यहाँ से मैंने पी वाई क्यूज लास्ट फाइव ईयर्स के सॉल्व किए आई रियलाइज किस लेवल का पूछ रहे हैं आई प्रिपेयर दैम वेल इनफ फिर मैथ्स में कुछ ऐसे भी पार्ट थे विच आई डेंट लाइक जैसे क्यूब क्यू वॉइड मेरे से नहीं होते इनके सवाल तो आई न्यू कि इसमें से अगर एक लेवल से ज्यादा आएगा मैं छोड़ दूंगा राइट सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर एंड आई थिंक मैंने पूरे पी वाई क्यू देखा एंड दिस इज हाउ आई रियलाइज कि दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू डू इन द एग्जाम राइट एंड ऐसा ही हुआ कुछ कुछ एंड वॉट आई डिड बिटवीन द जी एस वन एंड सी सैड पेपर वॉज मैं अपने साथ 2019 और 2020 के पी uh, वाई क्यू लेके गया था uh, जब मैं एग्जाम देने गया था सो बिटवीन जी एस वन एंड सी सेट पेपर आई लुक एट दीज क्वेश्चन अगेन कि क्या पैटर्न पूछा था कुछ अगर नया क्वेश्चन uh, हो नया कॉन्सेप्ट हो आई रिवाइज देम बिटवीन दीज टू पेपर्स एंड वो जो ब्रेक मिलता है एंड यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट ऑलमोस्ट रिपीट हो गए बस डेटा चेंज करके राइट एंड अपने साथ कुछ ये वाले नोट्स लेके गया था जो कुछ कुछ फॉर्मूले मैंने बना सी आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई हैड मैथ्स एज माई ऑप्शनल आई स्टिल डीड दिस एक्सरसाइज वाई आई डेंट वॉन्ट टू फेल ईयर ठीक है सी सैट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कोई बताएगा मेरे को लोग क्यों नहीं प्रिपेयर करते सी सैट आई वॉन्ट टू नो दिस फर्स्ट टेक इट लाइटली वाई नहीं अब तो अब तो लोग लाइटली ले भी नहीं रहे बट हाँ जैसे आपने बोला इट इज अ क्वालिफाइंग राइट ठीक है तो सी सैट इस क्वालीफ़ायर अरे यार ब्लैक ही था ना यार ये ब्लैक ऐसा ही है क्या यहाँ पे ठीक है सी साइड इज़ क्वालिफाइंग फॉर जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं जी एस वन राइट है ना बट ये क्या है इसमें आपको डेढ़ सौ नंबर ला के कहीं कुछ जुड़ने वाला है दिस इज़ क्वालिफाइंग फॉर व्हाट तो ऐसे तो डोंट प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो मत पढ़ो इसको दिस इज़ क्वालिफाइंग फॉर दैट तो आप ये क्यों नहीं पढ़ोगे यहां पे आप 120 बीस लाके यहाँ पे 30 नंबर लाके अगर अटक गए तो आपने क्या झंडे गाड़े हैं फिर क्या हो गया उससे कुछ नहीं हुआ सो प्रिपेयर फॉर दिस एंड यू नो वाई पीपल प्रिपेयर फॉर सी सैट बिगेस्ट रीजन शेम शर्म आती है सी साइड पढ़ने में देखा है आती है देखा है अपने लोगों को आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल शर्म आती है क्यों क्वालींग है और किसी को क्यों बताना हमारी मैथ्स वीक है हमारी सोसाइटी वैसी है ना जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसको हम बहुत अच्छा समझते हैं तो किसी को क्यों बताना हमारी मैथ्स वीक है शर्म आती है सी सैट पढ़ने में और वो शर्म आपको डुबा देती है एग्जाम में प्रिपेयर कर लो दो का पेपर अच्छे लेवल का है सो प्रिपेयर दिस पार्ट रियली वेल इफ यू इफ यू आर स्कोरिंग रियली वेल हियर बट यू आर नॉट क्वालिफाइंग दिस आई एल टेल यू राइट नाउ इट इज अ क्राइम इन दिस प्रिपरेशन यू कै नॉट गेट स्टक एट दी सेट लेवल ठीक है सो सी सेट हैज टू बी टेकन सीरियसली राइट आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट माय बुक लिस्ट राइट सो बुक लिस्ट इज समथिंग आई वांट टू कवर एंड उसके लिए आई मैंने अपने वो लेके आया हूँ फोटोज़ बिकॉज मेरे को याद तो रहता नहीं है सो आई एल जस्ट टेल यू आई व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव स्टडीड सब कुछ सेम ही मिलेगा आई डोंट थिंक आप लोगों को लिखने की जरूरत भी है पॉलिटिकली इट इज़ एम लक्ष्मीकांत अच्छा एंड वॉट सोर्स आई एम राइटिंग हेयर राइट दिस दिस कॉम्प्लीमेंटेड क्लास नोट्स मैं कोचिंग कर रहा था ना सो माई क्लास नोट्स कॉम्प्लीमेंटेड ऑल दीज सोर्सेज एंड एक्सेप्ट माई क्लास नोट्स आई ओनली कैप्ट वन सोर्स सो ट्राई टू डू दैट वेल एक सोर्स अच्छे से पढ़ो ताकि वहां से जो भी आए वो गलत नहीं होना चाहिए बाहर से कुछ आया एलिमिनेशन ला के देखेंगे होता है वेल एंड गुड नहीं होता छोड़ देंगे राइट बट अपना सोर्स कम रखो उसको इतने बार पढ़ो लक्ष्मी लक्ष्मीकांत आई हैव रिवाइज आई थिंक मोर देन फिफ्टीन टू ट्वेंटी टाइम्स बट टाइम आई गेव प्रम्स आई टेल यू हाउ टू रिवाइज द बुक्स और मुझे इतना पता था हर पेज पे क्या चीज़ मैंने क्या कहाँ लिखी है वहाँ से कुछ आएगा तो वो गलत हो ही नहीं सकता मैं चाहते हुए भी, भी गलत नहीं मैं सो के उठ के सही कर सकता था एंड जब मेंस के बाद मैं दोबारा फिल्म के लिए पढ़ाई कर रहा था स्पेशली आफ्टर इंटरव्यू मेरे को ये किताब खोलने की मन नहीं कर रही थी कि इतने बार पढ़ देख के बोरियत आती थी, थी मुझे मैं सोच रहा था, था नया वाला एडिशन ले आता हूँ कुछ नया तो लगेगा उसमें कम से कम इतनी बोर हो गया था मैं ये इतने बार देख चुका था इस किताब को सो दिस इज एंड दिस आई डेड विद ऑलमोस्ट एवरी अदर बुक सो आई टेल यू हाउ टू डू दैट ऑल्सो बट दिस इज दीज आर माई सोर्सेज ठीक है इसमें नोट्स कैसे बनाता था लक्ष्मीकांत में यहीं पे बहुत सारे एम टी स्पेसिस मिलते हैं लक्ष्मीकांत में ट्राई टू मेक नोट्स देर एंड देन उधर ही बनाओ उसी को रिवाइज करके जाना अलग से इसमें कॉपी बना के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना इसमें काफी स्पेस मिलता है ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपको इंपॉर्टेंट वालों को भी पहले बता दूंगा जहाँ से आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम ठीक है स्पेक्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो वो वाले पार्ट है ना जो यूजअली लोग पढ़ते नहीं हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ठीक है प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और ट्राइबल मूवमेंट्स यहाँ से यूपीएससी ने बहुत सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं ये आपको एकदम अच्छे से करना और स्पेक्ट्रम में बहुत दिए हैं यार उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है ठीक है इंस्पेक्ट्रम से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं तो स्टडी दिस एटलीस्ट दिस इज वॉट आई स्टडी अनलेस यू स्टडीड समथिंग एल्स एंड वो आप रिवाइज कर चुके हो द इज नो नीड टू शिफ्ट टू दिस बट दिस इज वॉट आई स्टडीड आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल ठीक है एक और अब चीज़ आपको करनी है कि सिक्स सेवन एट ठीक है ट्वेल्व न्यू एनसीआरटीज़ वाई आई एम टेलिंग दिस कि यहाँ से कट कापी पेस्टों के सवाल आए हैं रिसेंटली यू पी एस सी ने कट कापी पेस्ट किया है एक वो अशोका का सवाल आया था दो हज़ार बीस में एट्थ के एन सी आर टी से आया है हु हुंडी का सवाल आया था दो हज़ार बीस में अगेन आई थिंक सेवन्थ के एन सी आर टी में दिया है यहाँ पे जो बॉक्सेज हैं और जो अलग से उन्होंने बना रखा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये छोटी छोटी है यार ये तो कहानी कितने खत्म हो जाती है वैन यू स्टार्ट रीडिंग स्पेक्ट्रम वगैरह ये सब पढ़ के आते हो तो ये एन सी सर टी तो मतलब बहुत जल्दी निपट जाते हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट यहाँ से डायरेक्ट सवाल आए हैं आई एम नॉट सेइंग दिस यहाँ से कंसेपचुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी बहुत वेगली रिटर्न है बट क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं तो वो वाले पार्ट्स एटलीस्ट वी हैव टू कवर वेल राइट ठीक है एनवायरमेंट बता देता हूँ ना एनवायरमेंट के लिए आई डेंट रीड शंकर आयस का बुक एंड आई टेल यू बाई एक साल का मेरे पास टाइम था ना सो आई हैड स्टार्टेड इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी आई टू गिव इन ट्वेंटी वन मैंने शंकर आयस की बुक खोली मैंने देखा ये तो चार सौ पेज की किताब है तो मेरे को अगर मैं एक बार पढ़ भी लेता ना तो मैं रिवाइज नहीं कर पाता एंड मेरा सिंगल कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं कोई चीज रिवाइज नहीं कर पाऊंगा मैं वो चीज़ खोलूंगा ही नहीं सो आई डोंट स्टडी शंकर आई एस की बुक इन स्टेड वॉट आई डिड आई रिलाईड ऑन क्लास नोट्स जो मेरे को क्लास में पढ़ाए गए थे एंड राउज आई की एक कंपस मैगजीन है uh, मैंने यहाँ से पढ़ा आई फाइंड इट वेरी गुड बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही पढ़ो वाई आर एड फ्रॉम यूर कि मैं यहीं से पढ़ रहा था ना दिस वॉज माई कोचिंग सो दिस इज फ्रॉम वेर आई स्टडीड आपको भी कुछ मटीरियल मिलेगा ट्रस्ट दैट ठीक है यहाँ पे जो टीचर्स हैं अच्छे से सो क्यूरेट कर रहे हैं पी वगैरह एनालिस करके कर रहे हैं सो ट्रस्ट योर सोर्स आई ट्रस्टेड माई सोर्स दिस वॉज इट एंड पी वाई क्यू एनालिस जो मैंने आपको पहले बताया ठीक है यहाँ से मेरा इन्वायरमेंट मोस्टली कवर्ड था इकोनॉमी अगेन मेरे को कोई अच्छी किताब नहीं मिली तो आई स्टडीड ओनली फ्रॉम क्लास नोट्स मेरे क्लास नोट्स काफ़ी अच्छे थे मुझे उससे ज़्यादा की कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं लगी इकोनॉमी में मेन्स के बाद मैंने एक नितिन सिंघानिया सर की किताब पढ़नी शुरू की थी इकोनॉमी की भी किताब है इनकी आई फाउंड इट गुड सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी समथिंग कोई अगर आपको किताब से ही पढ़ना है तो यू कैन रेफर टू इट बट मैंने मेन्स uh, तक मैंने नहीं पढ़ा था किताबों से मतलब इकोनॉमिक्स वॉज ओनली फ्रॉम माई क्लास नोट्स तो वो आपको भी पढ़ाया जाएगा जो आपके टीचर्स आपको बताएं ट्राई टू यू नो उससे आप पढ़ने की कोशिश करो बिकॉज दैट इज़ वाई ऑफ कम यर इसलिए आप पढ़ रहे हो तो वो आपको अच्छे से होलिस्टिकली कवर कराएंगे सब कुछ एंड ये बुक मेरे को ठीक लगी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो ठीक है इकोनॉमी का ये हो गया कर लूँ इसको क्लीन कर दूँ ठीक है एंशिएंट इंडिया का अगेन जो मेरे क्लास नोट्स हैं प्लस आर एस शर्मा सर की ओल्ड एन आती है मैंने यहाँ से पढ़ी है इस बुक से यूपीएससी ने आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिए हैं बट यहाँ से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी ये बहुत अच्छे से लिखी हुई बुक है टू हंड्रेड टू ट्वेंटी पेजेस की है आप एक बार पढ़ के जरूर देखना आई हेट स्टडीड फ्रॉम यर एंड एनशियट इंडिया के मैंने क्या किए थे नोट्स बना लिए थे अपने छोटे बीस पच्चीस पन्नों में एन और जो सिक्स और सेवन्थ के एन है उसमें भी एनशियट का पार्ट है न्यू वाली यहाँ से और जो मेरे क्लास नोट है वहाँ से मैंने ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पेज के नोट्स बना लिए थे एंड मैं वही रिवाइज करता था सॉरी फॉर दैट कि यहाँ से कुछ भी आए तो जो मेरे नोट्स में है वो सही होने चाहिए अगर इसके बाहर का आ रहा है तो वो तो किसी से नहीं हो रहा ना तो उसमें दिमाग नहीं लगाना तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव पेजेस मैंने वो अपना सेट कर लिया था फिर आया मिडीवल <coughs> इंडिया कुछ नहीं पढ़ा मैंने <coughs> इसके लिए ओनली क्लास नोट्स क्लास नोट्स में भी आपको ये एनालाइज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी क्या पूछता है यूपीएससी ने आपने कभी देखा है कि किसने किससे लड़ लिया कौन कहाँ जीता ये यू नहीं पूछता है ना ये सब स्टेट सर्विसेज में आते हैं यू एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पूछता है इम्पोर्टेंट uh, क्या कहते हैं उसके रूलर्स uh, uh, के जैसे अलाउद्दीन खिलजी हो गया ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक हो गया फिर अपना uh, अपना मतलब औरंगजेब वगैरह ये जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पूछते हैं वो तो आपको ये चीजें ज्यादा पढ़नी इम्पॉर्टेंट uh, है कि मान लो uh, इकता दारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया ठीक है या वो था ना बंदगान सिस्टम जो था आ, स्लेवरी वाला ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया था तो क्यों लाया था क्या लाया था ये चीज़ें आपको जाना ज्यादा जरूर, ज़रूरी है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रूलर्स सारे रूलर्स नहीं ओनली द इंपॉर्टेंट वॉन्स मैं खाली उतना पढ़ के गया था कि उसमें से कुछ आएगा तो करेंगे नहीं आएगा तो नहीं करेंगे वॉर्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं कि अकबर ने पचास वॉर कहाँ लड़े किससे लड़े कुछ करने की जरूरत नहीं ठीक है हाँ जैसे वो चहलगानी वगैरह सिस्टम है हु इंट्रोड्यूस्ड ठीक है किसने हेरिडिटरी किया किसने हटाया ये चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये रूलर्स कर रहे थे राइट आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत दर्द देते हैं नितिन सिंघानिया सेलेक्टेड टॉपिक्स सेलेक्टेड टॉपिक्स कौन से जैसे हो गए ट्रैवलर्स ठीक है जैसे हो गए टेम्पल आर्किटेक्चर ठीक है जैसे हो गए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ठीक है ऐसे टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो यूपीएससी ज्यादा पूछता है बुद्धिज्म जैनिज्म ये यहां से पढ़ने हैं आपको बाकी अगर आप देखोगे जैसे इसमें पेंटिंग्स है अब पेंटिंग्स यूपीएससी ने बारह साल में एक बार पूछा है तो उसके लिए हम क्यों पढ़े समझ रहे हो मान लो पूछ भी लें दोबारा तो भाई जो पढ़ के जा रहा है कर ले हम नहीं करेंगे सीधी सी बात ये रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे बहुत चीजें दी हुई है यार म्यूजिक डांस पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है यूपीएससी ने हर चीज़ से एक एक बार ही सवाल पूछा है तो उसको ऊपर ऊपर से देख लो कि एटलीस्ट डांस में आपको पता तो होना चाहिए क्लासिकल डांसेस कौन से हैं चार पाँच कहाँ के हैं और भरतनाट्यम सॉरी वो जैसे वो एक बुक थी उसकी किसी ने लिखा था मेरे को नाम याद नहीं है तो वो सब चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ लो बहुत ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें अच्छे से करनी है क्योंकि यहाँ से आते हैं सवाल मेंस में भी प्रीलिम्स में भी ठीक है जोग्राफी के लिए इलेवन ट्वेल्थ की एनसीईआरटी ठीक है इलेवन ट्वेल्थ की एन इसलिए सिक्स से मैं नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी कोचिंग कर रहा था क्लास नोट से एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी सो आई डेंट नीड टू स्टडी दी एंटायर एनसीआर वाला स्पेक्ट्रम मैंने खाली एलेवन्थ और ट्वेल्थ ही पढ़ी मेरे को इनफ लगी जोग्राफी में एक वो मैपिंग वाला एस्पेक्ट आता है ना मैप्स पूछते हैं तो मैप्स में क्या है कि कुछ मैप्स तो आपको खुद से करने पड़ेंगे जैसे रामसर वेटलैंड है नेशनल पार्कस है वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज हैं ठीक है ये मैप्स आपको बनाने रिवर्स हैं रिवर्स का अगर आप देखोगे ना एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ ट्वेल्थ की एनसीआरटी है या इलेवेंथ कोई एक एनसीआरटी है उसका सेकेंड या थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज वाला ड्रेनेज चैप्टर है उस चैप्टर में उन्होंने बहुत रिवर्स दिए हुए यू उसके बाहर से कुछ नहीं पूछता एंड जब वहां से वो पूछता अगर कुछ बाहर का भी पूछते हैं ना वो ऐसे पूछते हैं कि यहाँ वाले रिवर्स अगर आपको अच्छे से पता है तो वह वो एलिमिनेट होकर बराबर हो जाएंगे तो ये वाला चैप्टर अच्छे से करो इसके मैप्स में बनाना अच्छे से छोटे छोटे रिवर्स हैं वे है शेत्रुंजी है ऐसे ऐसे रिवर्स उसमें मैंशन है डू देम ठीक है जो पी वाई क्यूज में पूछ रखे उनके ऑप्शन वाले रिवर्स वो अच्छे से करके आना मैपिंग में फिर जो इंटरनेशनल मैपिंग है वो मैंने मतलब मैप पे बना बना के नहीं किए वो मैंने जोहाड़ तरीके से किए कैसे कि मैंने निमोनिक्स बनाए जैसे अब ब्लैक सी है तो ब्लैक सी का बर्गर टी करके आता है कुछ बर्गर टी करके आता है ठीक है कैस्पियन सी का लोग तारीख से याद करते हैं मैं रजेंतुका से याद करता था क्योंकि उसमें दिख जाता था ना जैसे ए से अजरबैजान है आई से ईरान है टी से तुर्कमेनिस्तान है के से कजाकस्तान है ये कैसपियन सी का है मैंने कभी मैप खोल के नहीं देखा कौन कहाँ पे मैं बस याद कर लिया ऐसे ज्यादा नहीं है पाँच ही हैं जैसे आ, एक वो भी है आर्टिक सर्कल का भी है कुछ सी डी सुन फिर ऐसे करके कुछ है ठीक है और इसमें यूके और आयरलैंड नहीं है तो यू से यूएस है आई से आइसलैंड है ठीक है सी से कनाडा डेनमार्क ऐसे कर करके तो मैंने ये ऐसे याद कर लिए थे मैंने इस पर बैठ के मैप पे मेहनत नहीं की थी ठीक है और आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए जैसे इंटरनेशनल रिवर्स पूछते हैं है ना तो इंटरनेशनल रिवर्स में इंटरनेशनल रिवर्स में आपको हर कॉन्टिनेंट का लॉन्गेस्ट रिवर पता होना चाहिए जैसे यूरोप का वोलगा है है ना अभी तो मेरे को याद नहीं है बट देख लेना जैसे अफ्रीका में भी जम्बेजी इंपॉर्टेंट रिवर है तो उन्होंने पूछ रखा है पहले फिर नॉर्थ सी उधर आप देख लेना इंग्लैंड तरफ थेम्स वगैरह है कौन कहाँ गिरता है ये सब चीज़ें आपको देखना इंपॉर्टेंट है, है तो ये इसके लिए आप थोड़ी सी मैपिंग देख सकते हो बट यहाँ पे थोड़ा वर्ल्ड वाला जो मैपिंग है ना इंटेलिजेंटली खेल जाओगे तो हो जाएगा आपको हर एक का जाके मैप देख के नहीं है आप रट भी सकते हो उसको आ, कुछ निमोनिक्स बना के बट बहुत ज़्यादा ओवरडू मत कर देना निमोनिक्स बिकॉज ऐसा पता चला निमोनिक्स याद करने के लिए फिर रिविजन करना पड़ रहा है तो अब जैसे मैंने बहुत टाइम से रिविजन नहीं किया ना मैंने कुछ नहीं पढ़ा है बट मेरे को इमीजिएटली याद आते हैं क्योंकि पाँच थे जो इंपॉर्टेंट सी हैं सबके निमोनिक्स मुझे याद थे अभी भी हैं तो वहाँ से कुछ भी आएगा तो जैसे क्रोएशिया है आई थिंक 2018 हज़ार अट्ठारह उन्नीस में उन्होंने पूछा था कैस्पियन सी के बॉर्डर्स ठीक है या कोई एक मैच द फॉलोइंग था क्रोएशिया और कैस्पियन सी लिखा था ठीक है अब इसमें कैस्पियन सी जैसे मैंने बताया मैंने रजिंदु का याद कर रखा था इसमें कहीं सी आता ही नहीं है सी आता ही नहीं है ये एलिमिनेट करते आंसर आ जा रहा था उसमें तो इसमें बैठ के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ये ऐसे आप निमोनिक्स के बेसिस पर कर लेना निमोनिक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे नहीं तो मैं कुछ एक जगह पे शेयर मैं बता दूंगा मैं कहाँ शेयर कर दूंगा ठीक है साइंस एंड टेक मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है ठीक है इसमें जो बायो वाला पार्ट है उसमें आप ट्वेल्थ एनसीआर के लास्ट के कुछ चैप्टर्स कर लेना ठीक है लास्ट इसमें एनवायरमेंट का भी कुछ कुछ पार्ट कवर्ड है ट्वेल्थ के एनसीआर के ना शुरू के अगर आप देखोगे तो डी वगैरह उसमें दिया हुआ है अब वो भी पढ़ लेना अब कोविड के बाद मैं नहीं पढ़ा था बट मैं इस अटैम्प्ट में पढ़, पढ़ के गया था अगर मैं देता ये वाला फिल्म वो पढ़ लेना उसमें बेसिक्स कोच्स दिए हुए क्योंकि अब वाले अटैम्प्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है है ना और लास्ट में रह गया करंट अफेयर्स जो सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है मैं खाली पढ़ता था द इंडियन एक्सप्रेस हिंदू मैंने नहीं पढ़ता था जो मन करे वो पढ़ो दोनों में से और मैं अपने आ, जो कोचिंग है उनकी फोकस मैगज़ीन आती है मंथली मैगज़ीन मैं ये दोनों चीज़ें ही पढ़ता था सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं पढ़ता था मैं आपकी जो आएगी आप पढ़ना सारे अच्छे होते हैं ठीक है ना हर किसी ने हर कुछ ऑलमोस्ट कवर कर रखा होता है यहाँ पे आपको डरना नहीं है कि दस पंद्रह न्यूज़ आपसे मिस हो जाए हो सकते हो जाए क्या दिक्कत है उसमें एटलीस्ट अगर एट्टी फाइव परसेंट न्यूज़ आपका कवर्ड है यहाँ से जो करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं वहां से कुछ क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए तो मैं खाली इंडियन एक्सप्रेस फोकस मैगजीन रिवाइज करता था अब ये कैसे करता था कि ये आती है ऑलमोस्ट हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी पेजेज़ की ठीक है तो मान लो अगर ये हंड्रेड ट्वेंटी पेज की आती है तो मैं हर दिन बारह बारह पेज करके दस दिन में ख़त्म कर देता था फिर उसको रिवाइज करता था रेस्ट ऑफ द मंथ समझ रहे हो तो बाकी महीने में ये मेरा दो बार ऑलरेडी रिवाइज हो जाता था, था फिर अगले मंथ अगले महीने की आती थी वो भी मैं सेम तरीके से करता था तो बाय द टाइम आई गेव माय प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मैंने हर एक मंथली एडिशन जो है फोकस मैगजीन वो मैंने पांच पांच चीज़ें बार रिवाइज कर ली थी क्योंकि दो बार तो पहले ही कर लेता था और एग्जाम से पहले दो तीन बार और कर लिए थे मैंने तो ये मैंने मेरा करंट अफेयर्स का सोर्स ऐसे ही था इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ा ना मैंने आज तक पी खोल के देखा है डाउन टू अर्थ पता नहीं पचास चीज़ें लोग बोलते हैं कुछ नहीं देखा मैंने उसका रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट सब यहाँ कवर हो जाता है ठीक है यहाँ पे वो बता देंगे पी आई से उन्होंने ये उठाया यहाँ से ये उठाया तो मैं उतनी मेहनत क्यों करूँ उतना टाइम मैं कहीं और लगा दूंगा क्योंकि जो लोग मंथली मैगजीन बना रहे हैं आप खुद सोच के देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं मल्टीपल बार मीनस लिखा है सो दे नो वॉट दे आर डूइंग है ना तो हम उसमें और अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डाले वो करके दे रहे हैं चुपचाप ले लो पढ़ लो और वो वाला टाइम आप कहीं और लगा देना समझ रहे हो डोंट हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग आपने एक रीज़न के से आपने पैसे दिए हो आप इधर बैठे हो तो ट्रस्ट वॉट एवर दे आर गिविंग यू हर जगह का सही होता है है ना लास्ट में मैंने कोई कंपालीशन नहीं पढ़ी है पी टी थ्री से लोग पढ़ते हैं मेरे को भी बोला गया था अगेन जो मेरा फंडा था अगर मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा और मुझे पता था डेढ़ दो महीने पहले छः सात किताबें मैं एक बार तो पढ़ लूंगा रिवाइज नहीं कर पाऊंगा तो आई डोंट स्टडी इंस्टेंट मैंने एक दो बार ये और रिवाइज कर लिया फोकस मैगजीन राइट सो मेक योर ओन स्ट्रेटेजीज मोस्टली तो यही है अब प्रिलियम्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं पता ही था ये आने वाला है हाँ बनाता था मैं आई यूज टू मेक नोट्स एंड नोट्स uh, ऐसा नहीं कि मैं लाइन बाय लाइन नोट्स बना रहा हूँ ठीक है नोट्स ऐसा कि मान लो कुछ मेरे को पेपर में ऐसा दिखा जैसे इंडियन एक्सप्रेस में इंटरनेशनल रिलेशन में सी राजा मोहन सर लिखते हैं ठीक है नॉ समटाइम्स ही माइट राइट समथिंग वेरी कैची जैसे आज इंडो और इंडिया यू का कुछ आया आर्टिकल सो लेट्स उसमें कुछ बहुत कैची सा स्टेटमेंट है जो आई कैन यूज एज एन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन अ क्वेश्चन अगर यूपीएससी में इंडो यू पे कुछ आ गया तो राइट तो वो वाली चीज़ मैं उठा के रख लेता था अगेन फोटो खींच के uh, ग्रुप पर डाल देता था कि ये मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ ऐसे करके जो चीज़ें मुझे लगता था उसमें मैं मेन्स में यूज़ कर सकता हूँ वो जो प्रिलिम्स वाली चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें वो मैं नहीं लिखता था समझ जैसे मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ है बहुत न्यूज़ में है ना अभी फॉर रीजन वी ऑल नो बेस्ट दो साल पहले भी थी जब मैं दे रहा था उस समय किसी और स्टेट में कहानी चल रही थी राजस्थान मध्य प्रदेश में तो अब ए डी एल पर जब भी न्यूज आएगी ना वो पंद्रह दिन उस पर आर्टिकल्स आते रहेंगे न्यूज़पेपर का बेस्ट पार्ट यही है कि आपका रिविजन खुद ब खुद कराते रहेगा दस दिन तक इसमें आएंगे आर्टिकल्स आप पढ़ना आपकी एक ओपिनियन बन जाएगी कि ठीक है प्रोज uh, में ये है कॉन्स में ये है यहाँ से कुछ इंट्रो कंक्लूजन भी आपको मिल जाएगा फिर जब आप लक्ष्मीकांत में एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तो उसको आप उससे कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको ए डी एल की न्यूज़ बनाने की जरूरत थोड़ी है क्योंकि आपके जो uh, ये मैगजीन वाले बनाए के देंगे न्यू मंथली uh, अफेयर्स वाले वो उसमें कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीज़ें हैं तो आप उसमें ज़बरदस्ती दोबारा मेहनत क्यों कर रहे हो समझ रहे हो बट इसमें आपको लग रहा है कि मान लो जैसे मैंने बोला ए डी एल पे किसी ने कोई बहुत अच्छा मान लो शशि थरूर जी ने लिखा है है ना वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो बहुत फ्लावरी सी स्टेटमेंट होती है वो आपके कोचिंग वाले नहीं डालेंगे बिकॉज देयर इंपॉर्टेंस इज मोर ऑन कि आपको टॉपिक समझ आए राधा तैन की वो फ्लाउरी लैंग्वेज आप कैच करो राइट right? तो वो वैसे टाइप की चीज मैं उठा के कहीं फोटो खींच के डाल डालूंगा कि और वो मैं एडीएल के चैप्टर में बाद में लिख दूंगा कि इंट्रो में ऐसे बढ़िया सा लिख सकते हैं ऐसा कुछ समझ रो तो ऐसे टाइप की चीजें मैं नोट्स बनाता था नॉट कि मैं पेपर ले रहा हूँ और अंडरलाइन कर करके कर 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 करके कर, फिर रात में बैठ के नोट्स बना रहा हूँ ये इतना वेस्ट मतलब टाइम में इतना ऐसे खराब नहीं करता था राइट आई होप इज़ क्लियर प्री में एनीथिंग एल्स प्रीलिम्स में किसी को डाउट है नहीं <laughs> नहीं साथ साथ अब जैसे अ, मेरे ही शेड्यूल क्या थी जब मैं जॉब कर रहा था अब मैं बताना ठीक है डरना मत बस ठीक है ना मैं सुबह पाँच बजे उठता था ठीक है क्योंकि मैं जॉब कर रहा था ना तो ये रियलाइज करूँ कि मेरे पास टाइम बहुत कम था पढ़ने के लिए तो मैं पाँच बजे उठता था मैं छः बजे क्योंकि उठते, उठते उठते मेरे को आधे घंटे लग जाते थे बेड से छः बजे मैं पढ़ना स्टार्ट करता था सिक्स टू सेवन या समटाइम्स फाइव थर्टी टू सेवन मैं ऑप्शनल पढ़ता था मैथ्स फिर मैं सेवन टू एट न्यूज़पेपर इसमें सेवन टू एट में मेरा न्यूज़पेपर और जो ये दस पेजेस में मंथली मैगजीन पढ़ता था या फिर उसका रिवीजन ये मैं सेवन टू एट करता था फिर आठ से मेरी जॉब वॉब शुरू हो जाती थी मैं खुद ही बैठ जाता था फिर फाइव ओ तक मैं जॉब अपना जो भी है दिन में का काम निपटा के शाम में पाँच साढ़े पाँच छः बजे के आसपास मैं जो सुबह मेरी क्लासेस हुई हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाते थे क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था वो मैं देखता था टू पे तो इसमें मेरे को तीन घंटे के आसपास लगते थे क्योंकि फिर नोट्स वोट्स बनाने होते थे तो ये मेरे को साढ़े आठ के आसपास बच जाते थे, थे फिर मैं डिनर विनर करके चिल मारता था फिर रात में दस से साढ़े दस मैक्सिमम पढ़ता था और सो जाता था तो मेरे पास सेल्फ स्टडी का कोई टाइम नहीं था यहाँ पर ठीक है ना जब मैंने जॉब छोड़ दी थी उसके बाद मैं फिर आराम से उठता था वही सिक्स टू सेवन न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स ये मैं तब कर लेता था जो क्लासेस होती थी मैं तब भी रिकॉर्डेड ही देखता था क्योंकि मैं टू एक्स में देखता था टाइम बचता था डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैड टाइम तो मैं अपना डे दो दिन में डिवाइड कर लेता था फर्स्ट पार्ट में मैं पढ़ता था मैथ्स फोर टू फाइव आवर्स क्योंकि ऑप्शनल भी लंबा है इसमें पढ़ना भी पड़ता है सेकेंड है अपना जी और जी में फिर फोर टू फाइव आवर्स पढ़ता था है ना यहाँ पर क्या होता था कभी कभी एक क्लास की कोई एक घंटा इंक्लूडेड भी होती थी और ये मेरा अराउंड फाइव टू सिक्स पी तक ख़त्म हो जाता था और फिर रात में जब मैं सबसे अनप्रोडक्टिव इंसान हूँ रात में मुझे कुछ समझ नहीं आता है रात में मैं क्लासेस देखता था सेवन टू टेन के आसपास डिनर विनर मैं डिनर जल्दी कर लेता था सात बजे तक सेवन टू टेन में मैं क्लासेस नोट्स वगैरह बनाता था यार हाथ से ब्लैक आ रहा है सेवन टू ट मैं नोट्स बनाता था तो आ, हाँ बस क्लास जो मेरी होती थी मैं तब कवर करता था तो ये मेरा शेड्यूल होता था फाइव टू टेन आवर्स अपनी स्टडी दो तीन घंटे कोचिंग वाले और बस इतना ही बारह ट्वेल्व टू थर्टी नाज़ आई यूज टू गिव और जब मेरी क्लासेस खत्म हो गई तो ऐसा नहीं यहाँ पे मैंने यहाँ मैंने पढ़ाई चालू रखी फिर मैं ये छोड़ दिया मैंने कि दस घंटे पढ़ता था बहुत है शाम में फिर कुछ नहीं पढ़ता था मैं ठीक है जब मेरी क्लासेस खत्म हो गई थी फैफ के आसपास मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी तो ये वाला टाइम मेरे को फ्री मिल गया था तो मैं फ्री रखता था मैं फिर बहुत चिल करता था तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं पढ़ता था तो यही मेरी ओवरऑल शेड्यूल तो यही थी तो ये सब साथ में होता था डे के स्टार्ट में एंड फिर आगे जाके राइट प्री में किसी कोर्ड सॉरी ऐसे तो मेंस में आएगा ना प्री में थोड़ी लिखेंगे ऐसे हाँ वो शुरू में लगता ही है मेरे को भी आई स्टार्टेड डेढ़ घंटे पौने दो घंटे के आसपास मेरे को लगते थे फिर वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कम होता है एक तो जो आप टॉपिक आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो यहाँ पे एक चीज़ यार मैं बहुत कैसे मिस करके दे सिलेबस न्यूज़पेपर में आप टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे सिलेबस से ठीक है आपको सिलेबस याद करना ही पड़ेगा बैठो सिलेबस याद करो फिर आप डिसाइड करो कि अच्छा न्यूज़ में आज कुछ रेलिवेंट आया कि नहीं आया ठीक है बहुत सारे अगेन रेलिवेंट वाले पढ़ो ना रेल, आज जैसे मैं एक दोस्त के लिए भेज रहा था उसको बना के कि आज के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है तो आ, इंडियन एक्सप्रेस के पहले वाले साइड पे पांच एडिटोरियल थे उसमें आज तीन ही इंपॉर्टेंट है और दूसरे वाले साइड में तीन है उसमें आज दो ही इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंस के बेसिस पे सारे थोड़ी हमको पढ़ने बैठने हैं समझ रहे हो ओनली वॉट इज इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट एडिटोरियल्स में एक चीज़ करना वैन एवर यू रीड द एडिटोरियल ना पहले देख लेना लिखा किसने है ठीक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु इज़ राइटिंग वट अगर कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर लिख रहा है तो वो अच्छा ही लिखेगा तो उस टॉपिक का आपको प्रोज और गवर्नमेंट क्या कर रही है ये आपको तुरंत समझ आ जाएगा और अगर कोई अपोजिशन का बंदा लिख रहा है या कोई ऐसा बंदा लिख रहा है जो रेगुलरली थोड़ा नेगेटिव लिखता है गवर्नमेंट पर तो वहाँ से आपको उसे कॉन्स पता चल जाएंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट कौन लिख रहा है कैसे लिख रहा है तो आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आती है उस टॉपिक से तो ये एक चीज़ जरूर चेक करना एडिटोरियल में और रेलिवेंट पढ़ना ठीक है यार वो यहाँ से हो जाएंगे मैगजीन से क्योंकि वो हिंदू भी पढ़ेंगे ना यार जो मैगजीन बना जो मैगजीन बना रहे हैं वो हिंदू भी पढ़ रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं वो डाउन टू अर्थ भी वो सब पढ़ रहे हैं तो वो बना के दे देंगे तुमको तो वो मैगजीन वो मैंने खुद से नहीं किया मैं कभी पेपर में साइंस एंड टेक ये सब नहीं देखता था मैं देखता था इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है आई में क्या चल रहा है क्योंकि ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है पॉलिटी में कुछ चल रहा है ए वगैरह चल रहा है अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात हो रही है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ें देखता था मैं एंड नॉट द अदर ऑफ राइट जिसको जो हम पढ़ना है वो पढ़ो ना यार तुम जब मैं बता रहा हूँ जब मैं इंटरव्यू दे रहा था ना तब मैंने डेली के न्यूज़ के लिए द हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ना शुरू किया था मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को वो पेपर ज़्यादा अच्छा लगता है इंडियन एक्सप्रेस से ऑनेस्टली मेरा ये बताया क्योंकि मैंने वो पढ़ा एक महीने अच्छे से एंड मेरे को जेनविन लगा कि वहाँ की चीज़ें बेटर हैं इंडियन एक्सप्रेस से ठीक है तो पेपर सारे ही अच्छे आते हैं आप डिसाइड करो आपको क्या पढ़ना है क्या कंफर्टेबल लगता है मैंने क्यों इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट किया था मैं फाइनल ईयर में पेपर मैंने सोचा मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा फाइनल सेमेस्टर में जब मैं मन बना रहा था कि अब मैं दूंगा तो मैंने बहुत जगह पढ़ा कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना एसेंशियल है मैंने कहा पढ़ते हैं तो मैंने देखा हिंदू का पेड़ होता है सब्सक्रिप्शन और इंडियन एक्सप्रेस का तब फ्री था ऐप पे वो फ्री था तो मैंने ले लिया तो मैं फ्री का फ्री का डेली पढ़ता था उसमें उस समय मेरे को बहुत टाइम भी लगता था तो मैंने इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू किया और मैं यही पढ़ता चला गया और अब फिर तो घर पर तो पेड़ ही था बट दैट इज़ आवेज स्टार्टेड तो आप कुछ भी लेके स्टार्ट करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता न्यूज़ जो न्यूज़ है ना पेपर्स में हर जगह ठीक से कवर होता है इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो वो आ जाएगा कवर हो जाएगा उसका लोड मतलब आप ठीक है एनीथिंग एल्स हाँ हाँ वो मेन्स में बताऊँगा मैं मेन्स में करना है वो प्रेजेंट में उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा मेन्स में करना है वो और हाँ कर सकते हैं मतलब दैट इज़ ऑल्सो वे इफ इट वर्क फॉर यू वेल एंड गुड दैट इज़ ठीक है वो सही है बहुत लोग करते भी हैं ऐसा इनफैक्ट मैं नहीं करता था बट दैट इज ऑल्सो वे अगर आपके लिए काम करता है देखो यार जो लट से सात सौ बारह लोग सेलेक्ट हुए हैं तो इस एग्जाम को क्लियर करने के सात सौ बारह तरीके हैं है ना तो दैट इज़ नॉट ओनली वन वे डिफाइंड तो वॉट एवर वर्क फॉर यू जो ये आप तरीका कह रहे हो ये भी सही है तो so, अगर आपके लिए काम कर रहा है तो कर लो आप नो प्रॉब्लम सॉरी जैसे लक्ष्मीकांत है लक्ष्मीकांत में ही बना लिए ठीक है और जोग्रफी है उसमें कुछ कुछ मार्क कर दिया अलग से प्रलिम्स के नोट्स नहीं बनाए थे बस इसमें बनाए थे एंशेंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री के जो डेटा वाले पार्ट्स हैं जैसे uh, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं ट्राइबल मूवमेंट्स हैं प्रेजेंट मूवमेंट्स हैं इनके नोट्स बनाए थे सारे के नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत सारे तो ये किताबें ही रिवाइज करनी ना इसमें मैक्सिमम तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको प्रीलिम्स में क्यों पढ़नी है वो मेंस अरे मेंस कब आएंगे ना अभी तो प्रीलिम्स कर लेते हैं प्रीलिम्स में और कुछ है किसी को कोई डाउट कुछ पी वाई क्यू मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप टेस्ट दोगे ना कोचिंग्स के जैसे मैंने राउस के भी दिए मैंने विजन के भी दिए तो मैंने एक चीज ये रियलाइज किया कि जो के वो है ना एलिमिनेशन वो हो सकता है यहाँ कोचिंग में ना चले इसलिए कह रहा हूँ कि यूपीएससी के पेपर के पंद्रह दिन पहले आप खाली यूपीएससी के पेपर्स देखो जो आपका एक्चुअल प्रीलिम्स होगा क्योंकि वहाँ से आपको एनालाइज करना है कि यूपीएससी की लैंग्वेज पकड़नी है आपको कि वो कब क्या गलत करते हैं क्या जैसे 2020 में एक सवाल आया था इंडियन ओशन के कुछ उस पर उसमें दो डेटा दिए हुए थे एक उसमें दिया हुआ था कुछ टेम्परेचर दिया हुआ था और इसमें कुछ डेप्थ दिया हुआ था अब देखना पेपर में कुछ इंडियन ओशन पर कुछ था अब यार आप वो स्टेटमेंट पढ़ो प्रॉबिलिटी का गेम है ना अब देखो अगर मैं कहता हूँ या फिर ये छोड़ो ये ये भी चलो मैं बता देता हूँ इसकी सही होने की प्रॉबिलिटी हाफ़ है डेटा दिया होता ऐसे नहीं कुछ कुछ डिग्रीज दिए हुए थे मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कुछ शायद ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस दिया था यहाँ डेप्थ में एक समथिंग मीटर्स लिखा हुआ था इसके प्रॉबिलिटी होने की प्रॉबिलिटी हाँ, हाफ है समझ रहे हो क्योंकि वो कुछ भी हो यार क्या है वो कुछ भी हो सकता है ना मान लो वो थर्टी डिग्री सेल्सियस भी हो तो यूपीएस ने ट्वेंटी लिख के गलत कर दिया समझ रहे हो अब मान लेते ये सही है तो इसके भी सही होने की प्रॉबलिटी हाफ़ है वो डेप्थ भी चेंज कर सकते हैं अगर उन्होंने 100 मीटर लिखा है एक्चुअल में 200 हो सकता है तो यहाँ से चेंज हो जाएगा सब कुछ समझ रहे हो तो ओवरऑल ये क्वेश्चन सही होने की प्रॉब्लिटी कितनी है हाफ इंटू हाफ ट्वेंटी फाइव परसेंट तो जब आप रिस्क लोगे ना तो आप इसको एलिमिनेट करोगे स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट गलत था समझ रहे हो ये टाइप की चीजें आप डेवलप करना शुरू करते हो कि प्रॉबलिटी जैसे एक क्वेश्चन था कि uh, तानसेन वाला क्वेश्चन याद है किसी को एक साल एक क्वेश्चन पूछा था कि तानसेन जो है टाइटल वो अकबर ने दिया है ये क्यों दिया यूपीएससी ने क्यों हम सबको यही लगता है घर में तो ये बताते हैं हर कोई है ना बट आप वो स्टेज वो देखोगे ना वो क्वेश्चन इतना सही था सॉरी उसमें था नॉट करेक्ट ठीक है चार ऑप्शन थे जिसमें तानसेन और अकबर लिखा हुआ था बाकी तीन इतने जनरल स्टेटमेंट थे कि उन्होंने किसी भगवान के लिए कोई राग लिखा होगा बहुत सही लिखा ही होगा यार एक तो लिखा ही होगा तानसेन ने इतने लिखे हैं एक स्टेटमेंट उसने दिया कि तानसेन ने अब एग्जैक्टली exactly मुझे याद नहीं है बट वो सारे ऐसे जनरल से स्टेटमेंट्स है कि आ, तानसेन ने बहुत सारे राग लिखे हैं या कुछ ऐसा था या तानसेन ने अपने आ, Uh, क्या कहते हैं उनको पेटर्न्स पे राग वाग लिखे वो एक स्टेटमेंट था लिखा ही होगा यार तभी तो पैसे मिलते थे उसको और एक और कोई ऐसे एकदम वेग सा स्टेटमेंट अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकता है या तो उसका नाम तानसेन हो उसको टाइटल ना मिला हो ये गलत हो सकता है या तो टाइटल मिला हो दिया किसी और ने हो अकबर की जगह वहाँ शुभांकर लिख दें तो तभी तो गलत हो जाएगा ना दिया उसको किसी और ने था ये स्टेटमेंट गलत था ये कैसे हुआ गलत तीन एकदम जनरल स्टेटमेंट थे जो सही होते ही होते इन एनी केस यूपीएससी ने उसको बनाई है इस तरीके से थी कि कोई चैलेंज ना कर पाए समझ रहे हो ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूटली गलत था और ये हमारे वो मेटा डेटा पे खेल गए कि हमको लगता है यही है और लोगों ने सोचा यार ये तो सही है ये, तो सही है, ये थोड़ी गलत हो यही गलत था समझ रहे हो तो ये आप पी वाई क्यूज एनालाइज करोगे ना जब तब आपको समझ में आएगा कि जनरल स्टेटमेंट्स यूपीएससी कैसे बनाता है वो कैसे सही है मोस्टली डेटा वाले स्टेटमेंट्स गलत क्यों होते हैं क्योंकि डेटा चेंज ही करके तो गलत करना है ना समझ रहे हो तो वो ये सब चीज़ें आप पी से ही एनालाइज करोगे कुछ कुछ अब जैसे मैंने एक वरुण जैन सर हैं उनका एट सारथी है वहाँ पे भी मैं उनसे एसोसिएटेड रहा था तो उन्होंने भी हेल्प की इस चीज़ में बट मोस्टली तो वो पी के एनालिसिस से ही आता है देर इज़ नथिंग एल्स कोई आपको आगे बता नहीं देगा कि ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है वो आप खुद से एनालाइज करोगे तो ही एग्ज़ाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ आज एग्ज़ाम में तो आपकी साइड में बैठ के नहीं सॉल्व करूंगा ना तो वो आपको खुद से ही करना है समझ रहे हो वो पी से ही आएगा एलिमिनेशन वाला कि लोग कैसे पहुँच रहे हैं एट्टी क्वेश्चन तक मैंने वो स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है राइट एनीथिंग एल्स यार डिपेंड करता है विजन की कितनी आती मुझे नहीं पता बट जो राउस में आती थी वो 120 पेज की होती थी तो जब आप रहे हो डिपेंड करता है ना मान लो अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो लास्ट के थ्री मंथ्स पे, तो आप वे फॉरवर्ड थोड़ी पढ़ने बैठोगे इंट्रोडक्शन वे फॉरवर्ड वो तो आप उसमें बस देखोगे इसमें फैक्चुअल चीजें क्या है जो प्रीलिम्स में आ सकती हैं जब आप मेन्स पढ़ते हो तब तो आप इन चीजों पर थोड़ा थोड़ा रखते हो तो वो तो आपका रिविजन भी चेंज होगा डिपेंडिंग आप, आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हो नहीं कर सकते ना अगर आप प्रीलिम्स के टाइम पे अगर आपने पांच छह बार रिवाइज किया है तो मेन्स से पहले तो आपको और जल्दी रिवीजन होगी ना उस चीज की आप समझ रहे हो आपने प्रीलिम्स के लिए भी तो रिवाइज किया है ना तभी तो आप मेन्स होगे एंड अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पांच छह बार पढ़ लिया है तो मेन्स के लिए तो और जल्दी दो तीन बार में हो जाएगा वो समझ रहे हो वो ऐसे होता है वो So not, तो इट इज़ नॉट वो तो डिपेंड्स ऑन द टॉपिक ऑल्सो कुछ टॉपिक्स होंगे जो न्यूज़ में आएंगे विच इज ओनली मेन्स ओरियंटेड कुछ होंगे जो ओनली फिल्म ओरिएटेड और जो कुछ होंगे जो दोनों होंगे उसमें जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ ही है दोनों चीज़ें आ सकती हैं तो वो फिर आपको उस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है जब आप पढ़ रहे होते हो डिपेंड्स ऑन विच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट नहीं नहीं यार पहले पढ़ो तो अभी कुछ अगर पढ़ा नहीं है और पी देखने बैठ गए तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो समझ में भी नहीं आएगा ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पहले पढ़ो कुछ टेस्ट दो यहाँ विजन वगैरह में टेस्ट दो फिर देखो वहाँ क्या गलत कर रहे हो फिर पी वाई क्यूज पे जाओ कि ये क्या पूछ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ पॉलिटी में ये क्या पूछ रहे हैं उस पर ठीक है वो ऐसे ही होगा तीन दो तीन महीना यार प्रीलिम्स के लिए अगर फर्स्ट है तो तीन महीना मोर देन इनफ है चार महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उतना देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ इस एग्ज़ाम में ना पीक करने का भी सही टाइम है ठीक है आपको एग्ज़ाम तब देना है जब आप अपने पीक पे हो ठीक है मान लो आप जून मे में है ना अगला प्रीलिम्स ट्वेंटी एट्थ में है मान लो आपने जैन से डिसाइड कर लिया कि अब मैं पढ़ूंगा कितने हो गए पांच महीने हो गए ना ठीक है मार्च में जाके कहीं आप अपने पीक पे आ गए ऐसा ही कर्व रहेगा हर किसी का रहता है ठीक है ये तो काफी खराब हो गया बट कुछ ऐसा मार्च में मान लो आपने पीक पे आ गए कि आपकी एकदम तैयारी ऑप्टिमम है यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज में 95, 100, 110 स्कोर कर रहे हो यहाँ पे आपने पी भी देखा सब कुछ कर लिया ठीक है और अब आप अपने जून ये मई आते आते आप अपने नीचे स्लाइड कर रहे हो आपकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है आपके दिमाग में क्या रहेगा भाई मई में मैं स्कोर कर रहा था एक अब मैं स्कोर कर रहा हूँ एट्टी या एट्टी आपके दिमाग में क्या रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस गिरते जा रही है एग्जाम से पहले आपकी क्या हालत होगी ख़राब एग्जाम में आप डर में जाओगे पेपर आप अपना बर्बाद करके आओगे एग्जाम में सही टाइम पे भी पीक करना है तो इस यहाँ पे जब आपके प्रीलिम्स है ना तीन महीने पहले इज मोर देन इनफ तीन महीने में आप स्टार्ट करो ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी तब जाके आप एग्जाम के आसपास जाके कहीं पीक करोगे प्रीलिम्स के लिए राइट एनीथिंग एल्स प्रीलिम्स का हो गया ख़त्म करें राइट right? मेंस पे आते हैं असली चीज तो यही है मेंस पे अगेन एक तो बुकलेस वाला गेम है वो मैं बाद में बताता हूँ पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि मेन्स को अप्रोच कैसे करना है सेवनटीन मार्क्स है ना मेन्स टोटल कितने मार्क्स पे कैलकुलेट करता है यूपीएससी टोटल टोटल पूरी मार्कशीट कितने में बन के आती है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव राइट right? इसमें वन सेवन फाइव जीरो मार्क्स मेन्स के हैं आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जिनके इंटरव्यू में एक सौ साठ एक सौ सत्तर नंबर है बट उनकी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक होती है क्यों होती है मेंस में अच्छा करते हैं बिना अच्छा अगर आप सोच रहे कि आप इंटरव्यू में सवा दो सौ ला के क्रॉस करोगे वो नहीं होने वाला है ठीक है और इंटरव्यू में सवा दो सौ वही लाएगा जिसका मेन्स अच्छा होगा सिलेक्शन तो, होना, है, से भी होना है, है अब देखो मेन्स में मैंने क्या एनालाइज किया थाउजेंड मार्क्स पे ओवरऑल आउट ऑफ टू आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस मिल जाएगा पे किसी किसी एक साल वो इन्फ्लेट भी हो गया था 2018 में बहुत मार्क्स थे क्योंकि एथिक्स में 130 एवरेज मार्क्स थे उस साल एक भी लाए थे विशाखा में 161 तो 1000 मार्क्स इज द रेंज जहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सर्विस मिल जाएगी ठीक है फिर मैंने देखा कि इंटरव्यू जो है अक्रॉस ऑल बोर्ड्स वन मार्क्स एवरेज मार्क्स होते हैं और हर बोर्ड में आते हैं तो हटाओ वन मार्क्स एट आपको रिटर्न में लाने हैं एट मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन रिटर्न मेरे कितने आए पता है इसके बाद मैं इंटरव्यू कितना भी ख़राब करता 160 भी लाता 150 भी लाता मेरा सिलेक्शन तय था क्यों क्योंकि इंटरव्यू टोटल फाइनल में कितने गए हैं नाइन फिफ्टी थ्री है शायद यहाँ पे मैं 150 भी लाऊंगा नाइन है टॉप 200 की रैंक है आप समझ रहे हो 830 थर्टी इज़ वॉट आई प्लान टू स्कोर 832 थर्टी टू इज़ वॉट आई गॉट एंड इसका भी मैं आपको ब्रेकडाउन बताता हूँ ये भी मैंने एनालिसिस किया कि ये कैसे आता है uh, पेपर बता दो मेरे को कौन बताएगा मेन्स के पेपर सारे साथ के साथ कौन बता देगा ऑर्डर में कौन बता सकता है बता दोगे कौन आप बता सकते उनको बता देते बताओ ज़ोर से बोलना ऐसे बहुत बढ़िया फिर वन टू अच्छा फोर मेरे को ही नहीं आती भाई बताओ जीएस एस हाँ अच्छा इसको मैं एथिक्स ही बोलता हूँ ना इतना मैं टेक्निकल नहीं ऑप वन ऑप टू है ना ये तुम किसी भी साल टॉपर्स के उठा के देख लेना एक आध टॉपर छोड़ो जैसे इस साल श्रुति मैम है उन्हें पता नहीं क्या ही क्या ही लिख के आई है मुझे मुझे देखने उनके पेपर्स उनका हटा दो उनके अलावा आप कितने भी टॉपर्स या हर साल देख लेना एक दो टॉपर्स छोड़ के जी एस वन टू थ्री में थ्री हंड्रेड प्लस माइनस फाइव स्कोर करता है हर कोई क्यों करता है ऐसा कोई बता सकता है मेरे को इतने ही क्यों आते हैं हर कोई एक ही सोर्स पढ़ता है लक्ष्मीकांत में सॉरी uh, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हिस्ट्री uh, में स्पेक्ट्रम इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर कोई सेम ही चीज़ पढ़ के जाता है क्योंकि बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होती है इसीलिए यहाँ सब कुछ सेम लाते हैं सेम सोर्सेज सेम क्वेश्चन लगभग लगभग सेम आंसर्स ऑलमोस्ट सेम स्कोर्स मेरे हैं uh, मेरे भी थ्री हंड्रेड सिक्स या कुछ ऐसे हैं ठीक है, है यहाँ पे तो फिर मैंने देखा सिलेक्शन कहाँ से होगी ये बिना ऑप्शनल ऐसे एथिक्स इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता मैंने प्रीलिम्स में भी बताया ना सिक्सटी परसेंट पेपर कहाँ से आता है उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा आप इंटरव्यू के भरोसे मत बैठना कि इंटरव्यू में मैं तो दो सौ पार कर दूंगा नहीं होने वाले बहुत कम लोग के होते हैं वो इतने आसानी से देते ही नहीं है दो सौ प्लस आप इंटरव्यू के भरोसे मत बैठना ये है यहाँ से आएगा पेपर क्लियर अब इसमें मैंने अपना टारगेट बना रखा था कि मुझे वन थर्टी प्लस यहाँ से लाने मुझे हंड्रेड टेन प्लस यहाँ से लाने ऑप्शनल में मिनिमम टू सेवेंटी प्लस लाने ये किसी भी ऑप्शनल में आता है कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि ऑप्शनल में नंबर कम आते हैं किसी किसी कोई पर्टिकुलर ऑप्शनल में हर ऑप्शनल में आते हैं मैंने बना बनाया इतना मुझे लाना ही लाना है एट एनी कॉस्ट मेरे आए कितने वन थर्टी फाइव ये वन थर्टी फाइव इस साल ऐसे में स्कोर सबके कम ही रहे हैं उसका रीज़न भी पता ही है सबको बट फिर भी वन थर्टी फाइव हंड्रेड फाइव यहाँ आए देखो मैंने टू फोर्टी प्लस सोचा था टू फोर्टी मेरे आ गए कैसे ना कैसे करके ऑप्शन मेरे आए टू एट्टी सिक्स सिलेक्शन यहीं से आएगा ठीक है सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी सबको है ना ये तीन पेपर अगर कोई भी वीक रख के जा रहा है इसमें अपने आ, मेंस के पेपर में तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है इसमें से कोई भी एक चार पेपर हैं यहाँ पे ऑप्शनल के टू हैं और इसके दो हैं इन चारों में से एक भी पेपर अगर वीक है सिलेक्शन नहीं होगा आपका मैं अभी लिख के दे सकता हूँ आपको ठीक है अनलेस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जो जी एस वन टू थ्री में मतलब चार सौ नंबर मार गए या साढ़े तीन सौ मार गए उसके अलावा सिलेक्शन आपका इसके बिना नहीं होने वाला है ठीक है अब इसमें हम जैसे डी करेंगे कि कैसे आ, लाएंगे मतलब ये मार्क्स हम लाने कैसे हैं राइट और ये मार्क्स मैंने ऐसे ही क्यों लिखे हैं कि 130 प्लस ही क्यों लिखे हैं यहाँ वहाँ एक या 100 क्यों नहीं लिखे हैं ठीक है जो एवरेज स्कोर हैं जो मैंने देखा वो यही हैं इत, इसी इतनी ही स्कोर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है और जो मैंने बोला था ना कि हर कोई एवरेज स्कोर ला ही सिलेक्शन लाएगा देखो मेरे कहीं पर भी आपको लग रहे हैं कि मैंने कुछ फोड़ दिया है पेपर में एक सौ पैंतीस इस बार बहुत ऑप्शन में टू प्लस आए हैं मैंने कहीं कुछ नहीं फोड़ा है मैंने बस एवरेज किया है एवरेज से पाँच नंबर ज्यादा लाया हूँ मैं जी एस वन टू थ्री के भी बताऊँगा ठीक है तो ये तो समझ आ गया ना सबको कि कैसे करना था आई होप आपने फोटो वोटो तो ले लिया हो ठीक है अब मैं मेन्स की बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो हम समझ गए सेवनटीन फिफ्टी मार्क्स सिलेक्शन यहीं से आना है जो इस पूरे एग्जाम साइकिल है ना आपका प्रिलियम्स मेन्स इंटरव्यू सबसे ईजी पार्ट है मेन्स इट इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम क्यों थर्टी टू ये थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन आप एक तो पहले एस्टिमेट कर लोगे एग्जाम से पहले आपको पता होगा कि ये कुछ, कुछ कुछ आने वाला है इस बार राइट right? सेकेंडली जब आप मेन्स का पेपर लिखते हो ना अनलाइक इंटरव्यू क्या है कि अगर मैंने आपसे कुछ बात की आप क्रॉस क्वेश्चन भी करोगे यहाँ पे आप कुछ भी लिख के भेज दो आप भेज दोगे उसके बाद वो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं होने वाला कि मान लो आपने सोसाइटी के कोई आंसर में कोई पॉइंट लिखा तो एग्जामिनर के पास वो चॉइस नहीं है कि वो आपसे काउंटर कर पाए कि यार ये तुमने क्यों लिखा है वो या तो उसको सही लगेगा तो गलत लगेगा तो और क्योंकि सब्जेक्टिव है ना तो हर किसी के हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं तो एग्जैक्टली exactly गलत तो कुछ भी नहीं होता है इसीलिए यहाँ पे मार्क्स आप थोड़ा सा स्कोर कर सकते हो राइट दिस इज़ द ईजिएस्ट फेज़ ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड यू ने एग्जाम भी ऐसे ही बनाया है कि टफेस्ट पार्ट से आप ईजीएसट पे आते हो और से ही आपका सिलेक्शन होता है और हम क्या करते हैं टफ़ पार्ट पे लगे रहते हैं कितने लोग को तो आप जानते हो जो तो छः सात महीने प्रेम्स की तैयारी करते हैं करते हैं ना बहुत लोग प्रेम्स के डर में कि खाली प्रेम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से ये नहीं होने वाला मेन से आका होगा हो सिलेक्शन आपको तैयारी मेन्स की करनी है प्रीलिम्स के दो तीन महीने पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी करना ठीक है यहाँ पे क्या है हर पेपर में लो हैंगिंग फ्रूट्स है ठीक है उसको मैं एल से मार्क कर दूंगा जब मैं पेपर के डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ से आपको नंबर खींचने हैं ये वो एरियाज हैं जहाँ से आपके मार्क्स आएंगे ठीक है तो वो बहुत लोग क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं वहीं से हमको मार्क्स लाने हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा किस पेपर में कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं और क्या मैंने सोर्स उसके लिए पढ़ा है ठीक है अगेन पी का इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर ताकि हम बाद में इस पर डिस्कशन ना करें पी वाई क्यू यहाँ पे अगेन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहीं से आपको पता चलेगा यू पूछता क्या है मैं क्या करता था जैसे मान लो जी वन का पेपर है आ, मैं अपना वो खोलता था विंडोज क्रोम ठीक है माइक्रोसॉफ्ट uh, क्रोम और जो भी होता है वो मैं एक लाइन से दस टैब खोल देता था पिछले दस uh, साल के जीएस वन पेपर एंड एक लाइन से पढ़ता था क्वेश्चन समझ कुछ नहीं आता था मेरे को बट मैं एक लाइन से पढ़ता रहता था एंड हर दूसरे तीसरे साल मेरे को लगता था ये अभी तो पूछा है ये अभी तो पूछा है कि उसका रीजन क्या है एक इंग्लिश में एक शब्द होता है पैराफ्रेजिंग इसका मतलब पता है सेम स्टेटमेंट को घुमा के पूछने को पैराफ्रेजिंग बोलते हैं यूपीएससी यही करता है इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं अगर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि एग्रीकल्चर में वाटर स्ट्रेस ठीक है ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है माइक्रो इरिगेशन, वैसे तो माइक्रो में ऐसे लिखता हूँ बट छोड़ मान लो माइक्रो इरिगेशन है इन दो पे अगर सवाल है जब आप अपनी तैयारी कर लोगे ना आपको पता चलेगा सेवेंटी परसेंट आंसर सेम है दोनों का सेवेंटी परसेंट आंसर दोनों का सेम आता है एग्रीकल्चर में जो वाटर स्ट्रेस है और माइक्रो इरिगेशन uh, कैसे बढ़ाना है दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट सेम आएगा इनरेस्पेक्ट यू पी कुछ भी पूछ ले तो ये एनालिसिस जब आप करना शुरू कर दोगे कि यू कैसे पैराफ्रेज करके पूछ रहा है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है एक ही सवाल हर दो दो साल पे आएगा टेररिज्म का सोल्यूशन बता दो हमसे पूछते हैं हम सॉल्व कर देंगे वहाँ पेपर पर पे लिख के नहीं करेंगे ना लेकिन वो पूछेंगे तो पाँच पॉइंट रट के चले जाओ समझ रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग का सोल्यूशन पूछेंगे कॉज पूछेंगे वही पूछेंगे बार बार घुमा घुमा के सेम ही चीज़ पूछेंगे तो हमको बस इतना ही करना है कि पैराफ्रेज अगर हमने पकड़ लिया कि यूपीएससी सेम टॉपिक्स कितने बार ज्यादा पूछ रहा है वो टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे समझ रहे हो वो टॉपिक्स में हम नोट्स बना के जाएंगे कि यहाँ से कुछ भी आया पानी का जैसे मैं बताता हूँ पानी का अगर कोई भी क्वेश्चन आता था वाटर का तो मेरा इंट्रो सेट था इंट्रो था मेरा नीति आयोग का कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कि हाँ सही बोल रहे हो पानी का दिक्कत है ठीक है और कंक्लूजन मेरा सेम सेट था गुजरात में एक भंगरू मॉडल है भंगरू मॉडल है आ, उन्होंने आ, वो लोकल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पूरा डेवलप किया है गुजरात में ये मेरा कंक्लूजन था बॉडी डिपेंडिंग ऑन की वो क्या पूछेंगे मेन इशू तो पानी का है ना तो पानी के इशू में मेरा ये सेट था इससे क्या होगा टाइम बचेगा एग्जाम में आपके पास ऑलरेडी ऊपर नीचे कुछ ऐसा अच्छा कंटेंट है जहाँ से अगर आप बीच में गंदा भी लिख दोगे दो, दो नंबर तो उसको देने ही पड़ेंगे समझ रहे हो और वो गंदा कंटेंट का भी आधा एक नंबर जोड़ लो तो तीन नंबर तो आ ही रहे हैं दस नंबर में तो ऐसे करके आपको कुछ कुछ टॉपिक्स जो आइडेंटिफाई कर लो आप की टॉपिक्स हर पेपर में वो वहाँ से आपको मार्क्स उठाने है समझे तो आई थिंक एक तो ये हो गया आ, पी वाई क्यूज का आंसर राइटिंग पे अब आते हैं थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को इश्यूज़ होंगे आंसर राइटिंग पे डिस्कशन कर सकते हैं ना थोड़ा सा इसको लंबा लेते हैं क्योंकि मेन चीज़ तो आंसर राइटिंग ही है आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस बता सकता है कोई मेरे को बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कौन बताएगा सॉरी एक एक करके बोलो कोई एक बोलो यू कैन सेव योर टाइम ओके गुड और वेरी इंपॉर्टेंट जो बीस सवाल है ना आपके पास कितनी भी नॉलेज हो दुनिया भर की कि आपने किताबें पढ़ ली हो आपने हर सब्जेक्ट में PhD कर रखा हो अगर आप उसको तीन घंटे में ढाई सौ वर्ड्स में या डेढ़ सौ वर्ड्स में बीस सवाल नहीं लिख के आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं आपकी नॉलेज का समझ रहे हो वो जो आपका जितना भी नॉलेज बेस है उसको आपको तीन घंटे में उतारना है पेपर पे इसीलिए आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पहले अटेम्प्ट नहीं होगा जब मैंने अपना पहला टेन मार्का लिखा था तो मैंने बीस मिनट से ऊपर में लिखा था और वो बीस मिनट भी कैसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा फिर मैंने आंसर पढ़ा ठीक है मैं पूरा आंसर आंसर पढ़ लिया अच्छे से नेट वेट पर सर्च कर लिया कि क्या क्या इसमें लिखना है उसके बाद लिखने बैठा तो बीस मिनट लगे मेरे को और ये पूरे एक्सरसाइज में मैंने करीब करीब चालीस मिनट लगा दिए थे मेरी हालत क्या थी उस टाइम पे मेरे को लग रहा था भाई मेरे से भी पेपर ही नहीं होने वाला एक सवाल में अगर मैं 40 मिनट लगा दूं जब मुझे आंसर पता है जब नहीं पता होगा तो मैं क्या करूंगा आप समझ रहे हो आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है तो शुरू में सबको डराती है और कोई भी बंदा ना कोई बंदा जो मेरे को यहाँ आगे खड़ा होकर ये बोल दे चाहे वो श्रुति मैम ही आगे बोल दे कि आंसर राइटिंग उनको नेचुरली आती है मैं मानूंगा ही नहीं मैं नहीं मान रहा मैं नहीं मान रहा मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपको आंसर राइटिंग आती है बोर्ड्स में या आपके कॉलेज एग्जाम में और यूपीएससी में सबसे बड़ा डिफरेंस बता सकता है मुझे कोई वर्ड लिमिट नहीं है वर्ड लिमिट कोई वो नहीं है टू दे पॉइंट लिखना है रेलेवेंस रेलेवेंस का पॉइंट है बोर्ड्स में हमको क्या सिखाते थे कि पन्ने भर के आना जो आता है उतार के आ जाना और वो ऐसा क्यों होता था हमको पता था एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं सवाल हमको पहले ही पता थे आंसर्स हमने रट रखे थे उतार के आ जाते थे कॉलेज में क्या होता था एक दिन पहले हमको बताते थे ये यहाँ से पूछेंगे इधर इधर से रट के जाना और पन्ने भर देना ताकि पास करने का स्कोप हो है ना <laughs> क्यों लिखोगे नहीं तो पास कैसे करेंगे यूपीएससी में ऐसा नहीं है आप अगर पन्ने भरने जाओगे ना पन्ने आप भर दो जितने भरने वो नंबर नहीं देंगे आपको उसका आप सोच के देखो तेरह हजार लोग इस बार मीनस लिखेंगे ठीक है और हर किस को हर कोई सात पेपर लिखेगा जो इवेल्यूड एंगे नब्बे हज़ार पेपर उनको चेक करने हैं नाइन्टी थाउजेंड पेपर्स दे हैव टू चेक विद इन वन एंड हाफ टू मंथ्स जितना भी टाइम वो लेते हैं आपको लगता है वो बैठ के आपके पन्ने गिनने बैठा है कि इस बंदे ने ज़्यादा लिख पन्ने लिखे हैं तो उसको ज़्यादा मार्क्स दे दो इसलिए यूपीएससी ने पन्ने डिफाइन कर दिए टेन मार्क दो फिफ्टीन मार्क और थ्री साइड इसमें जितना लिख सकते हो रेलिवेंटली लिख लो नहीं लिख पा रहे तो आगे बढ़ो सिंपल तो हमने को बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ अच्छा करना नहीं है जस्ट अबव एवरेज लिख के आना है उतने में से एग्जाम क्लियर हो जाएगा जो बीस सवाल आते हैं बीस सवाल में हर बंदा जो ये एग्जाम दे रहा है हर टॉपर पाँच से छः अच्छे आंसर लिख के आता है पाँच से छः और वो कैसे लिख के आता है वो टॉपिक उसने एक्सपेक्ट किया होता है कि आएगा जैसे सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स हम एक्सपेक्ट करके जा रहे थे वैसा का वैसा आ गया ठीक है तो वो एक्सपेक्ट करके जाता है अच्छे से पढ़ के जाता है इंट्रो कंक्लूजन प्रिपेयर्ड है वो पाँच से छः अच्छे आंसर उसके निकल के आते हैं दस से ग्यारह सवाल एवरेज लिख के आता है हर कोई कि ऐसा क्यों होता है इन क्वेश्चन में दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है ये क्वेश्चन देखा होता है तैयार होता है तुरंत पेन निकलता है और रम लिख देते हैं यहां पे दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा पेन और दिमाग एक साथ नहीं चलेगा एग्जाम में ठीक है ये समझ लो अभी पेन और दिमाग एक साथ नहीं चलेगा एग्जाम में तो यहां जब दिमाग लाओगे पेन धीरे चलेगा एवरेज आंसर लिख के आओगे और तीन तो तीन चार तो ऐसे आंसर है कि अगर यूपीएससी ने अगर पब्लिक कर दिया ना तो आप मेरी बात नहीं सुनना चाहोगे मैंने कैसे ऐसे आंसर लिख के आया हूँ ठीक है वो हर कोई लिख के आता है भद्दे आंसर हर कोई लिख के आ रहा है सो यू जस्ट हैव टू राइट अबव एवरेज आंसर इन सिक्सटीन टू सेवेंटीन क्वेश्चन हम परफेक्शन के पीछे भाग ही नहीं रहे परफेक्ट आंसर लिखना ही नहीं अपने को परफेक्ट आंसर कोई नहीं लिख के आ रहा पेपर में हर कोई एवरेज लिख के आ रहा है और एवरेज से ही एग्जाम क्वालिफाई uh, हो रहा है ठीक है सबसे पहली चीज तो ये अपने दिमाग में लगा लो सेकेंडली जो आंसर राइटिंग है ना इट इज अ गेम ऑफ लेबर लेबर समझते हो महात्मा गांधी जी इस पर बहुत फोकस देते थे लेबर का मतलब है बैठो पेन लो और पेन चलाओ जब तक आप ये काम नहीं करोगे ना आपके आंसर्स टाइम में आने वाले हैं ना आप ठीक से आंसर्स लिखने वाले हो ठीक है जितना आप ये करोगे उतना बेहतर होगा है ना ये तो सब कहानी हो गई वेन डू यू हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग डे वन पे कौन आंसर राइटिंग कर रहा है यहाँ पे कोई कर रहा है डे वन से क्यों कर रहा है भाई हाँ असाइन वो तो क्लास में पढ़ा रहे हैं ना बट मैं कह रहा हूँ कि डे वन से आंसर राइट कोई नेट पे जा सवाल ढूंढ रहा है कोई कर रहा है कैसे करोगे जब आपके पास कंटेंट ही नहीं है आप डे वन से आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हो यूजलेस बातें हैं ये मैं आपको तरीका बताता हूँ कब करना है आपको पहले तीन से चार महीने में जब आपका पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री जोग्राफी ऐसे टॉपिक जब खत्म होते हैं ना जो एकदम स्टैटिक हैं ये ये वाले ऐसे टॉपिक हैं है मल्टी डायमेंशनल आंसर नहीं लिखने होते अगर पॉलिटी में जैसे इस बार सवाल आया था यूपीएससी में कि एस का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताओ कहाँ कहाँ हैं और क्या उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए ये टॉपिक कोई मल्टी डायमेंशनल आंसर थोड़ी है इसमें जो पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें वही हमको लिखनी है तो ये टॉपिक जब आपके खत्म हो जाए जो आप शुरू के तीन चार महीने में करोगे है ना जब आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री ये सब चीज़ें इनकी जब आपकी रिवीजन एक दो बार हो जाए तब आप इनपे आंसर्स लिखो ठीक है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करो एंड यहां पे जब आप आंसर्स लिख लोगे ना आफ्टर सेवन टू एट मंथ्स जब आपकी कोचिंग ऑलमोस्ट खत्म होने को हो रही होगी जब आप अपना पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से देख चुके होंगे जब आपकी एक आध बार हर सब्जेक्ट को आपने देख लिया होगा तब आप आंसर राइटिंग करो जैसे आई आर है सोसाइटी है गवर्नेंस है ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर चाहिए होते हैं इनकी आंसर राइटिंग आप तब करोगे और यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा आपने ऑलरेडी पहले कर रखी है तो आपको आंसर्स लिखना आ गया होगा अब आप आंसर लिखने से डरोगे नहीं और आप बेटर आंसर्स लिखोगे यहाँ पर तो विद इन सेवन टू एट मंथ्स आपकी आंसर राइटिंग ठीक हो जाएगी उसके बाद आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे और प्रीलिम्स के बाद जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना यू विल नॉट बी अ बिगिनर आपने ऑलरेडी चीज़ें पहले कर रखी हैं शुरू में इनर्शिया आएगा बट वो इनर्शिया टूट जाएगा क्योंकि आपने पहले कर रखी होंगी आंसर राइटिंग ठीक है आपके लिए बहुत ईजी होगा तो इसलिए आंसर राइटिंग आप अभी करो अभी तैयारी भी आप अभी मेंस की करो आंसर राइटिंग भी जब तीन चार महीने खत्म होने लगे टॉपिक्स एक बार रिवाइज हो जाएं जोग्राफी पॉलिटी मॉडर्निस्ट्री एंशियंट मीडिया एंशियंट ये आर्ट एंड कल्चर ऐसे टाइप की चीजें वो चेंज नहीं होती हैं जिनपे करंट अफेयर्स भी कम होता है ऐसे टाइप के टॉपिक्स पे आप आंसर राइटिंग शुरू करो और सेवन टू एट मंथ्स के बाद जो थोड़े मल्टी डायमेंशनल है जैसे एसए है ऐसे आप पहले लिख ही नहीं सकते खाली पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ के आपको ऐसे के लिए सारे डायमेंशन आना जरूरी है उसके बाद ही आप लिख पाओगे है ना तो इसलिए ये वाला टॉपिक सात से आठ महीने के बाद करना है राइट ये हो गया वन आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन है ठीक है और ये सब हो गया एक और चीज़ है जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो मॉडल आंसर्स मिलते हैं मॉडल आंसर्स होते हैं ना आप क्वेश्चन लिखोगे फिर आप कुछ लिखोगे आप चेक करोगे कि उन्होंने क्या बताया था इसका आंसर क्या होना चाहिए ये आपको रेप्लीकेट नहीं करना है एग्जाम में दीज आर परफेक्ट आंसर जो कोचिंग वाले बना के देंगे ना दीज आर परफेक्ट आंसर्स ये आप एग्जाम में रेप्लीकेट नहीं कर पाओगे वो एक आंसर बनाने के लिए कोचिंग में जिन्होंने भी सवाल बनाया है वो चार से वो कम से कम नहीं तो कम पंद्रह बीस मिनट उसमें उन्होंने टाइम लगाया होगा हो वो आंसर लिखने के लिए आप लिख रहे हो सात मिनट है अंदर समझ रहे हो डिफरेंस वो परफेक्ट आंसर है तो फिर आपको करना क्या है आपको दो चीजें करनी है सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपने डिमांड मीट किया कि नहीं डिमांड से क्या मतलब है जो सवाल ने पूछा जो आपने लिखा और जो मॉडल आंसर में लिखा है वो कहीं कहीं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ओवरऑल चीज जो आप लिखना चाह रहे थे राइट अगर आपने डिमांड मैच कर लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए आपने कितने रेलीवेंटली किया है इसका क्या मतलब है मान लो आपने छह से सात पॉइंट लिखे तो उसमें से कम से कम चार से पांच पॉइंट तो ऐसे हों जो उस सवाल ने जो पूछा है आपने वही लिखे हो समझ लो आपको ये प्रैक्टिस करनी है आपको वो आंसर देख के डरना नहीं है कि यार ऐसा आंसर मैं कभी लिख ही नहीं पाऊंगा समझ रहे हो फिर उस मॉडल आंसर से आपको क्या करना है दो चीज़ें देखनी है क्या यहाँ कोई रेलिवेंट डेटा या इन्फॉमेसन ऐसा है जो आप इस टॉपिक में यूज़ कर सकते हो अगर है तो उठा लो अगर आपको वहाँ पर लगे कुछ अच्छा इंट्रो कंक्लूजन दिया हुआ है जैसे जो मैंने पानी वाला बताया ना ये मेरे को वहीं से वह, वह, उधर से ही मिला था आइडिया आया था तो अगर वहाँ पर कुछ अच्छा इंट्रो कंक्लूजन है वो देख लो आप कि वो आप एप्लीकेट कर पाओगे अगर एग्जाम में सेम टॉपिक आया तो ये देख के बड़ा डिफिकल्ट लगता है बट मान लो कोई वेमन एम्पावरमेंट पे सवाल है है ना वहाँ पे अगर आपने देखा इंट्रोडक्शन लेट से डब्ल्यू एफ डब्ल्यू एफ की कोई रिपोर्ट से कर रहे हैं वो रिपोर्ट मेरे को एक्जैक्टली exactly याद नहीं आ रही तो आपको समझ आएगा यार ये तो कितनी सही चीज़ है ये तो रिपोर्ट भी है कुछ डेटा भी आ गया और आपने इंट्रोडक्शन भी रेलिवेंटली मीट कर दोगे आप तो आप ये चीज़ें ऐसे उठाओगे समझ रहे हो एंड दिस विल बिकम अ वेरी ईजी एक्सरसाइज देख के डिफिकल्ट लगता है बट दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट साउंडस राइट ये आपको करनी करनी है दिस इज हाउ यू विल इम्प्रूव योर यू नो आंसर राइटिंग स्किल सेकेंडली परफेक्ट आंसर नहीं लिखना ये तो हमने कर लिया डिस्कस वहाँ जाके एवरेज आंसर्स लिखने और इसलिए वो अपने आप पे वो प्रेशर मत बनाओ कि मैं जाके परफेक्ट लिखूंगा मैं हर चीज़ में पीएचडी कर लूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट आता है बीस नंबर का तो मैं ढाई पेज की किताब पढ़ के जाऊंगा ताकि मैं सबसे अच्छा लिखूँ क्यों लिखना है सबसे अच्छा जितना सब लिख रहे हैं वैसे ही लिख के आ जाओ ना उतने में रैंक आ जाएगी अच्छी रैंक आ जाएगी समझ रहे हो तो वो अब मैं रिसोर्सेज जैसे बताऊँगा तब आपको बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम्स फ्लो चार्ट मैंने जीएस वन के पेपर में एक भी नहीं बनाया इस बार ठीक है और मेरे आए हैं मार्क्स जीएस वन में बहुत नंबर आए इस बार 110, 112 भी आपको दिख जाएंगे बट 98 मार्क्स का मतलब है कि मेरे आंसर्स उनको ठीक लगे उनको लगा भाई इस बंदे ने रेलिवेंट चीजें लिखी है इसका क्या मतलब है यूपीएससी फैंसी चीज़ें नहीं चाह रहा आपसे ठीक है क्या आप बहुत फैंसी चीज़ें कर दोगे तो ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आप रेलिवेंट चीज़ें भी लिखे होगे तो भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे राइट तो यही उसका क्रक्स है कि मैंने बहुत ज़्यादा और ऐसा नहीं मैंने डायग्राम्स प्रैक्टिस नहीं किए मेरे को क्वेश्चन में रेलिवेंट नहीं लगे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि आईटी सिटीज़ है इंडिया में जैसे आईटी इंडस्ट्री है वो सिटीज़ में ही ग्रो हो रही है उसका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है अब लोग उसमें मैप बना रहे हैं दिल्ली बेंगलोर पुणे चेन्नई उसने पूछा आपसे कि कहाँ पे आईटी सिटीज़ हैं आप उसको वो क्या दिए? उसको पता है ये सिटीज़ कहाँ पे है ये कहाँ जब खाली एग्जाम्पल में भी लिख दोगे ना दो चीज़ उसके बाद आपको उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखने थे वहाँ आप ज्यादा लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ये मैप बना के नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे अगेन मान लो अगर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखा है अगर आपने लिखा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आर जो भी है और यहाँ पे आपने सात पॉइंट लिख दिए दिएट से तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो आप दो टू एंड हाफ मार्क्स टू 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 एंड हाफ मार्क्स देने का स्कोप छोड़ रहे हो है, है ना वो आपके सात पॉइंट पड़ गए उसको लगेगा ठीक है।, है दो ढाई नंबर दे दिया आपको अब यहाँ पे मार्क्स कैसे निकालोगे आप उसने सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछा ना सोशल इम्पैक्ट तीन से चार पॉइंट यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट तीन से चार पॉइंट यहाँ पे और जब आप ऐसे लिखोगे ऐसा तो नहीं आप कुछ इरेलीवेंट लिखोगे कुछ तो रेलिवेंट ही लिखोगे यहां पे आप क्या कर रहे हो डेढ़ नंबर डेढ़ नंबर इस चीज का स्कोप दे रहे हो आप उसको मार्क्स लेने का स्कोप ले रहे हो आप समझ रहे हो कि वो आपको जितनी चीजें पूछ रहा है उतनी चीज़ें आप लिख दे रहे हो तोड़ तोड़ के उसको मजबूरी में भी मार्क्स देने पड़ जाएंगे जहां वो दो ढाई नंबर का स्कोप छोड़ रहे हो वहाँ पर आप मिनिमम टू पॉइंट सेवन फाइव थ्री मार्क्स ऐसे निकाल सकते हो तो ये इंटेलिजेंस आपको आएगी आंसर राइटिंग के साथ यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहले बहुत बड़ा सा कोड दिया होगा देखे आप लोग ने और बाद में कुछ क्वेश्चन लिखा होता है ना ऐसा देखा है आपने ये जो कंटेक्सट होता है ना इसको बहुत लोग एड्रेस नहीं करते हैं बहुत लोग ये वाला पार्ट लिख देंगे मान लो यहाँ कुछ जैसे इस बार आया था बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स का आया था ठीक है तो वो खाली अपना बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स और जो चीज़ पूछे बोल ये वाला पार्ट कोई नहीं एड्रेस करता तो आप कर दो आप एक आप यहाँ से कुछ चीज़ें उठाओ जो एग्जैक्ट चीज़ें लिखी हैं वो यहाँ पे लिखो बॉक्स बनाओ दो तीन पॉइंट लिख दो एक दो तीन या अगर स्पेस नहीं है यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें पूछी हैं डायग्राम के हिसाब से बना दो ऐसे चार पॉइंट जैसे लिख दो समझ रहे हो इससे क्या होगा कि आप उसको यहाँ पे से भी मार्क्स देने का स्कोप निकाल दोगे आप कि जो उसने पूछा मैंने बोला हाँ भाई तू सही बोल रहा है तो आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा मैं कह रहा हूँ सही है सही है मैं दो पॉइंट लिख दिया अब आधा मार्क्स एक मार्क्स मार्क्स चुराने ही है ना वहाँ चोरी करनी है एकदम गरीबी भिकमंगी जो करनी है कर लो मार्क्स निकाल लो क्वेश्चन तोड़ो जितने पार्ट्स में तोड़ोगे ना आंसर्स मतलब भले ही आप गंदा लिखो बट मार्क्स लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी एंड कंटेंट तो धीरे धीरे डेवलप हो ही जाता है तो जब भी आप क्वेश्चन तोड़ोगे आप रेलिवेंट चीज़ें ही लिखोगे वहां से मार्क्स आएंगे समझ रहे हो एक तो ये चीज़ होगी Uh, अब जैसे मैं डायग्राम का भी एक चीज़ बता ही देता हूँ मान लो जैसे uh, कुछ चीज़ें इंटेलिजेंटली आप कर सकते हो कि मान लो अगर मे से जूट क्रॉपिंग पे कुछ क्वेश्चन है एंड मेरे को उसमें बहुत अच्छे से आता है वो आंसर मेरे पास वहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो मैं मैप बना के उसको दिखाऊंगा ही कि कहाँ पे जूट क्रॉपिंग होती है अब यार अभी बहुत टाइम से मैप्स प्रैक्टिस नहीं किए तो बट मान लो जैसे ये इंडिया का वो है ना ईस्टर्न ईस्टर्न रीजन ठीक है यहीं पर होती है मोस्टली Uh, जूट की uh, क्रॉपिंग तो यहां पे मैं मार्क करके दिखा दूंगा कि भाई ये है ये है यहाँ पर जूट आता है ठीक है छोटा करके ऑब्वियसली इससे क्या होगा ये ये डायग्राम छोटा बनेगा पेपर में ओवरऑल अगर पेपर का साइज है इतना बड़ा यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा आप आंसर शुरू करोगे कुछ इंट्रो डालोगे मैं इतने में वो डायग्राम बना के आ जाऊँगा रीजन मेरे पास कंटेंट बहुत है पेज भरने के लिए बट मान लो मेरे पास कंटेंट नहीं है इस क्वेश्चन में जूट क्रॉपिंग ने पूछा है ये डायग्राम तो मेरे को बनाना ही है पूरा इंडिया का मैप बनाऊंगा और फिर खाली ईस्टर्न इंडिया का दिखाऊंगा क्यों उसको लगे यार बेचारे ने मैप बनाया दिखाने के लिए उसको थोड़ी पता है मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ समझ रहे हो क्योंकि ये इंटरव्यू में पकड़ लेंगे पेपर में नहीं पढ़ सकते जो मैंने पूछा ना सामने से आके नहीं पूछ सकता वो आपसे तो ये मैं करूँगा तब क्या होगा पेपर में इतना है क्वेश्चन यहाँ कुछ इंटरव्यू लिखा पहले इतने से मैं मैप बन रहा था अब मैं इतने से मैं बना दूंगा बड़ा सा मैं उसको दिखाऊंगा भाई कंटेंट तो मेरे को यार देखो इतना ही है मैप देख लो तुम मैप में है यहाँ पे झूठ होता है समझो ओवरऑल मैं अपना स्पेस मैनेजमेंट इंटेलिजेंटली करूंगा ये कुछ कुछ चीजें आंसर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही आएंगी कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं आप उसको कितना बना रहे हो इतना ही कर, इतना ही गेम है यूपीएससी में ठीक है तो वो आंसर राइटिंग जो लेबर वाला एस्पेक्ट है ना वो यही है एक और चीज़ है जो आ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर फिनिश करना कंप्लीट द पेपर लेट से आप हर पेपर में एक एक सवाल छोड़ रहे हो टेन मार्कर ठीक है आ, जो पांच जीएस के पेपर हैं आप हर एक में टेन मार्कर छोड़ दिए कितने मार्क्स पचास बाकी लोग सत्रह सौ पचास में स्कोर हो रहे हैं आप सत्रह सौ में ही स्कोर हो रहे हो यहाँ पे उन्होंने बद्दे आंसर भी लिखे होंगे पाँच छः मान लो सात नंबर आप ऑलरेडी सिक्स टू सेवन मार्क्स पीछे हो सिक्स टू सेवन मार्क्स का इंपॉर्टेंस पता है ना आपको इस एग्जाम में समझ रहे हो ना आप सिक्स टू सेवन मार्क्स आप खत्म हो ये गेम ही आपने ख़त्म कर दिया यहाँ पे क्यों क्योंकि आपने पेपर नहीं कंप्लीट कर पाए जो मैंने एथिक्स का पेपर इस बार लिखा है मैंने बारह से तेरह एथिक्स के फुल लेंथ मार्क्स दिए थे फाइनल यू पी एग्जाम से पहले क्योंकि एथिक्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए मैंने बहुत अच्छे पेपर्स लिखे थे एथिक्स से यू जाने से पहले जो मैंने सबसे घटिया अपना एथिक्स का पेपर लिखा वो यू में लिखा था इसलिए मैं बहुत डर रहा था कि मेरे मार्क्स कम आएंगे और आए भी एक नंबर जस्ट एवरेज है वो आराम से एक नंबर हो सकते थे है ना बट मेरे एक फिर कैसे आ गए अगर मैंने इतना खराब एथिक्स का पेपर लिखा तो एक कैसे आए पेपर कम्प्लीट किया मैंने और पेपर कम्प्लीट करके अभी मैं एथिक्स में बताऊँगा कि uh, वहां पे कैसे मैंने क्या किया क्या गलती की थी तो इसका आगे तो इंपॉर्टेंस बस बता रहा हूँ आपको क्या आप पेपर अगर कंप्लीट अगर मैं नहीं कर पाता ना वहाँ पे तो ये नाइन्टी रहते नाइन्टी रहते पंद्रह मार्क्स पीछे रहता मैं इस साल फिर प्रीलिम्स दे रहा होता समझ रहे हो आप ये डिफरेंस तो आपको पेपर कंप्लीट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल थिंग्स दैट हैव टू से और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ uh, दो चीज और बताता हूँ uh, एक है जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है ना आंसर आपके सामने होता है चार ऑप्शन ठीक है अगर आपको याद नहीं भी है तो आपको देख के चीज़ें कुछ कुछ स्ट्राइक कर जाती है कभी कभी होता है ना किताब देखते हो एकदम से याद आ रही है ये ऐसा लिखा था तो प्रेजेंस में ये चीज़ होती है मेन्स में क्या होता है खाली पेपर आता है सामने ब्लैंक ए फोर शीट आती है ए फोर भी नहीं होती है ब्लैंक शीट होती है वो आपको मेमोरी से याद करके लिखना होता है तो जितनी चीज़ें आपको याद होंगी ना उतना ही आप बेटर लिख पाओगे और अगर आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने जाओगे तो आप तो कुछ नहीं लिख पाओगे क्योंकि ज़्यादा चीज़ आपसे याद होंगी भी नहीं ठीक से अच्छे से याद भी नहीं होंगी एग्जाम में ठीक से लिख भी नहीं पाओगे लास्ट में मेरे पास एक पेज के नोट्स थे वो क्यू आई पी एक प्रोग्राम होता है वो ऑलमोस्ट हर कोचिंग कराती है राउज आए में यहाँ से मेरे पास 120 पेज के नोट्स हैं जब मैं पहले टॉपर टॉक्स देखता था ना कि मेरे पास डेढ़ सौ पेज के नोट्स हैं दो सौ पेज के नोट्स हैं मैं वही पढ़ के जाता हूँ मेरे को लगता है ये खाली बेवकूफ़ बना रहा है ये अब हो गया इसका तो कुछ भी बोलता है ये बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक पेज आप समझ रहे हो कितने पेजेज होते हैं अगर आपको याद करने तो बहुत पेजेज़ होते हैं एक पेज याद करने के लिए यहाँ से मैं एग्जैक्टली बस इतना ही याद करके गया था अपने मेन्स के एग्ज़ाम में क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको हर चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना जो चीज़ आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते पेपर में आया वो भी यहीं से लिखूंगा जो यहाँ पे अगर वो आ गए वो भी यहीं से लिखूंगा बट लिखना मुझे यहीं से है इसके बाहर से मैं नहीं लिखने वाला हूँ तो जब मेरे सामने ब्लैंक पेपर है ना मेरे दिमाग में खाली एक पेज है वहाँ से जो भी टॉपिक आ रहा है मैं वहाँ से उठा के फिट कर रहा हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा रटने चले गए और बहुत ज्यादा पढ़ने चले गए बहुत ज़्यादा चीज़ें आप याद करके रखे हो दिमाग में ऐसी खिचड़ी बनेगी आप हर पेपर में गंदा लिख के आओगे गंदा लिख के आओगे आप रेस के बाहर हो समझ रहे हो तो मिनिमम करना अपना रिसोर्सेज और उसको धीरे धीरे रिफाइन करते रहना जितना कम करोगे उतना ईजिली एग्ज़ाम में याद रहेगा एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेथ में याद करके लिखना वही सबसे बड़ा चैलेंज है राइट तो ये मेरे को एक चीज़ बतानी थी फिर तो हो गया ऑप्शनल वगैरह की बातें वो इसके बाद करते हैं पहले मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ है ना बुक लिस्ट में और फिर मैं आपको वो बताता हूँ कि उसमें आ, सबसे वो कौन सी चीज़ें हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स राइट जी एस वन का आते हैं तो जी एस वन में मेरे नाइन्टी एट मार्क्स हैं इस ये वाला पेपर आ, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है रीज़न बी सबसे ज़्यादा टॉपिक्स इसी पेपर में राइट तो सबसे पहले आके आपने मॉडर्न हिस्ट्री अगेन स्पेक्ट्रम बस पहले हम इसमें ज़्यादा डेटा सेंटर की पढ़ाई कर रहे थे अब थोड़ी एनालिसिस बेस्ड पढ़ाई करेंगे बट इससे बाहर का मैं नहीं पढ़ूंगा समझ मैं अगेन स्पेक्ट्रम ही पढ़ी मैंने इसमें ठीक है और यहाँ पे एक चीज़ आप देखना सिलेबस 1750 के बाद का है मतलब सेवेंटीन फिफ्टी जो वो है ना ए डी उसके बाद का सिलेबस है तो आपको एंशेंट मीडियवल नहीं पढ़ना है जी एस वन में सिलेबस पढ़ो पहले एनशेंट मीडियवल नहीं पढ़ना है खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो इतना ही पढ़ के जाओ इससे ज़्यादा पढ़ के कोई मतलब इससे पहले का पढ़ने कोई मतलब नहीं है ठीक है सेकेंड है जोग्रफी जोग्राफी में जो इंडियन जोग्राफी वाला पार्ट है वो तो वही जो एलेवन ट्वेल्थ एन क्लास नोट्स ठीक है बट जो वर्ल्ड जोग्राफी है ना वर्ल्ड जोग्राफी में आप देखोगे फिजिकल जोग्राफी ज़्यादा पूछते हैं जैसे इस बार माउंटेन्स uh, पूछ लिया ठीक है uh, uh, वो पूछे थे मिनरल्स पूछे थे तो ये ज़्यादा पार्ट आते हैं ये मैंने क्या किए थे राजतनिल मैम के वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे या फिर पी एम एफ यहाँ से आप कवर कर सकते हो बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जोग्राफी जो है एट्टी टू हंड्रेड मार्क्स का आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री फोर्टी टू सिक्सटी मार्क्स ठीक है और ये आप प्रिलिम्स से अच्छे पढ़ के आए हो तो ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज वेल यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करनी है एंड जब आपने फर्स्ट टाइम आंसर इत, राइटिंग की थी वो तो आपने यहीं से की थी राइट तो इस पर आप ऑलरेडी थोड़ी आपकी पकड़ है उसको बस इंप्रूव करना है प्रिलिम्स के बाद है ना तीसरा यहां पे है सोसाइटी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को लगता था यहाँ पर यहाँ पे एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आप लोगों ने सोसाइटी नहीं पढ़ी है तो आपको सोसाइटी का कोई आइडिया नहीं है थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा पढ़ के आ जाएगा एक्स्ट्रा सोसाइटी के लिए मैंने अलवन्थ ट्वेल्थ की एन पढ़ी थी बहुत अच्छी एन सी हैं इन एन में बस ये है कि कंटेंट थोड़ा कम है ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड एनसीआरटीज अच्छी हैं और एक चीज़ आप देखना इन एन में से हर एक जो टॉपिक है ना जो चैप्टर uh, है यूपीएससी ने हर चैप्टर पर एक एक सवाल पूछ रखा है हर चैप्टर पर पिछले दस साल में एक चैप्टर छोड़ के वो है चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी ये शायद एलेवेंथ की एक है इलेवंथ uh, की एन में शायद दूसरा चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी देख लेना एग्जैक्टली exactly. इस पर आएगा साल, सवाल मैं प्रिपेयर करके गया था अच्छे से किसी साल आने वाला है इस साल अगले साल आएगा पक्का आएगा ठीक है यहाँ से एक और फिर मैंने क्या किया था हर एक जो टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे जैसे ग्लोबलाइजेशन लिखा है अर्बनाइजेशन लिखा है ठीक है सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है हर एक पे ढाई से तीन वर्ड्स के नोट्स बना लो और वहीं से आपको आंसर लिखना है चाहे कुछ भी आए ठीक है एंड सोसाइटी में एक चीज़ और थी जो जस्ट मेरे दिमाग से निकल गई Mm, आती है तो बताता हूँ ये भी फिफ्टी टू ऑलमोस्ट फोर्टी टू सिक्सटी मार्क्स का ये भी आता है दो सौ मार्क्स आपके यहीं से आते हैं ऑलमोस्ट जी एस वन के पेपर में दो सौ मार्क्स यहीं से आते हो स्कोरिंग भी यही वाला पार्ट है ठीक है यहीं से मार्क्स आएंगे तो ये वाले पार्ट्स आपको अच्छे से करके जाने हैं सोसाइटी में है ना हाँ मैं ये बता रहा था सोसाइटी के आंसर राइटिंग में डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ के आंसर्स बहुत जेनरिक बनते हैं तो जब आप अर्बनाइजेशन है ग्लोबलाइजेशन है ये सब टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना डेटा कलेक्ट कर लेना पहले ही ताकि वो आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ कर पाओ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वगैरह में अदरवाइज आंसर्स बहुत जेनरिक बनते हैं यहाँ पे पढ़ के अच्छा नहीं लगता तो ये आप कर लेना अब ये जी एस वन में जो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं मैं वो बताता हूँ आपको ये आर्ट एंड कल्चर है ठीक है दो में पचास मार्क्स का आया था ये लगभग 200 मार्क्स आपके वो तीन टॉपिक्स से आते हैं 2020 में ये 50 मार्क्स का आया था तो अगेन सेलेक्टेड नितिन सिंगानी सर की टॉपिक्स टेंपल आर्किटेक्चर भक्ति मूवमेंट जो ये टॉपिक्स बार बार रिपीट करते हैं यही पढ़नी है अलग से आगे कुछ नहीं पढ़ना पेंटिंग वेंटिंग पर पे इन्होंने पूछना बंद कर दिया राइट यहाँ पर थोड़ा करेंट अफेयर्स का भी रोल है लास्ट ईयर जैसे क्या था राम अप्प्पा टेम्पल है ना वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई थी तो मैं काकटियन आर्किटेक्चर भी पढ़ के गया था टेम्पल आर्किटेक्चर क्योंकि दो में पाला पर पूछ रखा है राइट तो वो चीज़ें मैं कवर करके गया था तो थोड़ा करंट अफेयर्स का भी रोल रखना जैसे ढोलावेरा प्रेम्स में आया था वो किसी भी साल मेंस में आ सकता है राइट तो वो देख लेना ढोलावेरा है लोथल है लोथल में एक म्यूजियम खोला है गवर्नमेंट ने अभी अभी तो थोड़ा करंट अफेयर्स भी कभी कभी इस पर सवाल आ जाते हैं फिफ्थ जो चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बहुत कम सवाल यहाँ से आते हैं ठीक है मोस्टली आपका यहीं पर सब कवर हो जाता है ज़्यादा से ज्यादा दस पंद्रह मार्क्स आते हैं मिला के भी वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने सिर्फ क्लास नोट्स पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू राइज ऑफ डिक्टेटर्स कोल्ड वॉर ठीक है सारे कुछ इसमें नहीं पढ़ना है स्पेशली वॉर्स वॉर्स तो जो बीच बीच के छोटे मोटे वॉर्स हैं वो बिल्कुल मत पढ़ना ज्यादा रिटर्न ऑन रेशियो नहीं है पोस्ट इंडिपेंडेंट मैंने कुछ नहीं पढ़ा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न हिस्ट्री से इकोनॉमी से पॉलिटी से वहीं से होगा ये और इस बार सवाल भी बहुत ईजी आया था बहुत टाइम बाद सवाल आया था बहुत ईजी आया था राइट तो ये वहीं से होगा अगेन इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बस क्लास नोट्स वगैरह वुड सफाइस आर्ट एंड कल्चर थोड़ा पढ़ लेना बिकॉज आर्ट एंड कल्चर वो वाला पार्ट है जहाँ आप अपने कॉम्पिटिटर uh, से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो ये हर कोई हल्का पढ़ के जाता है अगर आप ये ठीक से पढ़ के गए यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह बना के गए तो यहाँ पे आपका स्कोर अच्छा आ सकता है राइट जी एस टू पर आते हैं जी एस वन में छोट हाँ जी एस टू पर आते हैं जी एस टू में मैंने हंड्रेड फोर्टीन स्कोर किया इस बार अच्छा जी टू में आप हमेशा देखोगे लोगों के मार्क्स बहुत हाई रहते हैं कभी आपने सोचा है देखा हंड्रेड टेन प्लस आता है हर किसी को आता है इस बार वन थर्टी प्लस भी आया है क्यों आता है कोई बता सकता है मेरे को करंट अफेयर्स आई आर का पार्ट में करंट अफेयर्स एक एन अग्री और वो तो पढ़ते ही हैं वो तो ठीक बात है लेकिन उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्यों मार्क्स ज़्यादा आते हैं बताता हूँ आपको आर्टिकल नंबर्स आपको याद रहते हैं प्रीलिम्स से ठीक है रिपोर्ट्स आप पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आप पढ़ते हो ये चीज़ें आप आंसर्स में लिखते हो इसलिए यहाँ के आंसर्स पढ़ के बहुत अच्छे लगते हैं और मार्क्स हमें यहाँ पे अच्छे आते हैं आप देख लोगे हंड्रेड टेन प्लस आते ही आते हैं सबको ठीक है यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं पॉलिटी है पॉलिटी लक्ष्मीकांत कुछ अलग नहीं करना लक्ष्मीकांत में मेन्स का बहुत मटीरियल है एनसीआर के रिकमेंडेशन हैं टॉपिक वाइज हैं पुंछी कमीशन है सरकारिया कमीशन है सेंटर स्टेट इशूज पे है ठीक है फिर जैसे ट्रिब्यूनल के चैप्टर पे एल चंद्र कुमार जजमेंट है लास्ट में लिखा हुआ है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है यहाँ पे मेंस का काफ़ी सामान है हमने बस पढ़ा नहीं है उसको जैसे एक वो है कॉजी फेडरलिज्म इंडिया के सी वेयर ने बोला है लक्ष्मीकांत में दिया है तो आप इसको मेन्स के तरीके से पढ़ें जब आप अभी पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत यहाँ पर आप मार्क कर लो मेन्स के लिए क्या है प्रेम्स के लिए क्या है और मेन्स का जो मार्क करोगे अलग पेन से करना ताकि वो आपको याद रहे लक्ष्मीकांत में इनफ चीज़ें हैं लोग पढ़ते नहीं हैं मैंने यहीं से पढ़ी है और यहीं से हुआ है मेरा ठीक है यहाँ पे आपको सेपरेट पेज में वो बनाने पड़ेंगे जजमेंट्स uh, कमिटीज़ इनका आपको बनाना पड़ेगा एक एक पेज पे बना के रख लेना ये एग्जाम से पहले बहुत याद uh, मतलब काम आएंगे याद करके जाने आंसर्स में यूज़ करना है ठीक है जैसे पिछले साल वो राजेंद्र शाह केस हुआ था कोऑपरेटिव्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वेश्चन आया नहीं बट ये करके जाना आपको फिर है गवर्नेंस गवर्नेंस में यार लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि कोई अच्छा सोर्स नहीं है गवर्नेंस का गवर्नेंस में आपको क्या करना है जो मैंने किया था हर एक टॉपिक पे नोट्स बना लो 250 से 300 वर्ड्स के जैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है प्रेशर ग्रुप्स है ठीक है फिर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस कुछ लोग इसको इन सोशल जस्टिस आई थिंक वैसे जी एस में है या नहीं ए में है शायद सोशल जस्टिस आपका काफ़ी हद तक सोसाइटी से मैच कर जाएगा क्यों क्योंकि सोसाइटी में आप वुमेन पढ़ोगे एल्डरली इशूज़ पढ़ोगे ट्रांसजेंडर इशूज़ पढ़ोगे वो सब यहीं पर आ जाएगा उसमें आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह अच्छे से पता होनी चाहिए जैसे यहाँ इशूज़ क्या होंगे विमेन है ठीक है जैसे मैंने बताया आ, क्या है ट्रांसजेंडर्स हैं इन सब पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए ढायरेस पेज के डायरेस ऑफ वर्ड्स के नोट्स बना लो वो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे एग्जाम के टाइम पे एंड जो नॉर्मल चीज़ें हैं हेल्थ एजुकेशन ठीक है एग्रीकल्चर ये सब चीज़ों पे भी नोट्स बनाओ यहाँ पे वैसे ही होगा कोई अच्छी बुक मेरे को मिली नहीं आज तक और मिलेगी भी नहीं आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा यहाँ पर है ना गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नीति आयोग का स्ट्रैटी एट सेवेंटी फाइव दो हजार अट्ठारह का पब्लिकेशन है ये पढ़ के जाना यहाँ से आते हैं सवाल और इस बार अर्बन uh, गवर्नेंस पे मैं एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बजट में बहुत डिस्कस हुआ था और इसमें एक चैप्टर है अर्बन गवर्नेंस पे पूरा का पूरा ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये आप अभी प्रिपेयर करो गवर्नेंस की क्योंकि ढाई सौ पेज की किताब है प्रीलिम्स के बाद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो जितना जल्दी आप इसको कर लोगे रिवाइज करोगे बेटर रहेगा है।, है ना एंड सेकेंड ईयर से कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी काम करते हैं बट सारा मत पढ़ना बहुत सेलेक्टेड वो आप खुद से देखना कहाँ से करना है बट इससे ज़्यादा आपको गवर्नेंस में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे इसमें टॉपिक वाइज राइट और क्या है हाँ गौ इसमें आई आर है आई आर मोस्टली करेंट अफेयर्स बेस्ड होता है तो इसलिए मैंने इसकी कोई किताब वताब नहीं पढ़ी जो आप करंट अफेयर्स पूरे साल पढ़ते रहोगे वही जैसे आज इंडो इंडिया और यू ए ई रिलेशन पे कुछ है तो अगर आपको क्या करना है इसमें दो चीज़ें हैं एक तो कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया के रिलेशन है और एक है ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस साल एस आया था ब्रिक्स है क्वाड है ओकस है ये है इसमें इंडिया का क्या रोल है क्या पोजिशन है ये जानना ज़रूरी है कंट्रीज़ में जैसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज है यूएस है ठीक है और कौन से फ्रांस है चाइना है रशिया है इनका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए वो आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो हमेशा कोई भी रिलेशनशिप का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए एंड करंट में क्या क्या चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये मोस्टली करंट अफेयर्स से होती है इसमें आपको कोई अलग से किताब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है आई थिंक इतना ही है इसके ज़्यादा तो कुछ और है नहीं करने के लिए यहाँ पर आई में आप एक चीज़ कर सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या पी है प्राइम मिनिस्टर है हमारे ठीक है या जो मिनिस्टर है मिनिस्टर uh, ऑफ जो एस जयशंकर जी हैं इनके स्टेटमेंट्स आप डायरेक्टली यूज करते हो कर सकते हो एग्जाम में जैसे सागर पॉलिसी है फाइव ए स्ट्रेटेजी है ठीक है ये कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बोलते रहते हैं रिगार्डिंग सर्टेन कंट्रीज जैसे अभी uh, हमारे मिनिस्टर का बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट आया था कि uh, वो कह रहे थे ना यूरोप में कि देर प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड ऐसे कुछ ईस्ट कुछ ऐसा स्टेटमेंट था मैं होता तो वो उठा के मैं फोटो ले लेता क्यों क्योंकि अगर इन्होंने कभी ये सवाल पूछा आई पे कि इंडिया जो है वर्ल्ड स्टेज पर वो कहते हैं ना दोगलापन इंग्लिश में जो भी ट्रांसलेशन हो उसका ठीक है दो तरफ से खेलते कुछ अगर ऐसा होता ठीक है जो भी है आ, वो मैं वहाँ पर वो स्टेटमेंट ज़रूर यूज़ करता ठीक है कि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको लगता है दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं हमारे प्रॉब्लम्स उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये मैं वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करता हूँ और वह मेंशन करता कि ये मिनिस्टर ने बोला ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है भाई ठीक है तो ये ऐसे टाइप की चीज़ें यहाँ से उठाना यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना यही करता था करंट अफेयर्स वही जो मैं फोटो लेके ऐसे टाइप की चीज़ें करता था ठीक है यहाँ पे मेरे ये हो गया जी एस टू जी एस थ्री एक ऐसा पेपर है जो हाल फिलहाल में लोगों को बहुत दुखी किया है इस पेपर ने मेरे 94 मार्क्स हैं और इस पेपर में स्कोर्स कम होते गए हैं पिछले uh, दो तीन साल में देखोगे नाइन्टी प्लस माइनस फाइव हैज़ बीन द एवरेज उसका रीज़न है सबसे पहले तो यहाँ पर आती है इकोनॉमी ये एक मार्क्स की आती है सौ से एक मार्क्स की इसमें ऑलमोस्ट सिक्सटी मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है फिफ्टी फोर्टी टू सिक्सटी मार्क्स का तो आपको क्या करना है एग्रीकल्चर के जितने भी प्रॉब्लम्स है लैंड कंसोलिडेशन हो गया डब्लिंग फार्मर्स इनकम हो गया ठीक है जितने भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वाटर इशू हो गया इन सब पे आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज ये आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट एंड यहां पे क्या करना है पीवाई क्यू देखो एग्रीकल्चर में और अगर आप 10 साल के उठा लोगे ना पी वाई एग्रीकल्चर के सारे प्रॉब्लम डिस्कस मिल जाएंगे आपको उन उनपे बस नोट्स बना लो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स बहुत बेस्ड आता है यहाँ पे जैसे स्पेशली जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है जो बजट में लिखा है इनको आपको आंसर्स में भी बहुत लिबरली यूज करना है तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है राइट तो यहाँ से भी बहुत जैसे इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया वी शेप्ड रिकवरी पे आया वी शेप्ड रिकवरी इस पर थी इकोनॉमिक सर्वे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस था तो ये यह यहाँ से पूछते हैं सवाल राइट तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है है ना एंड हाँ मैं ये काफ़ी लिबरली यूज़ करता था इस बार स्टैटिक के भी सवाल आए हैं कि जीडीपी चेंज कैसे हुआ था और तो रेवेन्यू और कैपिटल बजट जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वो भी आया है तो बेसिक्स भी पढ़ के जाना मैं नहीं पढ़ के गया था वो क्वेश्चन देखते मेरे लिए बहुत बड़े शौकर्स थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा यू नो सोच के फिर आंसर लिखना पड़ा था अगर मैं रिवाइज करके जा क्योंकि मुझे याद है मैं रिवाइज़ कर रहा था मैंने पन्ने पलट दिए ये नहीं आने वाला ये प्रीलिम्स का पार्ट है वो पहले दो सवाल वही थे पेपर के राइट तो वो पढ़ के जाना क्योंकि अब ये पूछ रहे हैं राइट इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ठीक है यहाँ से आपके सिक्सटी मार्क्स फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स आते हैं और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना इनसे ज्यादा स्टैटिक कुछ नहीं है कल को अर्थक्विक भी आ गया ना तो भी आप वही पॉइंट्स लिखोगे जो दो, दो लोग लो दस साल पहले भी लिख रहे थे यहाँ पे कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स बनाना ज़रूरी है जैसे आ, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट में है हर एक में अर्ली वार्निंग सिस्टम आ जाएगा लोकल कैपेसिटी ट्रेनिंग आ जाएगी ठीक है ऐसे uh, टाइप की चीजें आ जाएंगी तो ये आपको बना के पाँच छः पॉइंट्स ताकि वो किसी में भी पूछे वो हर जगह वैलिड होती हैं वो मैंने याद कर रखी थी तो वो आपको एग्जाम में टाइम बहुत बचाएगा राइट तो ये आपको करना है इंटरनल सिक्योरिटी में आप टॉपिक्स देखो नेशनलिज्म का लिंक है डेवलपमेंट के साथ ठीक है वो ऐसा पूछ रखें तो हर बार सेम सवाल आता है उस पर टेररिज्म है मनी लॉन्ड्रिंग है सेम सवाल आते हैं हर बार कि क्या कॉजेज़ हैं सोल्यूशन क्या है इंटरनेशनल कॉरेब्रेशन फलाना ढमकाना हर चब, हर बार एक ही चीज़ पूछते हैं और कुछ है भी नहीं पूछने के लिए तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो इस पर नोट्स हर एक टॉपिक पे ढाई वर्ड्स के नोट्स प्रिपेयर कर लो यहाँ से आपके बहुत आराम से नंबर खींच सकते हो आप ठीक है और अब इस पेपर का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है साइंस एंड टेक कुछ भी आता है यहाँ पे कुछ भी आता है कभी कोई साइंटिस्ट का पूछ लेंगे पिछले बार एलईडी का पूछ लिया था तो आप इसको प्रिपेयर कैसे करना है जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं जैसे नाइनोटेक है ए है ठीक है ब्लॉकचेन है इस बार ब्लॉकचेन काफ़ी अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं और कुछ कुछ जो उन्होंने सिलेबस में दे रखी हैं जो न्यूज़ में आते रहते हैं इन पर ढाई वर्ड्स तीन वर्ड्स का नोट्स प्रिपेयर करो एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन है मेरी जो प्रिलिम्स में जो ये पूछते हैं ना टॉपिक इस बार नैनोटेक पूछा है बायोटेक पूछा है वो मेंस में रिपीट होता है उसी साल के जैसे अगर 22 का प्रीलिम्स है तो 22 के मेंस में वो वही पूछेंगे पिछले साल प्रीलिम्स में एलईडी पे एक सवाल था एलईडी पे उन्होंने मेंस में भी पूछा ये मेरा ऑब्जर्वेशन है हर साल ट्रू नहीं रहता है बट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट केसेज में काम करता है तो प्रीलिम्स में जो टॉपिक साइंस एंड टेक का आएगा ना इस बार जैसे नाइनोटेक है पक्का आएगा नाइनोटेक पर सवाल क्वांटम आया है इस बार प्रिलियम में सॉरी इस बार आई थिंक क्वांटम पे आया है ठीक है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे आया है पक्का आएगा सवाल मतलब मैं और मैं होता अगर तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाता क्वांटम टेक को ठीक है तो यही कुछ चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेंगी यहाँ से मतलब जो एल का सवाल है किसी को कुछ नहीं आता था सब खराबी लिख के आए वहाँ पर तो मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर आप बहुत टाइम लगाओ यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ लो और उसी को फिट करने की कोशिश करना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हर एक कोई टेक, ये टेक्नोलॉजी दे, दे देंगे उसका एप्लीकेशन पूछते हैं तो कुछ कुछ एप्लीकेशन सोच के रखना कि एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है एजुकेशन में क्या हो सकता है हेल्थ में क्या हो सकता है ये फलाना ढमकाना टाइप की चीज़ें यह आपको करके रखनी है है ना ये हो गया और एक लास्ट उसमें रहता है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में क्या सीन है कि जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं ना ये क्या लिख दिया पोल्यूशन वाली चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए जैसे एन है प्लास्टिक अभी रूल आउट किया है प्लास्टिक हो गया वाटर है एयर एयर पोल्यूशन इसी में आ जाता है uh, मैं इस बार बायो डिग्रेडेबल वेस्ट पे एक्सपेक्ट कर रहा था कोविड के वजह से ठीक है ये अच्छे से प्रिपेयर करके रखना यहाँ से सवाल पूछते हैं ये है ना एंड मोस्टली फिर यहाँ से करंट अफेयर्स बेस्ड ही आता है कि जैसे इस बार सी ओ आया था ठीक है अब यहाँ पे वो आपसे नहीं पूछ रहे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई एनिमल के बारे में यहाँ पे मोस्टली करंट अफेयर्स बेस ही होता है ये वाला भी काफ़ी दर देता है ये इसमें भी अगर अनचंड सवाल बन गए तो जैसे इस बार आया था डब्ल्यू के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर तो वो बहुत दिक्कत होती है ऐसे आंसर्स लिखने में तो अगेन ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एरिया नहीं है बट इतना पार्ट तो एटलीस्ट आप अच्छे से पढ़ के जाओ जो गवर्नमेंट के लॉज हैं ई पी ए हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये सब अच्छे से करके जाना आ, जो इसके सिलेबस में खाली एक चीज़ मैंशनड मिंच, है वो है ई पी ए मैं ना क्या बोलते थे इसको मेरे को तो फुल फॉर्म भी याद नहीं है तो वो वो उस पर नोट्स बना लेना आप ठीक है क्योंकि वो इन्होंने दो हज़ार बीस में डायरेक्ट पूछा था और एक दो साल में वापस पूछेंगे क्योंकि ये ऐसे ही आता है इसमें तो इसमें और कुछ है नहीं अब जी एस फोर एथिक्स और ऐसे की बात करते हैं राइट right, ये थोड़ा जल्दी निपटा भी देता हूँ मैं एथिक्स मेरे आए 105 नंबर एथिक्स में मेरे पास कोई अच्छा सोर्स मेरे को मिला नहीं तो मैंने एथिक्स में क्या किया जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके डेफिनेशन एग्ज़ैम्पल एग्ज़ैम्पल क्या कुछ तो हो गया हिस्टोरिक हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे गांधी जी हो गए विवेकानंद हो गए ऐसे टाइप के ठीक है कुछ हो गए ऑफिसर्स ठीक है ऑफिसर्स कैसे जैसे कुछ आई एस एस हैं जैसे परमेश्वर नायर सर हैं ठीक है जैसे केरला में एक हैं प्रश, प्रशांत नायर ठीक है आ, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी एक है मुझे अभी तो क्योंकि रिवाइज नहीं है बट कुछ आई एस ऑफिसर्स जिन्होंने अच्छा काम किया है वो और एक कुछ जो अपने जनरल लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं क्या जैसे मान लो टीचर दस मिनट लेट आता है तो वो अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है राइट कोई अगर है गाड़ी से चिप्स के पैकेट फेंक रहा है ठीक है तो वो वहाँ पे क्या वैल्यू के प्रॉब्लम्स हैं ये टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने की कर, कोशिश करना पेपर में ताकि आपका पेपर जो है ना एथिक्स वो ऐसा ना लगे कि रटा रटा आया और उगल दिया उसको लगना चाहिए कि यार ये रियल लाइफ में भी कुछ एग्जाम्पल्स अपने आसपास एथिकली सोचता है तो ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल जनरल लाइफ के प्रिपेयर कर लेना एंड ट्राई टू रेप्लीकेट इन द एग्जाम ठीक है और फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है केस uh, स्टडीज़ अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने जो 110 सोचा था ना कि मैं जी फोर में 110 लाऊंगा वो कैसे लाऊंगा केस स्टडीज में आप इजीली 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास हर एक केस स्टडी 20 मार्क्स का आता है 20 का आता है 15 का पता नहीं कितना का आता है आई थिंक बीस का आता है बीस का था वन ट्वेंटी होते हैं छः केस स्टडी होते हैं 120 ट्वेंटी मार्क्स के आराम से आप सेवेंटी प्लस ला सकें क्योंकि 20 मार्क्स में 12 नंबर 11 नंबर लाना इजी है क्योंकि केस स्टडी में हर केस में चार चार सवाल पूछते हैं तो वहाँ पे 12 12 नंबर लाना इजी है तो मैंने फिगर आउट किया कि 70 प्लस तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ और जो सेक्शन ए है थ्योरी वाला पार्ट थ्योरी में तेरह सवाल आते हैं थर्टीन क्वेश्चन टेन मार्क्स तो यहाँ पर मैंने सोचा तीन तीन मार्क्स भी आ जाएँ तो फोर्टी प्लस आया जा सकता है तो एक सौ से ऐसे बनते हैं ये मेरा एनालिसिस था पेपर में मेरे साथ क्या हुआ कि आ, इस एथिक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर कंप्लीट करना आप सोच के देखो केस स्टडी है एक पूरे पेज की केस आती है वो आप पहले पढ़ोगे तीन चार मिनट में उसको दिमाग में चलेगा कुछ फिर क्वेश्चन देखोगे आंसर करोगे मिनिमम एक केस स्टडी में तेरह से चौदह मिनट लगते हैं मैंने जो अपना एक्चुअल एथिक्स का पेपर दिया था पहले फोर्टी फाइव मिनट्स में मैंने खाली दो केस स्टडीज लिखे थे उसमें भी दूसरे केस स्टडी का कंक्लूजन नहीं लिखा था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी एथिक्स के पेपर में कि कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद मैंने अपना दिमाग किया बंद जो मेरे को सूझा जो पेन था मैंने खाली चला दिया हर हर, हर एक क्वेश्चन में और मैंने गिरते पड़ते अपना पेपर कंप्लीट किया है एथिक्स में पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन में इंट्रो नहीं है कुछ में कंक्लूजन नहीं है इतना खराब पेपर लिखने के बाद भी मेरे 105 नंबर आए रीज़न पेपर कंप्लीट था सेकंड जो उन्होंने पूछा जो पूछ रहे हैं वही लिखो ये एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है लोग भावनाओं में बह जाते हैं पता नहीं क्यों अगर उसने बोला है स्पेसिफिकली कि इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स थ्योरी कम लिखो तीन चार एग्जाम्पल दो उसको वो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप उसको लगा के उसको थ्योरी उसको समझाए जा रहे हो तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है पेपर कंप्लीशन का एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके बिना ये नहीं होगा एथिक्स uh, में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे एंड अपना वो आप समझ लो हंड्रेड में सेवेंटी मार्क्स के स्टडीज फोर्टी मार्क्स सेक्शन है ये मेरी स्ट्रैटी थी 105 मेरे को आए बिकॉज पेपर मैंने बहुत खराब लिखा था एथिक्स का राइट तो एथिक्स में तो मोस्टली मेरे को यही डिस्कस करना था ज्यादा एक और चीज़ है कि एथिक्स में ना आंसर थोड़े सिंपल लिखना यार वहाँ जबरदस्ती कोई फिलोसफी गुजारने कोशन ज़्यादा फिलोसफिकल मत बनाना एथिकल टर्म्स यूज़ करना बट ट्राई टू मेक द पेपर लुक लाइक इट इज़ अ जी पेपर डोंट ट्राई टू मेक इट लुक लाइक इट इज़ अ फिलोसफी पेपर राइट क्योंकि जब मैं राउजा इसमें में पढ़ा था तो इट वॉज वेरी जो मेरे नोट्स थे काफ़ी फिलोसफी हैवी थे बट मैंने पेपर बहुत सिंपल लिखा है बहुत सरल भाषा में बहुत सिंपल इंग्लिश में एंड थोड़े एथिकल टर्म्स हर पेपर में यूज़ करके राइट right? हाँ एथिक्स में यार सॉरी सेकेंड ए आर सी एब्सल्यूट मस्ट है सेकेंड ए आर सी जो है एथिक्स की रिपोर्ट है वो आप ज़रूर पढ़ना दैट इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट मैंने राउूस आइज़ की कंपस भी पढ़ी थी बट वही है मेरे पास उतना ही था बस करने के लिए ठीक है यहाँ पे तो इतना ही है और ऐसे ऐसे पे इस बार मीन्स बने थे देखे थे आप लोगों ने मेरे 135 आए हैं ऐसे में जो इस साल अच्छा स्कोर है बट इस बार ऐसे का पेपर देखा आप लोगों में से किसी ने किसी ने भी देखा हाँ कुछ समझ आया था उस पेपर में हाँ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है मेरे को एक चीज़ पहले ये तो बताओ कि बहुत लोग इतने सारे फिलोसफिकल टॉपिक्स देख के डर गए थे या उनको लगा था ये क्या हो गया है बट क्या ये जस्टिफाइड था अगर आप यूपीएससी के लास्ट के दो तीन साल के पेपर देखोगे ना वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स ही पूछ रहे हैं अभी क्या कर रहे थे वो छः आठ में से छः पूछ रहे थे अब उन्होंने आठ में से आठ कर दिए उसका रीज़न भी है कि अगर आप कंटेंट बेस ऐसे पूछोगे विमेन है एग्रीकल्चर है लगभग हर कोई सेम लिख के आएगा सेम गवर्नमेंट स्कीम सेम डेटा सेम वे फॉरवर्ड सब कुछ सेम होता है ऐसे में 120 के आसपास स्कोर करना बहुत इजी हो गया था यूपीएससी ने इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है एबस्ट्राट एसेज पूछना एकदम शुरू कर दिए हैं अब तो इसलिए डरना नहीं है एबस्ट्राट एसेज तो प्रिपेयर करके जाने मैंने भी प्रिपेयर किए थे एंड इसीलिए फिर मेरा स्कोर भी अच्छा है तो ऐसे में करना क्या है ऐसे दो टाइप के होते हैं एक तो होता है एब्स्ट्रैक्ट जो फिलोसफिकल है एक होते हैं कंटेंट बेस्ड जो हमारे जी से आते हैं मैंने ये भी किए थे जबकि यू इस पर पूछता नहीं है और उसका मैं आपको बनाता हूँ बेनिफिट कहाँ मिलता है वो बेनिफिट आपको मिलता है जी एस टू गवर्नेंस में इस बार तीन सवाल मेरे गवर्नेंस में इसलिए अच्छा सही से हुए क्योंकि मेरे पास कंटेंट बेस्ड ऐसे मैंने उस पर लिखा था एजुकेशन में सवाल आया था लर्न यू अर्न स्कीम मैंने एजुकेशन पे ऐसे लिखा था उसमें वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट था तो मैंने वो चीज़ वहाँ लिखी वहाँ से मेरे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट डेटा और uh, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स डेटा वगैरह सब कुछ था सेम वुमेन एम्पावेंट पे क्वेश्चन था कि वुमेन एम्पावरमेंट बताओ विदाउट मेंशनिंग एजुकेशन एज अ पैरामीटर अगेन वुमन एम्पावरमेंट पे ऐसे लिखा हुआ था सो आई हैड एवरीथिंग ऑन माय टिप्स थर्ड था प्राइमरी हेल्थ केयर पे कि इट इज़ अ राइट ऑफ द सिटीजन हेल्थ केयर पर लिखा था ऐसे उसमें प्राइमरी सेकेंडरी तर्सरी सब लिखा था तो इसलिए वहाँ से सवाल सॉल्व हो गए तो ये ऐसे आपको इसलिए लिखना है और इसलिए भी लिखना है कि क्या पता किसी साल आ जाए और आप प्रैक्टिस ही नहीं करके गए हो तो आपके वहाँ पे क्योंकि 1200 सौ वर्ड्स लिखना ना किसी भी टॉपिक पे तो आप बहुत होलिस्टिकली प्रिपेयर कर लेते हो टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर पॉवर्टी वेमेन ठीक है, है आ, हेल्थ एजुकेशन ऐसे टाइप के टॉपिक्स जो बड़े कंटेंट बेस्ड होते हैं राइट ये आपको यहाँ से करना है एबस्ट्रैक्ट में क्या करना है जो फिलासफिकल एसेज होते हैं ना सबसे पहली बात तो ये कि उसमें आपको कोई फिलासफ़ी नहीं लिखनी है समझ रहे हो फिलोसफिकल ऐसे इसका ये मतलब नहीं आपको वहाँ फिलोसफी लिखनी है फिलोस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए अगर आपको टॉपिक समझ आ गया ना तो तो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी इनोवेशन क्रिएटिविटी एकदम वाइल्ड कर सकते हो गो इन एनी डायरेक्शन यू वांट राइट मैं क्या करता था जैसे मैंने एक वो टॉपिक लिखा था कि फिलासफी ऑफ फॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन तो मैं लास्ट पेज पे जाके ऐसे ही कीवर्ड लिख देता था, था फिर मैं जी में मॉडर्न हिस्ट्री सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर एंशंट मीडिवल ठीक है यहाँ से एग्जाम्पल्स निकालता था और फिर वो एग्जाम्पल्स में ट्राई करता था ऐसे में यूज़ करने के जो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ से जैसे मैंने एंशियंट मीडियवल से एग्जाम्पल उठाया कि जो भक्ति सेंट्स थे या जैसे लॉर्ड बुद्धा थे ये बोलते रहते थे मध्यम मार्ग वगैरह सिंपल लाइफ बट इनकी भी वॉन्ट थी एक निर्वाणा की सेलविशन की तो फिलोसफी ऑफ वॉर्डलेसनेस इज यूरोपियन ठीक है एक एग्जाम्पल यहाँ से उठा लिया एक साइंस एंड टेक्स से उठा लिया यहाँ से चार पाँच एग्जाम्पल उठाए और आपने ऐसे में उसको इंकल्केट करने की कोशिश की ऐसे भी होता है ना इट इज अ डिबेट तो ऐसा नहीं है जो आपको दे दिया गया आप वो ट्रू मान के उसको एकदम वैसे ही लिख दो तो यहाँ पे आप कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स लिखोगे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कि आप अग्री कर रहे हो टॉपिक से नेगेटिव मतलब आप डिसग्री कर रहे हो नेगेटिव में जैसे मैंने एक लिखा था जैसे मदर टेरेसा है शी वर्क फॉर द पुअर बट शी डेंट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न ठीक है तो वॉन्टलेसनेस था उनके पास इट वॉज नॉट यूटोपियन राइट तो ऐसे करके आप दो और जो आपको लगता है कि एक्चुअली में जिस चीज में आप बिलीव करते हो जैसे मैं बिलीव करता था कि वॉन्टलेसनेस सही में यूटोपियन है उसको मैंने डोमिनेट करवा दिया राइट right? इस ऐसे का एक सेकेंड पार्ट भी था कि मटीरियल इज काइमेरा काइमेरा मेरे को वर्ड ही नहीं पता थी क्या होती है ठीक है बट ये जो सेक्शन ए में चार ऐसे थे ना उस चार में से मुझे सिर्फ पहला आधा ही से यही इतना ही समझ आया था तो मैंने इसी पे लिखना शुरू किया ठीक है और जो कामेरा है उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन देखा वो माया लिखा हुआ था मेरे को लगा होगा मटेरियलिज्म कुछ मो माया टाइप चीज तो उस पर कुछ ऐसा लिखेंगे मार्क्स अच्छा है मतलब सही लगा होगा उनको ठीक है तो ऐसे करके लिखते हो आप एंड यहाँ पे जैसे जो तरीका है ऐसे लिखने का सबसे पहले बात हो कंटेंट है ना ऐसे में आप लिखोगे क्या वो आपके जीएस सिलेबस से आएगा कुछ आपको अलग नहीं करना जीएस में आप इतनी चीजें पढ़ते हो वहां से आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं एथिक्स के एग्जाम्पल्स होंगे जीएस uh, वन में हिस्ट्री के हैं के हैं आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं राइट तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है ऐसे के लिए बस लिखना आना चाहिए एंड लिखना जब तक आप ऐसे लिखना शुरू नहीं करोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा आप कौन से कहाँ पे अटक रहे हो क्या आपको टॉपिक ब्रेक डाउन करने में अटक रहे हो या 500 से 600 सौ वर्ड से ज्यादा लिखने में अटक रहे हो तो ऐसे आपको लिखना है ऐसे मैंने कैसे लिखना शुरू किया था प्रिलियम्स के बाद हर वीकेंड में एक ऐसे लिखता था कि सैटरडे को एक संडे को एक और जब प्रिलिम्स का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मैं सैटरडे को दो एस लिखता था यू पी फॉर्मेट में तो जब तक मैं प्रीलिम्स uh, अपना सॉरी मेन्स देने गया था मैंने सिक्सटी टू सेवनटीन एस लिख लिए थे एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था एस में तो वो मेरे को हेल्प किया राइट तो आपको एस प्रैक्टिस करनी है अच्छे खासे आप वीकेंड वाली स्ट्रैटेजी भी यूज़ करो ना एक बार जब सात आठ महीने में आपका खत्म हो जाए सिलेबस तो आप एक एक ऐसे लिखना शुरू करो धीरे धीरे करके एंड दैट इज़ वाइन यूल इम्प्रूव विथ एस एस राइट तो ऐसे में आई डोंट थिंक मेरे पास और कुछ है करने के लिए एक है विक्रम ग्रेवाल सर है he was AIR 51 in वन uh, I think थिंक टू थाउजेंड एटीन इनके वन सिक्सटी वन मार्क्स थे ऐसे में आप इनका एक बार पढ़ना ब्लॉग ठीक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने बता रखा है कि कैसे उन्होंने ऐसे को अप्रोच किया था टू ek दैट मस ठीक है अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ कि ऐसे में ना मैं हेडिंग्स लिखता था ठीक है बीच ऐसे में मैं हेडिंग्स लिखता था और मेरे को हर जगह मना किया गया था कि आप हेडिंग्स मत लिखो बट मैं लिखता गया और मैंने यूपीएससी में भी लिखा और मेरे अच्छे मार्क्स हैं तो इवेल्यूएशन का ये मतलब नहीं है कि वो जो बोले आप चुपचाप मान लो मेरे को लगता था वो अच्छी स्ट्रैटेजी है बिकॉज अगर आपने 1200 वर्ड्स लिखे हैं बारह तेरह पन्ने लिखे हैं कोई अगर आपका पलट कैसे देखता है तो वो आपके हर एक चीज़ दोबारा नहीं पड़ेगा अगर आपने हेडिंग दो तीन दे रखी है तो उसको आइडिया आ जाएगा ठीक है इसने ये चीज़ ऐसे लिखी थी फिर ये टॉपिक लिखा था ये टॉपिक लिखा था तो ये चीज़ मैं करता था एंड मेरे को उस चीज़ का आई डोंट थिंक इट वॉज पीनालाइज एनी बिकॉज मेरे मार्क्स अच्छे हैं राइट तो मेरे को बहुत लोगों ने मना किया बट आई कंटिन्यू विद दिस स्ट्रैटेजी तो एथिक्स ऐसे यही है एंड आई थिंक यहाँ से अपना सारा जी एस मेन्स तो कम्प्लीट हो गया है तो अगर किसी को जी एस वगैरह में मेन्स में कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ सकता है इकोनॉमिक्स के लिए देखो मैंने तो क्लास नोट्स पे रिलाई किया था क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे थे क्लास नोट्स अगर आपको लगता है कि एनसीआरटी की जरूरत है कुछ लोग पढ़ते भी हैं आप एक बार पढ़ के देख लो बट मेन्स में आई डोंट थिंक एनसीआरटी इतना हेल्प करेगा आपको

तब आपको पता होगा कि आपको क्या चीज़ याद रहती है क्या चीज़ आप भूलते हो जो चीज़ आप भूलते हो आपको लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप वो नोट डाउन करो यू डोंट हैव टू मेक द एंटायर थिंग अगेन एंड अगेन तो आफ्टर टू थ्री रिविजन स्टार्ट मेकिंग नोट्स शुरू से मत बनाना हाउ टू यार देखो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता था कि मान लो जैसे अब पॉलिटी में पढ़ रहा हूँ तो एक तरफ लक्ष्मीकांत पढ़ रख लिए एक तरफ क्लास नोट्स रख लिए एंड साथ साथ पढ़ते रहता था कि यहाँ पे ई चल रहा है तो इधर भी एंटी डिफेक्शन लो देख लिया कि क्या लिखा था या यहाँ प्रेशर ग्रुप्स हैं यहाँ भी प्रेशर ग्रुप्स देख लिया तो डिपेंड करता है बहुत लोग एक ऑनलाइन में जाके एक जगह कंबाइन कर देते हैं मैं नहीं करता था तो इट डिपेंड ऑन पर्सन टू तो पर्सन कि आप कैसे पढ़ते हो उसको right? राइट वो तो लिखोगे तभी आएगा ना यार मेरे को शुरू में चालीस मिनट लग रहे थे वो लिखते लिखते ही कम होता है अब कितने आंसर्स लिखे हैं आपने छः सात में कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा यार आपको बहुत लिखने पड़ेंगे प्रिलियम्स का रिजल्ट आया था अक्टूबर ट्वेंटी नाइन को और नवंबर और दिसंबर नवंबर में मैंने हर दिन पांच आंसर लिखे रात में और दस आंसर लिखे फिर ऑल्टरनेटिवली पहले दो वीक्स फिर अगले दो वीक्स नवंबर में मैंने दस आंसर लिखे फिर दिसंबर में मैंने हर फुल मार्क्स दिए दो बार तो आप सोचो मैंने कितने आंसर्स लिखे होंगे पाँच इंटू लगा लो सत्तर तो यहीं हो गए बहुत आंसर्स लिखे थे यार आंसर्स लिख के Uh, आपको बेटर होगा सात आंसर में तो यार क्या ही हुआ अभी अभी तो बहुत टाइम है अभी तो आपने एक आधा जीएस भी नहीं लिखा पूरा समझ रहे हो अभी बहुत टाइम है करते रहो बस उसको प्रैक्टिस करते रहना चेल मारो मेरी हिंदी आप अगर मैं लिखना शुरू कर दूँ ना आपको अरेबिक लगेगी ठीक है और हिंदी में जैसे मेरी एक फ्रेंड है उसकी ऑल इंडिया रैंक नाइन्टी है इस बार uh, तो उसने हिंदी में क्या किया इस बार एक वो आया था कि लहर का हमको बताना था दो सिनोनिम्स होते हैं तो उसने ये लिखा है क्या है इंग्लिश में वेव लिखा है बस देवनागरी स्क्रिप्ट है तो यही करते हैं भाई और मैं बताता हूँ मैंने भी ये चीज़ सोची थी कि भाई मैं इंग्लिश हिंदी में फेल ना हो जाऊँ क्योंकि हिंदी मैंने लास्ट पढ़ी थी एट्थ में नाइन टेन टेन्थ में मेरी संस्कृत थी संस्कृत में ज्यादा लिखना नहीं होता तो अब देखो मैंने क्या किया सेवेंटी फाइव मार्क्स लाने हैं ना तो अब देखो यहाँ से कैसे आ जाएंगे एक आपको ऐसे लिखना होता है कुछ भी लिख दोगे छः सौ वर्ड्स का बीस नंबर वो दे देगा ठीक है क्योंकि वो यहाँ पर आपको जबरदस्ती नहीं एलिमिनेट करेंगे पंद्रह नंबर तो दे ही देगा कम से कम ठीक है दो ट्रांसलेशन होती हैं एक इंग्लिश टू हिंदी एक हिंदी टू इंग्लिश वो भी बहुत नंबर से होते हैं भाई तीस पैंतीस नंबर तो यहाँ भी आ जाएंगे हिंदी टू इंग्लिश भी कर देंगे इंग्लिश टू हिंदी भी कर लेंगे कोई लोड नहीं है फिर एक और वो आती है आ, प्रिसिस राइडिंग पता नहीं उसको यही बोलते हैं कि नहीं वो क्या करते हैं वो पाँच सौ वर्ड या कितने का दे, दे देंगे बोलेंगे इसको वन थर्ड में लिखो तो क्या है उन्होंने अगर दस पैराग्राफ लिखे हर पैराग्राफ की खाली दो दो लाइन उधर उठा के चेप दो द्वारा तो वहाँ से भी दे देंगे दस पंद्रह नंबर आप क्लियर कर जाओगे भाई आराम से यहाँ से पंद्रह बीस यहाँ उठा लो दस पंद्रह एक आध के पर्याय्चे वर्याचे लिख देना वो समझ जाएंगे इतनी हिंदी इसको आती है कर देंगे पास यहाँ पे वो आपको नहीं अगर वो यहाँ पे हटाने लग गया ना यार तो फिर बहुत दिक्कत आई थिंक इसलिए वो ना सेलेक्टेड लोग के मार्क्स नहीं बताते हिंदी इंग्लिश उनको लगता है किसी तरह तो पास किया है इनको हिंदी में तो इनको मार्क्स ही बताना है तो इस पर चिंता मैंने कुछ नहीं किया था लिटरली कुछ नहीं किया था मैंने इतना देखा मुझे लगा इतने में हो जाएगा मेरा और अगर इतने में नहीं हुआ तो मैं अगले साल नहीं दूँगा फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कोई लोड नहीं ये हो जाएगा डोंट वरी का नहीं भाई मैंने नहीं किया मतलब हो सकता है करके अच्छा होता हो मैं मैंने नहीं की भाई लास्ट में डेली क्लास नोट्स तो बन रहे हैं ना लास्ट में उसको रिवाइज करना है अब उसको यार देखो मैंने किसी भी चीज के इससे ज्यादा नोट्स नहीं बनाए थे इससे ज्यादा नोट क्लास नोट्स के फिर उसमें मैंने मार्क कर दिया था कि भाई जब मैं रिवाइज़ करूंगा तो मैं ये चीज़ रिवाइज करूंगा ये करूंगा ये चीज़ नहीं करूँगा बहुत चीज़ें याद हो जाती है ना बार बार पढ़ते पढ़ते तो उनको मार्क क्यों करना है वो तो आपको याद ही रहेंगी जो चीज़ आप भूलते हो उसको मार्क कर लो ना तो आपका कंटेंट अपने आप अप कम होता रहेगा है ना एक पेज <laughs> क्योंकि उससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है ना एक पेज मतलब कितना ढाई वर्ड्स के आसपास ठीक है ढाई वर्ड्स के आसपास आपको लिखना है तो इससे ज्यादा नोट्स मत बनाओ यार आपको लगेगा कि आप पता आपने जितना लिखा उसमें से नहीं आए उसमें से नहीं आएगा तो जितना लिखा उसी में से लिख देना समझ रहे हो मान लो जैसे सी है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक क्वेश्चन मान लो आपसे पूछते हैं कि इंडिया ने सी में क्या गड़बड़ करी है वेर हैव यू फेल्ड इन इनर पॉलिसी राइट तो आप एक लिखोगे कि भाई मीथेन प्लेट ज्वाइन नहीं किया डिफॉरेस्टेशन प्लेस ज्वाइन नहीं किया कोल का फेज आउट से फेज uh, डाउन कर दिया ठीक है ये लिमिटेशन है इंडिया के अब उन्होंने पूछा कि इंडिया ने क्लाइमेट लीडरशिप कैसे दिखाई मीथेन प्लेट ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमारे फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं उनको बचाना है एग्रीकल्चर हैवी इकोनमी है सेकेंड डिफॉरस्टेशन प्लेस ज्वाइन नहीं किया क्योंकि पैरिस टारगेट्स हमारे सही चल रहे यू ने बोला है थर्ड कोल का फेज डाउन इसलिए किया क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडस्ट्रियली अभी हमको डेवलप करना है और पर कैमिटा इमिशन हमारे यूरोप से बहुत कम है थ्री परसेंट है दुनिया के ये लिख दोगे सेम कंटेंट है जो कॉन्टेक्स क्वेश्चन का चेंज हो गया तो आपका सेम कंटेंट चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स ऑफ द क्वेश्चन आप हर चीज के लिए अलग थोड़ी बढ़ना शुरू कर दोगे फिर तो कभी हो ही नहीं पाएगा आपका एग्जाम क्योंकि हर पेपर में पंद्रह चौदह पंद्रह सवाल तो नहीं होंगे ना उसी को सेम कंटेंट से लिखना कैसे है ये आर्ट आपकी आंसर राइटिंग में डेवलप होती है राइट मैथ्स ऑप्शनल की मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आई एम एस नोट्स क्योंकि मेरे पास एक साल था भी सिर्फ तैयारी के लिए ना आई एम एस नोट्स मैंने कोई बुक बुक ज्यादा नहीं देखी है और मैथोक्रैट uh, चैनल है यूट्यूब पे शिवराज सर का है इन्होंने फिजिक्स और रियल एनालिसिस और जितने भी टफ टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ से नोट्स बनाए थे पी वाई क्यूज़ पी वाई क्यू पी वाई क्यू पी वाई क्यू यह आपको मैंने एक बार सॉल्व किया दो बार रट के गया देख मेरे पास टाइम नहीं था ठीक है तो मेरे लिए मैंने डिसाइड किया पी वाई क्यू ज़्यादा बेस्ट टेस्ट सीरीज़ राइट इन ऑल पेपर्स जी एस हो प्रियम्स हो या फिर ये हो पी वाई क्यू ज्यादा बेस्ट टेस्ट सीरीज़ तो यहाँ पर तो एटलीस्ट मैंने खाली पी वाई क्यूज़ किए बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिला यार मैंने आई एम एस से मतलब एक मेरे सीनियर है तो उन्होंने आई एम एस से ही लिया था मैंने उनसे ले लिया था यार बहुत है यार आई एम एस के नोट अगर यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ तक आएंगे काफ़ी ज़्यादा है यार मैंने डायरेक्टली ले लिए थे ना क्योंकि मेरे पास एक सीनियर थे मैंने उनसे ले लिए तो मैंने को मेरे को खरीदना नहीं पड़ा था तो आई एग्जैक्टली डोंट नो हाँ हाँ कर सकते हैं यही है बस इससे ये है ना मैथोकलाइट -right, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप ये कर सकते हो और मैं बताऊ मुदित जैन सर है ना इनका एक ब्लॉग चैनल है तो यहाँ पे मैंने अपने जीएस और मैथ्स दोनों की स्ट्रैटेजी डिटेल में शेयर की है ये ब्लॉग है आप देख लेना तो मैथ्स का जिसको डाउट है वो मैथ्स का आपको यहाँ दिख जाएगा जी का जो मैंने वहाँ लिखा है exactly एक्जैक्टली वही यहाँ पर बोला है तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बट मैथ्स का आपको मोस्टली वहाँ दिख जाएगा है ना तो आप वहाँ से एक बार पढ़ लेना ये मुदित जैन सर ये एक आईआरएस आर है इनकम टैक्स ऑफिसर है इनका एक ब्लॉग है ये टॉपर्स पे इन, इन्वाइट करते हैं वो अपने ब्लॉग वॉग लिखते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है आप देख लेना एक बार मैथ्स की स्ट्रैटेजी आपको वहाँ अच्छे से मिल जाएगी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने क्या पढ़ा कैसे पढ़ा अरे गूगल पर सर्च करो मुदे जैन ब्लॉग फिर वहाँ पर आप कहीं मेरा नाम ढूँढ लेना और वहाँ आपको दिख जाएगा नाम नहीं ऑल इंडिया रैंक इलेवन ऐसे दिख जाएगा आपको वहाँ पर मैथ स्ट्रेटेजी तो वो देख लेना आप ठीक है चार से पाँच घंटे पढ़ता था डेली में मैं बोला था फर्स्ट हाफ डिवाइड किया था तो फर्स्ट हाफ में मैं मैथ्स ही पढ़ता था ऑप्शनल मेरा फर्स्ट इटरेशन आठ महीने लगे थे मेरे को एट मंथ्स फर्स्ट रीडिंग हाँ क्योंकि मैं पहले छह महीने तो जॉब के साथ भी कर रहा था ना तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था इतना राइट right? तो हाँ वो होता है मैथ्स में वो जब तक वो रिवीजन से ही होगा मैथ्स में ये बहुत होता है ये मेरे को मेंस के एक महीने पहले लग रहा था कि मैं भूल रहा हूँ सब कुछ पीछेगा लेकिन जब आप पी वाई क्यूज देना शुरू करते हो ना तब आपको समझ में आता है कि एक साथ आप मल्टीपल टॉपिक्स ऐसे याद रखते हो क्योंकि आप जस्ट पहले नोट्स uh, बना के जाओगे एंड जितने लोग मैथ्स वाले हैं ना मैथ्स uh, वाले एक uh, देख लेना एक मैथोक्रैट चैनल है टेलीग्राम पर ठीक है ये ज्वाइन कर लेना यहाँ पर मैंने अपने नोट्स डाल रखे हैं मैथ्स के एंड मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ ठीक है तो टेलीग्राम पे अगर आपको कोई भी मेरा चैनल मिले कुछ भी मिले मैं टेलीग्राम पे नहीं हूँ तो वो और मैं किसी को अभी पर्सनली मैसेज भी नहीं करूँगा तो वो देख लेना कुछ लोगों ने ये चीज़ लिंकड पे भी की है इसलिए मेरे को इंस्टा खोलना पड़ा मैं फॉलो करने नहीं बोल रहा हूँ बट इसके अलावा अगर आपको कुछ भी आता है इंस्टाग्राम पे भी तो वो मैं नहीं हूँ मेरा पूरा नाम है शुभंकर पाठक अंडर स्कोर इलेवन ये याद कर लो इस मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करूँगा और इसके अलावा कोई मैसेज भी करे तो वो मैं नहीं हूँ ठीक है वो मेरा नाम है और अंडर स्कोर जो मेरी रैंक है बस इतना ही है ना फॉलो वालो करने नहीं बोल रहा हूँ बस ये बता रहा हूँ इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कोई भी आए तो वो मैं नहीं हूँ ठीक है और यार माई होल ईयर वॉज प्लान ऑन द फैक्ट कि मैं विद इन टेन मंथ्स आई फिनिश माई एंटायर सिलेबस जी एस आड मेन ऑप्शन एंड देन आई रिवाइज इट वंस इन वन इन वन एंड टू मंथ्स एंड देन बिकॉज आई हैड दैट एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज द फिल्म वॉज पोस्टपोन सो देन इन दो थ्री मंथ्स आई स्टडीड ओनली एंड देन ओनली मेन सो माई एंटायर प्लान वॉज विद इन टेन मंथ्स आई शुड हैव One reading of entire आप देख लेना वो ब्लॉग पढ़ लो आप उसमें चलो यार ले लो टेलीग्राम पे मेरा ये है ये है डाउट पूछ लेना अदरवाइज मैथोक्रेट चैनल पे आपको सब मिल जाएगा ठीक है और कुछ वही जैसे आप दो तीन बार एंड टू एंड पढ़ोगे फिर आप वो नोट्स बनाओगे जो चीज आप याद नहीं रखते हो राइट फिर जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो ना आप खाली वही पढ़ते हो जो आपको याद नहीं रहता है एंड ये आपको पता कैसे चलेगा जो आपको ऑलरेडी याद है वो आपको नेक्स्ट टाइम भी याद रहेगा कि नहीं टेस्ट सीरीज़ जब आप टेस्ट सीरीज़ दोगे तब आपको पता चला मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल का उ, कॉलेज आपने हाईलाइट नहीं किया था उसका सवाल आया आपने सही कर दिया मतलब आपको याद है और अगर नहीं किया तो दोबारा जाके देख लो कि क्यों नहीं किया था क्या गलत किया था तो आप ये ऐसे ही करते हो आप पहले पढ़ोगे फिर आप एक बार रिवाइज़ करोगे टेस्ट दोगे फिर दोबारा पढ़ोगे जब आप ये साइकिल तीन चार बार घुमा दोगे ना तब आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर चीज़ की राइट मैथ्स का रहन दो यार मैथ्स का पूरा डिटेल मैंने बता रखा है कुछ भी उसके बाद डाउट हो आप मेरे को यहाँ कांटेक्ट कर लेना मैं बता दूंगा मैथ्स का मैंने डिटेल में सब कुछ लिखा है हर एक चैप्टर कौन सा किताब कौन से नोट्स कहाँ से पढ़ें सब कुछ डिटेल में लिखा है वो ब्लॉग पर पढ़ लेना आप ठीक है और कुछ हो गया चले सॉरी यार क्या हाँ 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 तो कम लिखो ना आपको दिमाग में ज्यादा आ रहा है आप जबरदस्ती कम लिखो आपको वहाँ अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है आप वहाँ अपने नॉलेज से इंप्रेस नहीं कर पाओगे एग्जामिनर को समझ लो मेरी बात आप बस उतना ही लिखो जितना पूछा है अगर आपको वो आपको लग रहा है आप बीस वर्ड ज्यादा लिख रहे हो आप बीस वर्ड जबरदस्ती कम लिखना शुरू करो ठीक है मान लो ये दो साइड्स हैं पेज के आप अगर यहां तक लिख रहे हो आप यहाँ तक ही लिखो बस पहले इस चीज़ पर कंट्रोल करो जब आप ये चीज़ कंट्रोल करना शुरू करोगे ना वर्ड लिमिट उसके बाद फिर आप उतने ही वर्ड लिमिट में इफेक्टिव आंसर्स लिखना शुरू करोगे तो पहले आप ये कंट्रोल करो वर्ड लिमिट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वहाँ अपना नॉलेज नहीं दिखाना है किसी को ठीक है वो आपका नॉलेज देख के आपको आंसर नहीं देंगे बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट में आप कितना भी लिख रहे हो ना आपसे बेटर कोई और लिख देगा उसमें या तो बेटर नॉलेज उसको होगी आपको तो खाली एवरेज लिखना है ना तो अगर आप यहाँ तक लिख रहे हो और बीस वर्ड ज़्यादा लिख रहे हो तो आप यहाँ तक लिखना शुरू करो फिर यहाँ तक अगर आपकी वर्ड लिमिट सही हो गई और आपका टाइम में होते जा रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं फिर तो आप एक्सटेंड कर लो समझ अगर आप वर्ड लिमिट से ज्यादा लिख के भी बीस के बीस सवाल कर पा रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो लिमिट करना शुरू करो है ना इंटरव्यू का क्या देखो इंटरव्यू में दो चीज़ होती है मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ एक होता है आपका डैफ ठीक है और एक होता है करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने एक पेपर एक्स्ट्रा कर दिया था ठीक है हिंदुस्तान टाइम्स डैफ टू आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है फिर मॉक इंटरव्यूज दो एंड देखो वहाँ इंटरव्यूअर में ना आपके सामने पांच लोग बैठे होंगे सबके तीस साल से ज़्यादा की पब्लिक वो है सर्विस है ठीक है उनके पास डेढ़ सौ से डेढ़ सौ साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है है ना एंड आप पच्चीस साल के भी नहीं हो तो अगर आप वहाँ कुछ भी गेम खेलना चाहोगे ना वो तुरंत पकड़ लेंगे एंड अगर वहाँ पर उन्होंने कुछ भी उनको नेगेटिव लग गया तो तुरंत आपके मार्क्स नीचे जाने वाले तो कुछ फेक मत करना डैफ टू अच्छे से प्रिपेयर करो करेंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करना पच्चीस से तीस मिनट की बात होती है वहाँ पर सिर्फ ओनली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स या थर्टी मिनट्स आपको झेलना है वहाँ पर एंड वो इतने सॉफ्टली बात करते हैं ना कुछ डराते कुछ नहीं करते हैं, कोई डराते वराते नहीं है नॉर्मल चीज़ों पे बात होती है जो चीज़ें आपको आती हैं उसी पे वो आपको जज करते हैं जो चीज़ें आपको नहीं आती उस पर वो आपको जज नहीं करेंगे ठीक है ना अनलेस मान लो आपसे ऑप्शनल से कुछ पूछ रहे हैं आप वही नहीं बता पा रहे तो तो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा बट ओवरऑल इट इज़ मोर अबाउट वॉट यू नो एंड वॉट यू आर आंसरिंग नॉट यू आर नॉट आंसरिंग राइट तो ओवरऑल इंटरव्यू का इंटरव्यू का मीन्स के बाद सोचना बहुत टाइम मिलता है ना मैथमेटिक्स में कैसे इंटरव्यू में वो प्रिपेयर करोगे आप वो एक आ, उस पर एक ऑलरेडी जैसे ट्रांसक्रिप्ट है ना ट्रांसक्रिप्ट में आप पढ़ोगे मैथ्स में उन्होंने क्या क्या पूछ रखा है वो सब नोट्स मतलब आपको बनाने पड़ेंगे मैंने इंटरव्यू के इतने नोट्स बनाए थे मेरा चौदह दिन में था इंटरव्यू इन विद इन द नेक्स्ट फोर्टीन डेज़ मैंने इतने मोटे नोट्स बनाए थे मैंने अपाला मैम को कहीं सुना था बोलते हुए आई थिंक सी टी डब्ल्यू डी पे कि उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी प्रिलियम से ज़्यादा की थी एंड उनके सवा दो सौ टू हंड्रेड फिफ्टीन मार्क्स थे उनके ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि यार फ्री फोकट में ना किसी को मार्क्स नहीं मिलते यूपीएससी में जितने भी लोग बाहर अनचंड चीज़ें बोलते हैं ना कि उनको इसलिए मिलेगी या उस मिलेगी वो सब बकवास है मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप प्रिपेयर्ड होते हो तो प्रिपेयर करके जाना इंटरव्यू आप हंसते खेलते नहीं बात करके आ सकते ठीक है दे एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ सीरियसनेस कि अगर आप कहीं से हो वहाँ की हिस्ट्री जोग्राफी आर्ट एंड कल्चर आपको पता होगी ऐसे टाइप की चीज़ें राइट तो प्रिपेयर करके जाना तभी मार्क्स मिलेंगे अनप्रिपेयर्ड मार्क्स नहीं मिलने वाले इंटरव्यू में और कोई कुछ भी बोल दे कि भाई इंटरव्यू में इसलिए मार्क्स मिल गए या उसने मिल गए या फलाना रीजन से मिल गए एक ही रीजन से मिलती है प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस राइट मेरे वन नाइनटी थ्री है इंटरव्यू में तो so, प्रिपेयर करके जाना बस इतना ही है राइट right? हर चीज़ पे ऑप्शनल जहाँ से आप बिलोंग करते हो कॉलेज वर्क एक्सपीरियंस एवरीथिंग राइट एनीथिंग एल्स Yeah, you in certain topics you do. For example, I told you when I analyzed the PYQs, I saw that certain questions are repeated often. For example, pressure groups will come every two years or three years. It came in my exam also, so I had to have prepared a you know a introduction and conclusion for whatever. If if a question comes on pressure groups, right? So I prepared that because whatever specific they will ask, I'll write in the body. But my intro and conc uh, conclusion is prepared, so I'll save a lot of time as well, right? Yeah, yeah. Because there, there from there only you will pick up these things, right? Example, uh, last year tribunalization uh, was a very important issue uh, because the government had um, closed a lot of tribunals. So in the tribunal chapter, I knew that if uh, if, the, if a question comes, it didn't come ultimately. But if it came, my conclusion was said that um, L. Chandrakumar judgment, Supreme Court had said. Uh, to create a National Tribunal Commission to be headed by a, a Supreme Court judge, and my introduction was also said Article 323A, 323B, 42nd Amendment that introduced uh, tribunals into uh, the Indian framework, so something like that. So when you prepare these things before, and if a question comes, you are only predicting that it may come. So when it comes, then you already have a settled uh, introduction and conclusion, and it is very relevant also. And then you write your body part where you actually use your brain, and then you write good answers also. Right? It saves a lot of time as well. Yeah, it's not necessary. Even I am an electrical engineer. I took mathematics. A lot of engineering candidates uh, take social sciences subjects and they perform better than people who had that as a graduation, right? So it doesn't really matter. See, the first and foremost thing is whether you have interest or not. <coughs> because your optional is very important. Without doing well in your optional, you're not going to clear mains, right? So, and that is why you have to read optional in in a lot of depth also. And, and one thing I know, optional is the only paper where UPSC expert, uh, expects expertise from you. Right, it is the only paper. Rest all papers are general in nature, right? And UPSC gives marks also accordingly. 270 plus, 280 plus is average in all optional. Uh, the people who do well, so that is why you have to read your optional in depth. So interest is of paramount importance. Then you have to see the other re relevance of that. Whether you have material, whether you have uh, guidance, stoppers, and all these uh, stuff comes secondary. First is interest. Whether you have interest in it or not, because you have to study that in depth and you have to study that for long hours. and for a long time as well probably so that is why that is the uh, first criteria right just a yeah मान uh, लो अगर <laughs> आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चल रही है ना वीकेंड भी होती हैं मतलब कभी कभी होती है ना बट मान लो मंडे टू फ्राइडे चल रही है क्लास में अगर आपको इतनी दिक्कत आ रही है तो करंट अफेयर्स की आप डेली करते रहो वीकेंड को जब आपको घर पे टाइम मिले तो जितना भी आपका वीक में पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लो एक बार बैठ के बट ये बहुत हेक्टिक होता है करंट अफेयर्स की आपकी रिविजन कम होने लगेगी टाइम धीरे धीरे करके यू नो जब तक आ, बेटर आप उस पर होते जाएगा टॉपिक्स आइडेंटिफाई करोगे जितने बार रिवाइज करोगे क्योंकि करंट अफेयर्स में चीज़ें रिपीट करती हैं राइट तो वो जितना रिपीटेड होगा आपका फास्टर रिवीजन होगा कि आपको मैनेज तो करना शुरू में सबके लिए हाई होता है सबके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है बट धीरे धीरे वो कम हो जाता है राइट मतलब आई नो इसका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है वो करते करते ही होगा मतलब I mean, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दिन बेड से उठोगे और आपकी रिविज़न तुरंत होने लग रही है तो वो जितना आप करोगे उतना जल्दी आपका ख़त्म होगा वो तो अच्छा बहुत एक साथ हो रही हैं तो यार ये तो हमारे में क्या होता था कि हमारे में दो सब्जेक्ट्स एक साथ चलते थे हाँ ये तो फिर थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए मतलब ये फिर आपको बैलेंस तो आप एक बार में दो ही पढ़ो तीसरे के क्लास में नोट्स बनाते रहो और बाद में जब आ, फिर दो और रिवाइज करोगे तो उसमें से एक ये कर लेना बट ये चैलेंज रहेगा यार मेरे टाइम तो दो ही होता था सो आई डोंट नो आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू कमेंट ऑन दिस राइट वो आई थिंक टाइम का तो प्रॉब्लम है ही यार एग्जाम में तो वो आप कुछ तो कुछ आपको फिगर करना पड़ेगा वो आपका पर्सनली होगा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आप एग्जैक्टली कैसे रिवाइज करो क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है ना पढ़ने का तरीका अलग है तो रिविज़न का भी तरीका अलग होगा सेम नहीं हो सकता किसी का राइट right? तो वो आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा बट इट इट हैज़ टू बी मतलब जितना आप ज़्यादा करेंगे ना कोई एक चीज़ उतना जल्दी आपका रिविजन होता रहेगा ये आपकी धीरे धीरे होगी सेकेंड थर्ड रिवीजन के बाद होगी फर्स्ट डिविजन में नहीं होने वाला राइट right? yeah, एक सेकेंड कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं करना मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको अगर पता हो ना कि कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है दैट इज इंपॉर्टेंट लेट से यू आर स्टडिंग पॉलिटी ठीक है एंड आप डी के बासु लेके बैठ गए डी के बासु इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स बुक बट आपने अपनी ईगो पे ले लिया कि मैं ये तो करूँगा ही या डिजास्टर मैनेजमेंट है मैं इसको परफेक्ट करूंगा सो यू टेक अ बुक एंड यू स्टार्ट स्टडिंग अ बुक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट नॉ दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी यू हैव टू वर्क हार्ड बट यू हैव टू वर्क हार्ड इन द राइट एरियाज And that is what this exam demands. You don't have to be, uh, you know, a perfectionist in this exam. You have to be a generalist in all subjects except your optional. So have that approach. That if disaster management is being asked for 25 marks, you are not going to study a book for it. But economy is being asked for 100 marks, so you will have to study some source, whether it is um, your class notes or some book or some current affairs magazine. But don't uh, have to study anything for, let's say. एग्ज राइट आई थिंक दी इंट पीजी करना क्या जरूरी है तो मैं सही इंसान नहीं हूँ मतलब या किसी ने अगर यार मतलब दिस इज अ कॉल यू विल हैव टू टेक ये मैं तो आपके लिए नहीं ले सकता एंड दिस इज समथिंग कोई वो ही बेटर बता पाएगा जिसने या तो पीजी की या तो वो पीजी नहीं किया उसने डिस्पाइट हैविंग द ऑप्शन सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस आई विल टेक फ्यू डाउट्स दो तीन डाउट्स जल्दी से ले गए यार देख से मेरा सिंपल था दिन का पहला हाफ वॉर्ड फोर टू फाइव आवर्स मैथ्स सेकेंड हाफ वॉर्ड फोर टू फाइव आवर्स जी एस अब हर किसी का अपना पर्सनल होता है आपको अगर मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग रही है आप ज़्यादा दे दो जीएस में कम टाइम लग रही है आप जीएस में कम टाइम दो बट वो आपका पर्सनल है वो मैं आपके लिए नहीं आके सॉल्व कर सकता मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं दिन का फर्स्ट हाफ मैथ्स पढ़ता था सेकेंड हाफ जीएस पढ़ता था टाइम तो आपको ऐसे ही मैनेज करना है सुबह करंट किसी और के भी ले, ले लेता हूँ डाउट है ना सम मटीरियल हो सॉरी नथिंग अब तो आई थिंक आर एस टी वी पर बिग पिक्चर भी बंद हो गई है अब मैं कुछ नहीं करता मेरे पास टाइम ही आता करने का मैंने करंट अफेयर्स के लिए खाली न्यूज़पेपर और अपना मैगजीन उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं देन फील क्वेश्चन मैं बता प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले ना मैंने पढ़ना छोड़ दिया था और मेरे प्रीलिम्स से पहले आईपीएल चल रहा था तो मैं आईपीएल देखता था एंड देखता मतलब बॉल बाई बॉल देखता था तो मेरे घर वालों को पता नहीं इसको क्या हो गया है पता नहीं मुझे भी क्या हुआ था मुझे भी नहीं पता बट मैंने पढ़ना छोड़ दिया था एक हफ्ते पहले पता नहीं क्या हुआ था आई आई स्टॉप रीडिंग तो मैं आई डोंट नो क्या था आई आई डोंट हैव द रीज़न बस दो दिन पहले मेरी बहुत तेज बैंड बज गई कि भाई क्या कर रहा है तो एकदम से दो दिन में उठा के मैंने सब रिवाइज करने की कोशिश किया बट दैट विल हैपन वो नेचुरल है तो उसको ज़बरदस्ती सप्रेस मत करना अगर कुछ हो रहा है तो उसको लेट इट हैपन उसको आप देख लो दिन में एक दो घंटा निकाल सकते हो जो भी है मतलब मैं तो आई देखता था बहुत बहुत देखता था सुबह मैं आई देखता था अगले दिन हाईलाइट भी देखता था फिर उसकी कमेंट्री भी देखता था पता नहीं क्या हो रहा था मेरे को बट ये होता है दिस इज वेरी नेचुरल एंड दिस विल हैपन सो डोंट लेट दैट गेट टू यू वो प्रेशर है ना जैसे भी रिलीज़ करते हो यूट्यूब देख के नेटफ्लिक्स देख के जो भी करके वो कर लो ज़बरदस्ती उसको सप्रेस मत करना क्योंकि और प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे प्रेशर अगर बहुत बन जाएगा तो फट जाएगा फट जाएगा तो एग्जाम नहीं होगा फिर चलो थैंक यू सो मच है थैंक यू फॉर एम मी